Thank you.
सुखदेव जी महाराज की, गुरुव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। ओम ज्ञान ग्रंथस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टकाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाभरणौ संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ दिगभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंहौ दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्तौ श्रीराधकान्तकमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं कमालवर्णं श्रुतावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन प्रवचन्त मन प्रीतम अपीत कृतं द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि। नारायण नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमतिरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सर्वहारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाया। बोले गिरिराज महाराज की जय कर। बोले गिरिराज महाराज की। इंद्र देखा हर साल ब्रजवास मेरी पूजा करते थे लेकिन इस बार पूजा का तो कोई नाम ही नहीं। एक दूत को भेजा देख करके आओ ब्रजवासी कर रहे हैं क्या। देखा इंद्र के लिए जितने रसमलाई लड्डी की चमचम मालपुआ रसगोला जितने बढ़िया बढ़िया सब खाना बना हुआ था उस सबके सब लेकर के श्री गिरिराज की पूजा करा रहे हैं।
इंद्र ने जब ये बात को सुना ना, अगर साल में एक दिन अगर कोई बढ़िया खाना मिले, कोई एक व्यक्ति एक साल से इंतजार करता रहे, वो खाना को और किसी दूसरे को खिला दिया जाए, बताओ कैसे लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? इंद्र को इतनी बुरा लगा, एक साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक दिन बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है और कृष्ण इनको लेकर बाहर को भूजा करा रहे हैं। कृष्ण को तो उन्होंने गाली देने लग गई, स्तब्ध बाचाल अज्ञा, कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन कृष्ण में ये अपगुण संभव कैसे? जो सुधा सरस्वती थी उसका पूरा उल्टा उन्होंने स्तुति परक व्याख्या कर दी। इंद्र ने मतलब ब्रजवासियों को मैं बजा चखा दिया, उनने संवर्त में और 49 पवन को बुलाया, बोले ब्रज में ऐसे उल्ले गिरा हो, ऐसे बारिश हो और हाथी के सूंड जैसे मुसलधारा से बारिश हो, जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए, मानो ब्रज में प्रलय आ गया। ब्रज में बड़े बड़े ओले गिरने लगे, आंधी तूफान, जितने सब ब्रजवासी कृष्ण के पास में गए, बोले देख कृष्ण, हमने इंद्र पूजा बंद करवा दिया ना, देखो इंद्र क्या कर रहा है। कृष्ण कहा, आप चिंता क्यों करते हो, हम सबके सब गिरिराज की पूजा की ना, चलो सारे सामान को लेकर के श्री गिरिराज की तलहट में जाते हैं, गिरिराज हमें शरण देगा। जैसे एक बच्चा एक छतरी को उठा ले, ऐसे ही कृष्ण श्री गिरिराज को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले उठाया जैसे कृष्ण अपना बाम हाथों में, बोले बाम हाथों में नहीं सबसे छोटे अंगुल में, बोले छोटे अंगुल में नहीं नख को बल में। जैसे एक व्यक्ति बोलता है ना, अरे ये मेरे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो उल्टा हाथ में ये काम कर सकते हैं, उल्टा हाथ में नहीं सबसे छोटे अंगुल में ये काम कर सकता हूँ। अभी इंद्र ने 7 दिन तक ओले मुसलधार से मारी थी वज्र, उन्हें पूरा जी जान लगा दी। अभी जितने कृष्ण के सखा लोग थे सबके सब लठिया लेकर गिरिराज में टेक दी, बोले कृष्ण तो कब तक ये गिरिराज को उठाओगे, थोड़ी तो विश्राम ले ले। कृष्ण ने कहा, देखो ब्रजवासियों, तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या भैया का दूध तो अगले पिया, हमने भैया का दूध नहीं पी, नीचे हाथ कर ले, हम भी मैया का दूध पिए, हम भी गिरिराज को उठा लेंगे। कृष्ण जब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाने लगे, गिरिराज गोवर्धन तो धीरे 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 नीचे आने लगे, जो डंडे टेक कर रखा रहा ना वो डंडे सब टूटना शुरू किया। ब्रजवासी बोले, कृष्ण हमसे ही गिरिराज नहीं उठेगा, तू गिरिराज को उठा ले। मैया जसोदा तो कृष्ण को बारम्बार मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए, हाथ को मालिश कर रही थी। हमें बताए 5 मिनट हाथ को रखो तो दर्द हो जाएगा ना, बोले 10 मिनट रखो तो, अगर आधा घंटा रखो तो हम रख ही नहीं सकते। लेकिन कृष्ण ने कितना दिन तक हाथ को खड़े किए, 7 दिन तक। और गिरिराज कितना बड़ी थी, 7 क्रोश। कृष्ण का उम्र कितना था, 7 साल है, इसलिए कृष्ण गिरिराज को उठा लिया। देखो एक चीज को अच्छे तरह से समझो, भगवान है ना, जिसको जिसको भगवान नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान का डेफिनेशन नहीं जानते हैं, इसलिए जिसको जिसको हम भगवान बोलना शुरू कर देते हैं। कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया, गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए, हम लोग गए हो, देखा होगा कितना बड़ा, जिसको परिक्रमा करने के लिए 6-7 घंटा लग जाती है केवल उसको परिक्रमा लगाने के लिए। अगर जो भगवान कहते हैं ये काम करो, कृष्ण ने इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया, कोई 10 क्विंटल का कोई पत्थर लाओ उसका सर पर रख लो, देखना कितना बड़ा भगवान। कृष्ण कालियों का सर पर नृत्य किया, पानी उबलता था जाग लिया से, लेकिन कृष्ण कालिया नाक पर रखा। अभी जो भगवान कहते हैं ना, थोड़ी सी जहर ला कर मुंह में लग दो। कृष्ण 3-3 बार ब्रज में आग लगी, कृष्ण सारी तवानल को भगवान ने पार किया। लेकिन जो भगवान कहते हैं, थोड़ी सी आग ला कर उसको मुंह में लगा करके देखो, इसलिए भैया भगवान भगवान कोई नहीं है, भगवान तो हमारे कन्हैया है, भगवान भगवान
अभी भगवान का डेफिनेशन हम नहीं जानते है ना, इसलिए हमको भगवान हमको भगवान हमको भगवान, इसलिए भैया जिसको जिसको पीछे मत भागा कर भगवान बोल कर भी। इसलिए भगवान तो हमारे श्री भगवान कृष्ण ही, भगवान राम हमारा भगवान और भगवान हमारी कोई हमारे भगवान नहीं। इतने में इंद्र जब जी जान लगा दी, 7 दिन के बाद में एक दूत को भेजा, बोले देख करके आओ ब्रज की सत्यानाश हो गया कि नहीं। वो ऊपर ऊपर से देखा जा करके, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। इंद्र ने और एक को भेजा, तू देख करके, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया और नीचे आया, देखा तो वहां धूल उड़ रहा था, एक चिट्ठी तक भी मर नहीं। इंद्र सोच रहा था ब्रज में बड़ी भारी कोई विपत्ति आ गई, विपत्ति नहीं, वो कृष्ण के मुख दर्शन करते हुए सबके सब होली मच रहा था, नाच रहे थे, वो उत्सव हो रहा था वहां के सब, सबके सब होली मच रहा था, सबके सब क्या गा रहे थे, बोले आज ब्रज में होरी है रसिया, आज ब्रज में होरी है रसिया, ब्रजवासियों का सत्यानाश ना तेरा सत्यानाश हो गया। भले मतलब भले जिसको तू बालक समझ रहा था ना, वो तो कनिष्ठ अंकल के ऊपर भी कितना हाथ उठाया है, और जितने ब्रजवासी आनंद से होरी मच रहा है और कृष्ण को दर्शन करते हुए जितने आनंद वहां पर, तो उत्सव हो रहा था। इंद्र ने सोचा भैया ये बालक है कौन, उसने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा ये कृष्ण और कोई नहीं इंद्र का प्रभु है, जिसने कृपा करके उनको इंद्र पद दिया था। इंद्र पद तो बलि ने छीन करके ले गया था, भगवान वामन बन करके वो बलि महाराज से इंद्र राज्य ला करके इंद्र को उन्होंने दिया था। हे भगवान मेरे को तो पता ही नहीं चला, लगता है मेरा इंद्र पद ही छीन गया, भगवान मेरे को माफ नहीं करेंगे। 7 दिन तक मैंने ओले गिराया, वज्रपात और हाथी के सूंड जैसे बारिश करवाया 7 दिन तक, लगता है गया मेरे इंद्र पर। वो अमरापुरी में जहाँ पर इंद्राणी को साथ में विश्राम करता है, विश्राम करने के लिए गया, उसको नींद नहीं आई। फिर गुरु जी को पास में, बृहस्पति को पास में गया, गुरु जी बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले गुरु जी बताओ क्या करे, बोले जाओ ब्रह्मा जी को पास में। ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने सत्यानाश कर दी, ये कृष्ण जो अवतार है ना, जितने सारे देवता का घमंड को उन्होंने चकनाचूर किया, मैं भी कुछ दिन पहले इतने बुरे तरह से फंस गया था, बड़े कष्ट से मेरे को प्राण बचा। बोले आप भी फंस गए थे, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले जिस समय कृष्ण उन्होंने अपना गैया चराते चराते गए, इतने में आभास आ गया, वो विशाल अजगर सर्प बन करके मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। जब कृष्ण की सखा लोग ने उसको दर्शन किया, सखा लोग तो भगने लग गए, बोले कोई सांप मुंह फाड़ करके बैठा हुआ, जो बड़े बड़े सखा थे क्या बोले पागल हो गया, इतना बड़ी कभी सांप देखे हो, बोले फिर रोज तो हम यही आते हैं,
हमने तो देखा ही नहीं, बोले देखो लगता है विश्वकर्मा ने कोई विचित्र गुफा बनाया, इतना बड़ा कोई थोड़ी सा आप होता है, नीचे एक और आकाश को एक, बोले अगर ये सचमुच से सांप निकला तो, बोले कि कन्या साथ में ना, कन्या तो साथ में है, जैसे बकासुर को मारे अगस्त को मार डालेंगे, बोले चलो लगता है अंदर में कोई साधु संत भजन कर रहे हैं। सर्प का दो जीवा होता है, कितना जीवा होता है, दो जीवा है, और जीवा कितना गुदगुदी होती है, जब अंदर में जा रहे हैं तो बोले भैया लगता है इसमें बड़ी सुंदर कारपेट कोई बिछा कर रखा, बड़े गुदगुदी लग रही है, और थोड़ी अंदर में गए, बोले भैया इसमें दो रोड क्यों बनाए, किसने कहा तेरे को पता नहीं, एक अंदर में जाना का अंदर का आदमी का, और उसमें बड़े बड़े दांत, बोले भैया से खंडे क्यों धार करके रखे हैं, बोले लगता है अंदर में साधु लोग भजन करते होंगे ना, इसलिए अपना बिस्तर को लटकाने के लिए खंभे गाड़े, वो तो श्वास बंद करके बैठा हुआ था, इतने में उसने जब श्वास छोड़ा बदबू आ रहा था, बोले भैया अंदर से बदबू क्यों आ रहा है, बोले लगता है संत लोग भजन कर रहे हैं ना, जिनकी शरीर की बुदबुद नहीं, लगता है कोई जानवर मरे होंगे, चलो साफ करके आते हैं, लेकिन जो श्वास छोड़ रहा था गर्मी गर्मी, बोले भैया गर्मी गर्मी क्यों लग रहा है, बोले संत लोग आसन प्राणायाम करते हैं ना, एक साथ में श्वास को रोकते हैं और एक साथ में छोड़ते हैं, इसलिए गर्मी लग रहा है, अंदर में चलते गए चलते गए, कृष्ण सबसे पीछे था और वो देख रहा था, कृष्ण आ गए ना फिर तो मुंह पे बंद कर दूंगा, कृष्ण दूर से देखा, बोले हे भगवान ये तो अघास हो गए, मुंह फाड़ करके बैठा हुआ, कृष्ण जोर से पुकारा, बोले सखाओ अंदर में मत जाओ, ये अघास रूप बैठा हुआ, लेकिन सखा तो ऑलरेडी अंदर में जा चुके हैं, अभी कृष्ण सोच रहे हैं एक साथ में दो काम करना पड़ेगा, पहला नंबर सखाओं को बचाना और दूसरा नंबर इसको मारना, कैसे ये दो काम को एक साथ में करें, इतने में जब कृष्ण अंदर में आए सारे सखा लोग बेहोश होकर गिर पड़े, कृष्ण ने अपना अमृतमय दृष्टि से उनको प्राण दिया, और जब अंदर में गए अपना शरीर को कृष्ण इतना विशाल बनाया, पूरा उसको विश्वरूप भगवान प्रकट कर दिए, उसको मुंह में ठाकुर घरी गए, मुंह बंद कब करेगा, खाली हो तब तो करेगा, लेकिन कृष्ण तो विश्वरूप को प्रकट किया, उसने मुंह खोलते खोल ही रह गया, वो अंदर में बंद ही नहीं कर पा रहा था, और कृष्ण जाकर गले में उसके अटल गया, श्वास बंद, अगर हमारे श्वास बंद हो जाए ना एक मिनट में राम नाम शब्द हो जाएगा, जब श्वास उसकी बंद हो गया ब्रह्म तालु फट गई और वहां से ज्योति निकली, जब कृष्ण ने ये आकाश रूप उन्होंने बंद किया, आकाश में सारे देवता लोग हाहाकार कर रहे थे, बोले प्रभु भी अंदर में चले गए, अभी क्या होगा अभी क्या होगा, लेकिन जब उसका ब्रह्म तालु फट गई और एक ज्योति निकला ना, देवता ने देखा भैया कृष्ण तो उसका राम नाम सत्य कर दिया, इतने में देवता लोगों ने कृष्ण की जयकार लगाई, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जयकार नहीं दे रहे, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अब ये धीरे धीरे जयकार ये ब्रह्मलोक तक पहुंचा, ब्रह्मा बोले भैया ये जय जयकार क्यों हो रहे हैं, क्या चक्कर है, ब्रह्मा उतर करके आए, देखा कृष्ण का उम्र 5 साल था, इतने छोटे बच्चे, और जिस राक्षस को देवता लोग भी इसकी डर से कांपते थे, बोले भैया इतना छोटा बच्चा और इतने बड़े दैत्य को मार दिया, और उन्होंने क्या देखा, जब कृष्ण बाहर निकले इसका जो ज्योति ऊपर में मंडरा रहा था वो ज्योति कृष्ण के शरीर में समा गया, बोले भैया ये बच्चा कौन है, ये ब्रह्म ज्योति ही जिनकी शरीर में समा गया, देखो ये ब्रह्म ज्योति है क्या चीज, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम, जिसको ज्ञानी लोग निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो ज्योति और कोई नहीं मेरे शरीर का प्रकाश है, कृष्ण इतने प्रकाश से लिए हैं, उनका ज्योति ही ये ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मा जी देखा भैया ये कौन है, और थोड़ा आगे दिला देखे, इतने में कृष्ण अपना सखा को लेकर के गए और यमुना किनारा में बड़ी सुंदर रेती बालू पर में कृष्ण बैठ गए बीच में, और सखा चारों तरफ में घेर कर बैठी,
चारी तरफ में, लेकिन आश्चर्य की बात है कृष्ण तो एक सखा हजार हजार, लेकिन हर सखा देख रहे थे कन्हा मेरे पास है। सबके सब घर में कोई मालपुआ लाए, बोले कन्या मेरे मैया बड़े सुंदर मालपुआ भेजो है। सखा खा चुके, बोले कन्या बोले मेरे को नहीं दोगे, छीन करके खा रहे थे। हैं कोई घर से पकौड़ा लाए, बोले मेरे भैया पकौड़ा भेजे। हैं इसलिए कृष्ण को दे रहे थे वो खा रहे थे, कृष्ण सभी का झूठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने बोले भैया ये कैसे भगवान है जिनको झूठन फुटन को भी कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मा इसकी इष्ट भगवान नारायण है, भगवान नारायण है। जगन्नाथपुरी आप गए हो, कौन कौन जगन्नाथपुरी है देखना, वहां पर जो पुजारी लोग जो पूजा करते हैं, जब कोई रोसैया रोसी बनाते हैं मुंह में कपड़ा बांध करके, बोले क्यों देखना कहीं बात करते करते मुंह से थूक गिर जाती है, हैं अपराध हो जाता है। ठाकुर को खाना में थूक गिर जाए तो अपराध हो जाता है। मुंह बांध करके जब अंदर में जाएंगे पूरा नया वस्त्र पहन करके, प्यार हाथ धो करके स्नान करके पवित्र होकर के अंदर में जाएंगे और पेट भर करके खा करके जाएंगे। बोले क्यों, बोले ठाकुर को खाने में अगर खाने का लोभ हो जाए आज तो बढ़िया पंडित का समझ लग रहा है, अगर उसमें लोभ नहीं हो जाए वो पेट भर करके खा करके ठाकुर जी को सेवा के लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी देख करते चक्कर में पड़ गए, बोले कैसे भगवान है जिनको झूठन फुटन को भी पता नहीं। इतने में ब्रह्मा जी कृष्ण का जो बछड़े थे ना, बोले इसको छुपा करके देखता हूँ, उन्होंने उसको छुपा दिया, लेकर के एक गुफा में उन्होंने बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद में सखा लोगों ने देखे भैया हमारा बछड़े कहीं गायब हो गए, वो सखा लोग भागने लगे। कृष्ण बोले कोई चिंता नहीं बैठ गई पर मैं देखता हूँ। जब कृष्ण उनको ढूंढने के लिए गए, ब्रह्मा इनको भी चोरी करके ले गया। कृष्ण बोले भैया सब गए कहाँ। इतने में जोग माया ने स्फूर्ति कराया, बोले प्रभु ये ब्रह्मा आपकी लीला नहीं समझ पाए, इनको उन्होंने चुरा करके ले गए, गुफा में बंद कर दिया। इतने में कृष्ण अपना शरीर से जैसे बछड़े जैसे सखा जैसे बोली जैसे चलना जैसे लपटी जैसे रंग पूरा कृष्ण पूरा पूरा उन्होंने वैसे रूप धारण किया, और खुद कृष्ण के साथ में खेल रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी जब ये काम करके ब्रह्मलोक में गया, इतने में कृष्ण ने क्या किया, वो ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर के पहुंच गए, और वहां पर जो दरबार थे बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को मैंने घूमते हुए देखा, मेरे जैसे कोई आए तो अंदर में घुसने मत दिया करना। कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। जब ब्रह्मा वहां पर पहुंचे उनका जो दरबार थे ना, बोले भैया हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए तू कैसे यहाँ पर आ गया। ब्रह्मा सोचे भैया मेरे आसन पर कौन बैठेगा, ब्रह्मा कौन बन गया, और उनका जो नौकर था ना लठिया लेकर उसको मारने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा बोले हे भगवान मेरे नौकर मेरे को मारने दौड़ रहे हैं, वो समझ गए कुछ गड़बड़ी है, वो तो पता है कुछ गड़बड़ी करके गया। इतने में ब्रह्मा गए और ब्रह्मा आए, गए और आते आते इसी जगत में एक साल हो गया। आ करके देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे लीला कर रहे अभी प्रभु भी वैसे लीला कर रहे हैं। फिर चक्रा में बोले उनको तो मैंने गुफा में बंद करके रखा, फिर गए देखा गुफा में सोए रहे। फिर ब्रह्मा एक साथ में दोनों तरफ में देखा, इधर दो सर और इधर दो सर। जब देखा कृष्ण दिखाया देखो ये बछड़े सखा और कोई नहीं मैं स्वयं, जितने सखा बछड़े सब चतुर्भुजधारी नारायण नारायण नारायण। फिर तो ब्रह्मा समझ गए ये मेरे बाप का बाप है। उन्होंने हंस वाहन से कूद पड़े, सीधा कृष्ण के चरण में लेट गए और अपना आंखों का आंसुओं से भगवान की चरणों का अभिषेक किया, और अभिषेक करते हुए लेकिन देखा ब्रह्मा जी मेरा एक सर प्रभु का चरण को स्पर्श कर रहे हैं, अभी तीन सर बाकी रह गया, शरीर का एक अंग ये ब्रज रज को स्पर्श कर रहे हैं, अभी तीन अंग बाकी रह गए। फिर तो ब्रह्मा जोर करके ला करके
चार सर को ठाकुर का चरण स्पर्श कराया और ब्रज रज में लौट को उठाने लग गए। बोले क्यों मेरे शरीर ये ब्रजवासियों का चरण धूलि से अभिषिक्त तो हो जाए। भयंकर ब्रह्मा जी आंख को रगड़ते रगड़ते खड़े हुए और भगवान को उन्होंने स्तुति की। तो उन्होंने 40 श्लोकों को द्वारा स्तुति दी है। 40 श्लोक से हम कोशिश करेंगे दो एक श्लोक को सुनने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। पहला जो श्लोक है बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले कृष्ण कौन है हम लोग थोड़ी अच्छे तरह से समझो। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे। ब्रह्मा कौन है? ये सारा दुनिया को जो रचना करने वाले, 14 ब्रह्मांड को जो रचना करने वाले। बोले कृष्ण कौन? बोले ईश्वर। बोले ईश्वर का मतलब क्या? बोले इसका मतलब है जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, दिन को रात कर सकते हैं और रात को जो दिन कर सकते हैं। अब महाभारत युद्ध में देखा होगा जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को वध करूंगा, इतने में देखा असंभव है, इतने में कृष्ण क्या चक्र को भेजा तो दिन और रात कर दिया, दिन ही रात हो गया। फिर रात को ठाकुर ने दिन कर दिया। मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकते हैं और जिंदा हुआ बच्चे को मार सकते हैं, इसलिए कृष्ण अपना जीवन में तीन तीन बार मरे हुए बच्चों को उन्होंने जिंदा किया है। एक बार किया जिस समय कृष्ण शांति बनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए। बोले गुरु जी मेरे विद्या अध्याय में पूरी हो गई, आप मेरे को गुरु दक्षिणा मांगो। वो समझ गए थे कि कृष्ण बलराम कोई जीव नहीं, क्योंकि एक कला है 64 विद्या होता है। जैसे कोई सीए करता है, इंजीनियर की डॉक्टर देखना जिंदगी भर लगा करके एक विद्या को सही से खत्म नहीं कर पाता, लेकिन कृष्ण 64 दिन में 64 जितने कला जगत में 64 तरह का उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को अध्ययन किया। बोले ये कोई साधारण जीव नहीं, एक आठ को पढ़ने के लिए जिंदगी भर लगा देते खत्म नहीं कर पाते। बोले इनको ऐसे एक गुरु दक्षिणा मांगना जो केवल भगवान ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने क्या मांगी? बोले मेरे मरा हुआ बच्चे को वापस ला। कृष्ण स्वयं जब महाराज के पास गए शंख बजाए तो जब थरथर थरथर कांपते कांपते आए। बोले लगता है मेरी बारी आ गई। बोले मतलब क्या? बोले इंद्र को जो शासन किया, ब्रह्मा को जो शासन किया, गत्रिसिकर्ण देवता को जो परास्त किया, लगता है मेरी नंबर आ गया। जब महाराज कांपते कांपते आए प्रभु के चरण में गिरे। बोले प्रभु हम क्या करेंगे? बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस लाओ। उन्होंने जमपुर से मरे हुए बच्चे को उन्हें वापस लाए। गुरु जी तो देख देख कर हैरान हो गए कि जगत में संभव है मेरा हुआ कोई व्यक्ति आ जाए। ये बात को जब देवकी को पता चला, देवकी बोले कन्हैया मेरे 6 बच्चों को कंसे ने मार डाला, मेरी बड़ी इच्छा मेरे बच्चे को वापस ले आओ। कृष्ण फिर गए, उन्हें 6 बच्चों को अपने वापस फेर लाया। जब कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे, एक ब्राह्मण का बच्चा जन्म लेते ही मर जाता था। फिर कृष्ण महाकालपुर में गए, साक्षात नारायण के पास में गए, वहां से सारे बच्चों को उन्होंने वापस लाए। इसलिए भगवान उसे कहते हैं मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम ईश्वर है। बोले कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम जो सत्य थे। बोले हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं ये कौन? बोले ईश्वर। बोले परम कृष्ण ये कौन है? बोले परम, परम मतलब होता क्या? सबसे जो श्रेष्ठ है, जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जब उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ। बोले मत पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं। जैसे हम एक माला बनाते हैं, लेकिन उसमें माला बनती है कैसे? उसके अंदर में धागा है। जैसे धागा को मैं एक एक फूल को पो पो करके एक एक माला बनती, अगर धागा टूट जाए तो माला रहेगी? रहेगी नहीं। उसी तरह कृष्ण कहते हैं अर्जुन देख विश्व ब्रह्मांड में। इसलिए जदा जदा ही धर्मस्य
ग्लानि भवति भारत के जब जब जगत में अधर्म बैठने लग जाए धर्म की हानि हो जीव जीव में कौन अवतीर्ण होता है बोले मैं अवतीर्ण होता हूँ इसलिए बोले ईश्वर परम कृष्ण बोले सच्चिदानंद विग्रह भगवान का स्वरूप कैसे है सत स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप और हमारा शरीर कैसे है बोले खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर इसलिए हम जन्म लेते हैं बड़े होते हैं बूढ़े होते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं लेकिन भगवान ऐसे नहीं इसलिए भगवान मरते नहीं है इसलिए भगवान राम 11,000 साल तक रहे आप लोग रामायण देखे हो कौन कौन रामायण फिल्म में देखे हो हाथ उठा आप देखना भगवान राम जाते समय कैसे गए सबके सब सरज नदी में स्नान किया अकेले प्रभु नहीं गए पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए सरज में स्नान किया स्नान करते सबके सब चतुर्भुज रूप धारण किए वैकुंठ से रथ आए प्रभु सबको लेकर के प्रभु अपना धाम में गए कृष्ण भी ठीक 125 साल तक रहे और जितने ब्रजवासी थे सबको लेकर के प्रभु अपना गोलोक वृंदावन में गए इसलिए कहते हैं बोले सच्चिदानंद विग्रह भगवान कई बूढ़े नहीं होते भगवान दाढ़ी नहीं होता भगवान का कभी मोज नहीं होता है और भगवान कभी मरते भी नहीं इसलिए बोले सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण कौन है बोले अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण देखो एक चीज को अच्छे तरह समझिमा में बैठा कृष्ण है कौन है इसलिए जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु खड़े हुए थे प्रभु की इच्छा हुई लीला करने के लिए अकेले के लीला कर ही नहीं सकते जिसे वेद कहता है एक अपि बहुश्याम वो एक ही थे जब लीला करने की प्रभु की इच्छा हुई वो बहु हुए अभी उनकी जब इच्छा हुई लीला करने के लिए उनको अंगस वाम अंगस से किशोरी जी प्रकट हुई राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी से जितने शक्ति उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी इस सब के सब श्री राधा रानी से प्रकट हुई इसलिए जो राधा रानी ये भगवान की पराशक्ति नादिनी शक्ति स्वरूप शक्ति है जब हम श्री राधा जी की भक्ति करते थे उपासना करते हैं एक शक्ति नहीं एक देवी नहीं अनंत देवियों की पूजा हो जाती है उनकी डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए ताल भैया बोले उनसे एक शंकर सर प्रकट हुए बोले उनसे बोले उनके चतुर्व्यूह प्रकट हुआ वासुदेव शंकर सर प्रद्युम्न अनिरुद्ध यहाँ से जो शंकर सर बोले तीन विष्णु प्रकट हुए कानंद गोसाई गर्भद गोसाई किरा गोसाई शेष है बोले ये तीन विष्णु का काम क्या है बोले एक विष्णु जो कानंद गोसाई जो माया को दृष्टि करने पर माया अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करती है बोले दूसरे जो गर्भद गोसाई जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा हुए बोले क्षीरोदशाई बोले जितने जगत में जीव है सभी के हृदय में एक अंकुष्ठ परिमाण में जो परमात्मा है सबका हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठे हैं वो कौन बोले क्षीरोदशाई इसलिए ब्रह्मा जी कहते कृष्ण कौन हो गए जैसे मोदी है ना जानते हो मोदी का नाम जैसे वो प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं लड़ाई पढ़ाई हो ना मोदी आदमी थोड़ी बंदूक पकड़ते नहीं केवल वहीं से आते से तट पर सारे काम होता है उसी तरह कृष्ण कौन ये मोदी है जैसे कृष्ण का कबल यही काम है वो गोलोक वृंदावन में अपना सखा सखियों को साथ में लीला करना ही इनका ही काम उनका और कोई काम नहीं केवल वहीं से इच्छा करने पर उनकी जो अंश के अंश के अंश जो भगवान के अवतार ये सारे संसार का श्रेष्ठ स्थिति प्रलय उनकी गुणावतार सबके सब कर लेते हैं लेकिन कृष्ण को कुछ भी करना नहीं पड़ता इसलिए ब्रह्मा कहते हैं जितने सारे कारणों का जो कारण है कौन है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की इसलिए देखने में ना कृष्ण लड्डू गोपाल जैसे छोटे से बैठे हुए छोटे नहीं बड़े खोटे हैं और देखने में ऐसे लग रहा है ये जिसके चरण को सारे देवता जिनकी चरण की सारे देवता पूजा करते हैं ब्रह्मा जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं देखो ब्रह्मा जी एक दो अच्छी श्लोक बताए अब ये एक दो श्लोक को अच्छे तरह से अपना दिमाग में बैठा लो अगर बैठा लोगे ना जीवन में भक्ति करते करते अगर कभी दुख कष्ट आ जाए
फिर आप बिलबिला हुए नहीं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले तत्व कंपा सुसुमिक्ष भुजा कृतम विपाकम। कहते अगर हमारे जीवन में जो कुछ आए, आप कभी दूसरों को दोष मत लगाओ, अरे अमुक वजह से ऐसे हो गया, उसने हमारे प्रति ऐसे ऐसे किया है। कहते भैया कोई किसका प्रति कुछ नहीं करते, हमने जैसे कर्म किया कर्म का अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं। अगर हम नीम का बीज बोएंगे बताओ तो कौन सा वृक्ष आएगी, नीम। अगर हमने चीकू का बीज बोएंगे कौन सा वृक्ष आएगा, चीकू। अगर हम केले का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, इसलिए हमने जैसे जैसे कर्म की वो कर्म के अनुरूप हम जीवन में कर्म का फल भोग कर रहे हैं। इसमें किसकी दोष नहीं, अपना कर्म फल हम स्वयं भोग करते हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं क्या करो, लेकिन अगर भक्ति करते करते अगर कोई दुख कष्ट आ जाए हम क्या करते हैं, भगवान को दोष लगाना शुरू कर देते हैं। इतना प्रभु की भक्ति की भजन की और ठाकुर हमारा साथ में ऐसे क्या, दिन रात इसका नाम लेता रहता। हाँ देखो एक दो उदाहरण लेकर समझाता हूँ, इसको दिमाग में बैठा लो ठीक है। अगर भक्ति कर रहे हो विपत्ति आए तो क्या समझो, एक समय दो भाई थे, एक तो बड़ा नास्तिक और एक आस्तिक। आस्तिक नास्तिक समझते हो, मतलब एक तो मानता था ठाकुर को, एक मानता नहीं था। और जो मानता था दिन भर ठाकुर के सामने बैठ करके भगवान की बोला हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे, वो दिन भर भजन करता था। और जो मानता नहीं था उसको हर समय वो चिढ़ाता था, बोले क्या कर रहे हो, कोई काम धाम है नहीं, दिन भर माला लग रहा हरे कृष्णा है। और ये पत्थर है, ठाकुर जी को बोलता था ये पत्थर है, क्या दिन भर पत्थर को सामने बैठ कर कर रहे हैं, बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अरे कुछ काम धाम करो। वो कुछ नहीं बोलता था, उसको पता था भैया भजन में क्या मस्ती है, भजन में क्या आनंद है, जो भजन करता है उसको पता है, है? उसको पता है कृष्ण नाम में क्या रस है। एक दिन ये दोनों कहीं निमंत्रण में जा रहे थे और जो भक्ति नहीं करता था उसको एक सोने की थैला मिल गया, बोले देख लिया तू जितना कृष्ण कृष्ण राम राम कर तेरे को क्या मिला, देखो मेरे को सोने की एक मोहर मिल गया। तो बात सही है, लेकिन और जो थोड़ी दूर गए जो भजन करता था उसको प्यार में एक लोहे की सी गड़ गई, खून बहने लग गया, बोले देख लिया तो इतने भगवान की भक्ति करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ ना बेकार ये सब भजन भजन करना सब बेकार है। उसमें तो बड़ा दुखी हो गया, जो सामने देखा है ना बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के ठाकुर जी को बुलाया, बोले ठाकुर जी तेरे में इतने सेवा पूजा भक्ति करता हूँ तो सबके सामने मेरे ऐसे बदनामी करवाते हो, जब इतना किया ना आकाश वाणी हुई। बोले बेटा ऐसे मत समझो, सुन लो तुम्हारी जीवन की कथा, इसको जो एक सोने की मोहर मिली पिछली जन्म में इतना दान इतने दान पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में इसको राज्याभिषेक होने का था, राजा बनने का था, लेकिन वो चूंकि मेरे और मेरे भक्तों को बदनाम करता चुगली करता है उसका सारे पुण्य खत्म हो गया। इसलिए केवल एक सोने की ढेले देख करके बोले तू जा हो गया तेरा, अब तेरी बात सुन ले, पिछली जन्म में तुमने तो मर्द किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, लेकिन चूं चुके मेरे नाम लेते हो मेरी भक्ति करते हो तेरे सारे पाप खत्म हो गए। इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ी सी थी तेरे प्यार में एक सीख गड़वा करके लोहे गड़वा करके तेरे को छोड़ दिया। इसलिए ये मत समझो भक्ति करने पर दुख मिलता है और भक्ति नहीं करने पर सुख मिलता है, ऐसे मत समझो। समझ गए कि नहीं, दिमाग बैठ गया। अगर भक्ति कर रहे हो कोई दुख आए ये समझना जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अनहोनी थी, चूंकि हम ठाकुर जी की भक्ति करते ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दंड देकर ठाकुर छोड़ दिया। और एक चीज को समझो, अब लोग कभी खेती व्यक्ति किए नहीं, गेहूं का खेती देखना, जो गांव में गेहूं खेती करते हैं एक ड्रम होता है उसको ऊपर में गेहूं डाल देते हैं, उसका नीचे एक होल होता है, जितना जरूरत है ना उधर से निकाल करके उसको आटा पिसवा करके खाते हैं। आपसे एक प्रश्न करता हूँ उत्तर देना, जैसे इसी साल में
हमने खेती की लेकिन अच्छी खेती नहीं हुई, गेहूं अच्छी नहीं हुई, उसका दाना छोटा छोटा हुआ है, उसको भी डाल दो। दूसरे साल हमने जब खेती की, गेहूं का दाना बहुत बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दो। आप लोग बताओ, नीचे से जब आप निकालेंगे गेहूं, पहले कौन सा गेहूं निकलेगा? आपको हाथ उठा कौन बोलेगा? क्यों ऊपर आपने बड़े डाला, छोटा क्यों निकलेगा? हाँ, इतनी चीज दिमाग में बैठा दो, पहले तुमने छोटा बड़ा आएगा, लेकिन जब छोटा खत्म हो जाएगा ना, बड़ा भी आएगा, लेकिन पहले छोटे तो खत्म होने दो। मतलब पहले हमने जो कर्म किया है, पहले उसका कर्म तो खत्म होने दो। जो बड़ा डाला मतलब जो भजन कर रहे हो, उसका फल तेरे को जरूर मिलेगा। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन नेह विक्रम नाश अस्ति प्रत्सर बाल में विद्युति। कृष्ण कहते अर्जुन, मेरे लिए कोई इतना करता है ना, उसके लिए मैं इतना करता हूँ। कोई एक कदम मेरे सामने बढ़ा है, मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ, है 10 कदम बढ़ाता हूँ, उसका फल जरूर तुमको मिलेगा। लेकिन पहले जो छोटा डाले वो छोटे मिले, खत्म होने को बड़ा भी जरूर बड़ा आएगा, इसलिए इंतजार करते रहो, ठीक है ना? हाँ। लेकिन भक्ति में इतने शक्ति है, अगर हमने कोई बुरे कर्म किया, अगर भक्ति हमारी स्ट्रांग भक्ति हो, वो पाप भी खत्म हो जाता है। जैसे अजामिल, उसने भी बड़ा पाप किया था, लेकिन बेटा का नाम नारायण रखा था, और नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में जैसे नारायण निकल गया, तो उससे उधर हो गया। वाल्मीकि पहले दशरथनाकर था, दशरथनाकर था उसने, लेकिन बाईचांस जैसे नारद से भेंट हो गया, बोलो राम, बोले क्या बोले, बोलो वो मरा मरा करते करते राम राम हो गया, और दशरथनाकर से वाल्मीकि बन गया। अगर हमारी भक्ति स्ट्रांग भक्ति हो, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर स्ट्रांग भक्ति होना केवल श्रद्धा अवस्था में, साधन अवस्था में जितने दुख कष्ट सब खत्म हो जाएंगे सारे, लेकिन भक्ति हमारी स्ट्रांग भक्ति होनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग भक्ति, भगवान के नाम का प्रति दृढ़ विश्वास हो, भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ हो, फिर तो उसको खत्म हो सकती है, ठीक है ना? हाँ, देखो और एक बात सुनो, एक व्यक्ति ने 3 व्यक्ति को मर्डर कर दिया। हमारे संविधान का नियम है, अगर एक व्यक्ति को कोई मर्डर करता है, उसको आजीवन कारावास है। लेकिन कितना मर्डर किया? 3। अभी एक जन्म का आपके लिए तो आजीवन हो गया, और कितना बाकी रह गया? 2। इसलिए आप कभी कभी देखना किसके साथ में जा रहे हो, लेकिन देखना किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ वाले व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, लेकिन कभी कभी देखना आप भी उसको साथ में जेल में चले जाते, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप सोचोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं, जेल क्यों गए? बोले भैया पिछली जन्म के 2 तुम्हारी बाकी अभी है, एक का सजा तो तुम भोग सकते हो, अभी और 2 तुम्हारी बाकी है, अब कुछ किया नहीं था नहीं वहां पर, देखना कहीं 2 आकर के कैसे बैठ जाता है बिना कारण से आप जेल में चले जाते हो। बोले क्यों? बोले भैया एक बाकी, एक तो चले गए, अभी तुम्हारे जीवन में 2 बाकी थी, इसलिए देखना बिना कारण कारण जेल में चले जाते हैं। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते, भैया जीवन में जो कुछ आओ ना, जो कुछ दुख कष्ट आए, जीवन में जो कुछ आए, क्या करो, हंसते हंसते उसको भोग कर लो, लेकिन ब्रह्मा कहते हैं भजन को मत छोड़ा करो, भक्ति को मत छोड़ा करो। लेकिन हम जीवन में क्या होता है, जब भक्ति करते करते अगर थोड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, हम खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पहले माला ही छोड़ देंगे, बोले भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, भगवान हमारे साथ। ब्रह्मा जी कहते भैया कभी माला मत छोड़ा करो, बोले दुनिया छूट जाए, दुनिया छूट जाए, माला मत छोड़ो। बोले क्यों? तो उदाहरण देते हैं, जैसे पिताजी की संपत्ति में बेटा का ही अधिकार है, लेकिन ये बेटा ये संपत्ति को कब प्राप्त करेगा? जब जिंदा रहे तब तो मिलेगा, अगर मर ही गया फिर तो संपत्ति नहीं मिलेगी। उसी तरह भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, लेकिन वो प्रेम फल कब मिलेगा? जब तुम भजन में टिके रहोगे। अगर भजन छोड़ दिया तो गया तुम्हारे सब कुछ, ठीक है ना? इसलिए जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा
रमण कहो, जिस अवस्था में ठाकुर जी रखे उसी अवस्था में रह करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। और एक बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जिस समय ब्रह्मा भगवान को स्तुति कर रहा था, देखा भगवान को इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक से स्तुति कर रहा हूँ, ठाकुर जी थोड़े से खुश भी हो रहे हैं। वो तो सखाओं के साथ तो नचती है और सखा लोग ब्रह्मा को खिली उड़ा रहे थे, भैया ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गया, अजीब सा कोई प्राणी, हमने तो एक सर वाले देखे, चार सर कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी बोले, भैया ठाकुर जी थोड़ी सी मुस्कुरा नहीं रहे। उनने सोचा, अभी तक तो मैंने ठाकुर जी को स्तुति करके देखा, अभी थोड़ी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। पर ब्रह्मा जी बोले, अहो ति धन्या ब्रजोगो रमन्या। कहते भैया ये ब्रज के जितने गैया कितने सौभाग्यवान, जितने माताएं कितने सौभाग्यवान। बोले क्यों, जब ब्रह्मा बछड़े सखा को चोरी की, कृष्ण ही बछड़ा सखा बन गए और कृष्ण हर घर घर में, कृष्ण चले गए माताओं के पास में, वही कृष्ण ही बन गए ग्वाल बाल, अभी सारे माताओं को स्तन को पान कर रहे। अब देखना बच्चे जब माताओं को स्तन पान करती है, बच्चा बड़ा खुश होकर स्तन पान करता है। आप देखना बछड़े जब गैया का दूध पीता देखे हो, कितने खुश होकर दूध पीते हैं। ब्रह्मा जी कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को यज्ञ में सुहा सुहा करते हैं, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं होते। लेकिन आज देखो कृष्ण बछड़े सखा बन करके हर माताओं के स्तन पान कर कितने आनंद हो रहे हैं। इसलिए बोले अहोति धन्या, पहला श्लोक में बताया ये लोग कितने सौभाग्यवान। दूसरे श्लोक में कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोग साम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। दूसरे श्लोक में दो बार अहो 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 अहो, क्यों, बहुत आश्चर्य की बात है। बोले वो क्या है, कृष्ण कौन, बोले पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है। लेकिन होते हुए भी देखो तो सही, इसकी सखा बन गए, इसकी बेटा बन गए, इसकी प्रियतम बन गए, हैं सखा बन करके कभी उनको चुभन खाते हैं, कभी कंधे पर चढ़ते कभी चढ़ाते हैं। कृष्ण अगर मथन चोरी कर मैया उनको उखल में बांध देती हैं, कान पकड़ती हैं, और अगर कभी गोपियां मान कर लेना राधा रानी, कभी उनके चरण में गिरते हैं। इसलिए भैया ये ब्रजवास कितने सौभाग्यवान, जब उन्होंने अहो अहो बोल करके ब्रजवासियों को स्तुति की, इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी मुस्कुराई। जब कृष्ण थोड़ी सी मुस्कुरा दिए ना, फिर तो ब्रह्मा जी को पता चला भैया कृष्ण का कमजोर कहाँ पर। कमजोर मतलब कृष्ण शिक्षा देते हैं, तो मेरे स्तुति से मेरी सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे कोई भक्त की सेवा करे ना, मेरे कोई भक्तों को स्तुति करे, मैं उससे ज्यादा खुश होता हूँ। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, बोले भक्तों का हृदय में मैं रहता हूँ, मेरे भक्तों को कोई प्रसन्न करो, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। प्रभु जी आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे, भगवान की रास लीला कथा सुनाएंगे, ठीक है। वन वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
का माल होकर अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आप लोग गोप गोप करते हैं क्या? खाली एक ही आते हैं और कोई नहीं है। तो रघुनंदन श्री राम प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। तो बड़ों को आपने से बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है? बोले चार चीजें बढ़ती है। वो क्या है? बोले आयुर्विद्या यशो बलम, यानी कि आयु बढ़ती है। दूसरी बात विद्या बढ़ती है। और क्या होता है? बोले जस बढ़ता है। और क्या? बोले बल बढ़ता है। और तो बढ़ता ही है, लेकिन ये चार चीजें अक्सर बढ़ती है अपने से बड़ों को प्रणाम करने से। आयुर्विद्या यशो बलम। तो चाणक्य पंडित ने कहा कि नमंती फलिनो भिक्षा नमंती गुणिनो जनाः। लेकिन नमंती फलिनो भिक्षा नमंती गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमंती कदाचन। यानी कि जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं वो वृक्ष क्या होता है? नीचे की ओर झुका रहता है। झुका रहता है कि नहीं? और बोले नमंती गुणी रोजना, यानी कि जो गुणी जन होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, मृदु हसी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नीचे की ओर झुका रहता है। और बोले शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमंती कदाचन, सुखी हुई लकड़ी और मूर्ख ये झुकना नहीं जानता। चाणक्य पंडित ने कहा तो सुखी हुई लकड़ी और मूर्ख कभी झुकना नहीं होता। मूर्ख तभी झुकता है जब गुरु शरण लेता है। लेकर चले गए तो यमराज के दूत यमराज के पास आए। बोले प्रभु ये बताइए किस किस को पकड़ के लाना है, किस किस को नहीं लाना है। तो यमराज जी बोले देखो जिसके जिह्वा के अग्रभाग से एक बार भी गोविंद का नाम नहीं निकला, एक बार भी हरि का नाम नहीं निकला, उसको सीधा पकड़ के जमपुरी में फेंक दिया। बोले और बोले जिसका सर एक बार भी गोविंद के चरणों में नहीं झुका, एक बार भी साधु गुरु वैष्णव चरणों में नहीं झुका, उसको सीधे पकड़ करके जमपुरी में लेके आना। तो बोले यमराज के दूत बोले जो कथा में आकर के सो जाते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है? उनको क्या करेंगे? पकड़ के ले आए कि नहीं? जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? तो यमराज जी बोले देखो
उनको सीधे पकड़ करके यमपुरी में मत लेके आ जाते। बोले क्यों, वो भी तो प्रथम में आए तो क्या हुआ, यहाँ आकर सो जाते हो, उसको क्यों नहीं पकड़ के लाए। बोले ऐसा है, घर में सोने की अपेक्षा कथा में अगर यदि अगर सो भी जाए तो भी लाभ है। बोले क्यों, बोले एक आध बार भगवान का नाम तो कान में पड़ जाता है, इसलिए उनको मत लेके आ। इसके मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ आकर के सो जाओ, इसलिए आप लोग सोना नहीं, एक बार जबरदस्त ताली बजा करके कीर्तन करेंगे। क्या कन्हैया से कौन कौन मिलेंगे, मिलेगा Thank you.
Thank you.
గోపసుతం దేవి పతి మే కురుతే నమః. దర్శన బృందావన బిహారీ లాల్ కీ జై. గోపియో నే ఇసీ మంత్రం కే ద్వారా ఉన్ననే ఏక్ మహీనా తక్ ఉన్ననే వ్రత కీ ఔర్ కాత్యాయని నే దేవి కో పూజా కీ. ఈ మంత్ర మే ఇత్నే శక్తి హై, అగర్ ఇసీ మంత్ర దో కామ్ కర్తా హై. కహతే హే కాత్యాయని, హే మహామాయి, हे महायोगी, मतलब एक नहीं नहीं को जो है कर सकती है, अगर इसी मंत्र से कोई पूजा करे ना, एक दिन कृष्णा तुम्हारी पति बन जाएगा. लेकिन जगत में देखना किसी लड़की की शादी नहीं होती है. अगर इसी मंत्र से कोई पूजा करे उसको इस जगत का पति भी मिल जाता है और एक दिन कृष्णा भी उनको पति रूप में मिल जाते हैं. ये मंत्र में बड़ी शक्ति है. अभी उन लोगों ने एक महीना व्रत धारण करते हुए एक बार भोजन करके एकदम सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाती थी और रेतियों में कात्यायनी की पूजा करती थी और धूप दीप के द्वारा इनकी पूजा करती थी. कृष्ण प्रसन्न होकर के कृष्ण दर्शन दिए और दर्शन दे करके उनको चीर हरण किए और उन्होंने जब सारे लाज लज्जा को छोड़ करके ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, बोले तुम लोगों को साथ में शरद पूर्णिमा में मैं रास करूंगा. अभी कृष्णा देखा सुंदर पूर्ण चंद्रमा, चंद्रमा को देख करके उन्होंने श्री राधा रानी के मुख चंद्र की स्मरण है. जब स्मरण है इतने में कृष्णा एकदम रात 12 बजे से बंसी बैठ कर नीचे आए और उन्होंने बंसुरी से बोले जगो कलो वाम दिशा मनोरा. उन्होंने बंसी से उन्होंने क्लिंग शब्द उच्चारण किया. देखो आप देखना हर मंत्र से पहले क्लिंग होता है, उसमें पांच अक्षर जैसे देखो ये क, उसको नीचे ल, ई, चंद्र और बिंदु, ये बीज मंत्र है. हर मंत्र से पहले क्लिंग में तो आई होता है. कहते क्लिंग मतलब समझो एक अक्षर में जो पांच अक्षर है ये विश्व ब्रह्मांड पांच तत्वों से बना हुआ है. तिथि अब तेज मरुत और बो, मतलब ये अक्षर में सब कुछ इसमें है. अक्का मतलब कृष्ण, ल राधा रानी, ई इनके मिलन, चंद्र और बिंदु इनके मिलन में जो आनंद है, इसलिए कृष्ण उन्होंने क्लिंग शब्द उच्चारण की. लेकिन राधा रानी सुन रही थी बंसुरी से केवल राधे राधे शब्द निकल रहा है. ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता ललिता शब्द आ रहा है. विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा शब्द निकल रहा है. अभी एक उदाहरण देते हैं, कहते कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि. सबसे बड़े चोर कौन है, कृष्ण है, जो दीप को चुराता है, मन को चुराता है, पाप को चुराता है, कष्ट को जो चुराता है, इसलिए बोले चौराग्र गण्यम सबसे बड़े चोर कौन है, ये कृष्ण सबसे बड़े चोर श्री कृष्ण. अभी कृष्ण बंसी बट को नीचे खड़े होकर जो बंसी शब्द में उदाहरण दिया, जो मेन चोर होता है ना, चोर का सरदा, वो कभी चोरी करने नहीं जाता है, वो तो एक जगह में बैठता है और अपना चेले चापाटियों को भेज देता है, बोले जाओ जितने माल को लेकर के आओ और मेरे को देना. इसलिए कृष्ण सबसे बड़े चोर है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंसी से उन्होंने क्लिंग शब्द निकाले, मतलब ये क्लिंग शब्द नहीं, कृष्ण अपना चेले चापाटियों को भेज दे, बोले जाओ देखो माल कहाँ पर है और यहाँ पर कौन सा माल, बोले भगवान की प्रेम भक्ति रूपी माल. देखो कहाँ पर जगत में पैसा तो पैसा, इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गए और माया के जो बड़े पुजारी आखिर वो कंगाल हो गए. इसलिए असली जो धन है भगवान के नाम धन है, प्रेम धन है. बोले भैया वो धन कहाँ पर, बोले भक्तों का हृदय, और भक्तों में सबसे बड़े भक्त कौन, बोले ब्रज की ये गोपियां सबसे बड़े भक्त हैं, इनके हृदय में ये माल है. इसलिए कृष्ण बंस रूपी ध्वनि रूपी चोरों को भेज दी. अभी चोर ढूंढ रहे भैया माल कहाँ पर, माल कहाँ पर. लेकिन देखा भाग्य की बात है, जा करके देखा भैया पूरा का पूरा दरवाजा खुला हुआ, बोले वाह मौका तो बढ़िया है, एक तो चोरी करने के लिए आए फिर दरवाजा खुला हुआ. बोले भैया कौन सा दरवाजा, बोले गोपियों की ये कान रूपी दरवाजा,
ये गोपियों की ये कान रूपी दरवाजा खुला हुआ है। इतने में ये बंसी ध्वनि कि कानों में प्रवेश करके उनका हृदय में गए और जा करके उनका हृदय को ले करके वहां से भगे। जब भगे, जैसे आप जिंदगी भर आपने पैसा कमाया, लेकिन कोई चोर आपका घर में आए, वो पैसा को ले और भागे, आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसको पीछे पीछे भागोगे? भैया जिंदगी में कमाई ये सब के सब चोर लेकर के जा रहा है, उसको पीछे भागोगे ना? उसी तरह कृष्ण ने ये बंसी ध्वनि रूपी जो चोर को भेजे और गोपियों के हृदय रूपी धन को पकड़ करके जब मन को चोरी करके ले कर भागे ना, उस समय कोई आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाई दूसरे आंख में लगा दी गए, कोई आधा कपड़ा पहन रही थी उसी अवस्था में छोड़ दिए, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी उसी अवस्था में छोड़ दिए, कोई रसोई बना रही थी उसी अवस्था में छोड़ करके सबके सब भागे। जब सबके सब भागे, इतने में कुछ गोपियां तो निकल करके चली आई, लेकिन कुछ नहीं आ सके, उनको पतियों ने रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? घर से बाहर जाओगे ना टांग तोड़ दोगे, घर से निकल नहीं सकते हो। हाँ, बोले गए कौन और रहे कौन? बोले गए वही जिनकी संपूर्ण रूप में भक्ति पुष्ट हो गई थी, जिनकी शरीर में पतियों का कोई संबंध नहीं था, वो एकदम प्योर थी। बोले रुकी कौन? जोग माया जाने किसको नहीं दिया? बोले जिनका शरीर पति का शरीर में संबंध था वो शरीर झूठा हो गया है, वो शरीर कृष्ण सेवा के लायक नहीं, इसलिए जोग माया उनको जाने नहीं दी, वही रोक ली। लेकिन जब रोक लिया, इधर क्या हुआ? इनके हृदय में कृष्ण का प्रति विरह प्रकट हुआ। बोले हे श्याम सुंदर, आज तुम्हारी रास रूपी महोत्सव में हम योगदान नहीं दे सके। इनके हृदय में जब कृष्ण विरह की पीड़ा उत्पन्न हुई, इतने में उनकी अंदर में जितने दोष था ना, वो दोष सारे खत्म हो गया। पतियों ने पुत्रों ने वो शरीर को तो रोक लिया, लेकिन आत्मा को तो रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने वहीं पर शरीर को छोड़े और आत्मा शरीर से उन्होंने कृष्ण के पास में आ गए। जब कृष्ण के पास में आए, कृष्ण सबको स्वागत करते हैं, बोले स्वागतम महाभागा। कृष्ण कहते हैं तुम लोग हमें स्वागत करता हूँ। बोले क्यों? बोले जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवती तुम हो। बोले क्यों सौभाग्यवती? तुम लोग ने सब कुछ बाधा को त्याग दे करके तोड़ करके तुम लोग सबके सब मेरे पास में आए हो, इसलिए जगत में बड़ी सौभाग्यवती, बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आए हो, वृंदावन के स्वभाव को दर्शन करो। और तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का धर्म है पति लकड़े लूढ़े निकम्मा कुछ क्यों नहीं हो, पति की सेवा करनी चाहिए। और ये घोर अंधकार रातियों में तुम पतिव्रता नारी को नहीं आने चाहिए घर में, वापस चल जाओ, अपना पतियों को सेवा करो। देखो यहाँ पर तो कृष्ण बहुत बहुत सारी चीज शिक्षा देते हैं। पहला शिक्षा देते हैं पतिव्रता नारी का धर्म है अपना पति की सेवा करनी चाहिए। और जो पति की जो पतिव्रता धर्म से सेवा करते हैं ना, बड़ा शक्ति पतिव्रता धर्म में। कृष्ण बोले देखो एक तुमको छोटी सी कथा सुनाता हूं, जो पतिव्रता धर्म को जाते में कहते हैं कितने शक्ति उसी में। बोले एक समय दो पति पत्नी थे, उनको घर में जो छोटा सा बच्चा था जो केवल घुटन पर चलना सीखा है, बच्चा सो रहा था। अभी अभी पत्नी रसोई बनाई, अभी चूल्हे में आग धधक रही है, और इतने में पति पत्नी की जंघे के ऊपर सर रख करके पति सो गया। जब सो गया इतने में लाला सो रहा था, अभी नींद खुल गई, खुल गई तो घुटन पर चलते चलते जो आग जल रही थी एकदम आग को पास में बच्चा चला गया, अभी ये आग में गिरने वाला। पत्नी तो दुविधा में पड़ी गई, बोले मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, पतिव्रता नारी का धर्म है पति का सुख में सुखी और पति का दुख में दुखी रहनी चाहिए। लेकिन पति तो मेरे जंगे के ऊपर सर रखकर सो रहे हैं, अगर मैं पति को जगा देती हूँ मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी, अगर जगाती नहीं तो बच्चा अभी चूल्हे भी नहीं पड़ेगा, फिर तो बच्चा मर जाएगा, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। अभी सोच रही है भले ही बच्चा मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं पतिव्रता नारी अपना पतिव्रता धर्म में जाजन करनी चाहिए।
देखते देखते ना वो बच्चा गया सीधा चूल्हे में मिल गया। पत्नी का हृदय तो खिलबिल मच गई, बच्चा तो चूल्हे में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद पति का आंख खुली, बोले लाला कहा? बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तू रुका नहीं क्यों? बोले आप मेरे जगह पर सर रख करके सो रहे थे, फिर आपका नींद खराब होती, मेरे पति पर का धर्म नष्ट हो जाती। बोले चलो चलो हम देखते हैं। और वहां पर जा करके देखा, इतने पति प्रता धर्म की ताकत है, वो अग्नि शांत हो गई, वो चूल्हे के अंदर में बच्चा किलकर मारते हुए जल रहा और उनको वहां से बचा करके ले गया। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं, स्त्रियों को अपना पति प्रता धर्म रखा करनी चाहिए। पति प्रता धर्म में अनसूया का नाम सुने होंगे, ऐसे पति प्रता नारी बनी, 7 दिन तक उनकी पति प्रता धर्म में सूर्य ही नहीं उदयवा, रात ही रात 7 दिन तक रह गई, सूर्य उदय नहीं हुए, क्योंकि उनको पति को अभिशाप मिली थी। बोले अगर मैं शत्रु से पतिव्रता धर्म के जागर की, उनको अभिशाप मिली, सवेरे उसका पति मर जाएगा, फिर देख लूंगी कैसे मेरे पति मर जाएंगे। अगर मैं पतिव्रता धर्म जागर तो सूर्य उदय नहीं होगा, वो 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुए, ऐसे पतिव्रता धर्म की। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते, देखो तो पतिव्रता नारी हो जा, घर में वापस चली जाओ, ये अंधकार रात में नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण दूसरे शिक्षा देते हैं माताओं के लिए, इसलिए शाम होने से पहले घर में बेटा बेटी कुछ हो घर में आ जानी चाहिए। हमको पता होगा पहले शाम हो जाएगा ना, कोई बच्चा बाहर नहीं रुकती थी, उसको पहले घर में आ जानी चाहिए, तो पिता माता दांत लगा कर शासन करते थे। अभी इतने उल्टा पुल्टा क्यों हो रहे हैं? डाइवर्स फाइव वर्षों से उल्टे क्यों हो रहे हैं? यही कारण है। शाम हो गया, बेटी कहाँ जा रहे हैं, बेटी कहाँ जा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं रात कहाँ बिता कर गया। लेकिन कृष्ण कहते नहीं, अंधकार रात में पतिव्रता नारियों को अंधकार रात में कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, घर में चल जाओ, वापस चल जाओ घर में। कृष्ण शिक्षा देते हैं, सब माताओं की शिक्षा देते हैं कृष्ण। इतने में गोपियों ने कहा, कृष्ण आप तो हमें एक स्टोरी सुना दिया, हम भी आपको एक स्टोरी सुना दें, बताओ क्या बताओ। बोले एक समय दो पति पत्नी निवास करते थे बड़े आनंद पूर्वक। एक दिन पति को कोई विशेष काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पत्नी को बोला, देखो मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना। पत्नी कहती है, बोले आप जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी, मैं ये श्रृंगार क्यों करती हूँ, आपके लिए तो श्रृंगार करती हूँ, खाना क्यों बनाती हूँ, आपके लिए तो मैं खाना बनाती हूँ, बिस्तरा क्यों सजाती हूँ, आपके लिए तो मैं बिस्तरा जो कुछ करते हो तेरे लिए करता हूँ, अगर तू जल जाएगी तो मैं किसके लिए करूंगी। बोले देखो मेरे को कोई जरूरी काम, मेरे को तो जाना पड़ेगा। तब पति ने कहा, देखो मैं अपना एक फटो तुमको देकर जाता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा ना तब तक ये फटो की तुम पूजा करते रहना। अभी पत्नी फटो की पूजा करती है, उसको ही सुलाती है। अभी करते समय इतने में पति आ गया, दरवाजा खटखटाया। गोपियों ने कहा, कृष्ण अभी बताओ पत्नी को क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब असली पति आ गई फिर फटो को पूजा करना क्या जरूर। तो कृष्ण गोपियों ने कहा, आपका आंसर मिल गया, क्योंकि तुमने ही गीता में बताया पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता। गीता में तुमने बताया तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम। ये गीता में आपने बताया ना। अरे कृष्ण गीता में क्या बोले, बोले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन सब धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड को रचना करने वाला मैं हूँ, जगत का पिता माता मैं हूँ, तुमको सारे पाप से मुक्ति दिला दूंगा। आप ही बंसरी बजाए, आप ही हमें बुलाया, आप ही तो जगतपति जगन्नाथ आप ही है ना, है जगत का पति तो आप ही है ना। गोपियों ने ऐसे आंसर दिया ना, कृष्ण को चुप कर दिए, कृष्ण को चुप कर दिए। फिर कृष्ण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कृष्ण फिर गोपियों के साथ में भगवान रास किया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जब रास कर रहे थे, कोई अगर एक आंख में काजल पहन करके आए, कृष्ण उसको दूसरे आंख में पहना दिया। जो गले की हार को किसी ने कमर के कंठन गले में, कृष्ण उसको ठीक श्रृंगार कर दिया। जो आधा कपड़ा पहन करके आए, तो कृष्ण पूरा कपड़ा पहना दिया।
जो कान की कुंडल एक पैन थी कृष्ण दो पहना दिया। शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई सही सही श्रृंगार करा सकते हैं ना ठाकुर, कृष्ण ही हमें श्रृंगार करा सकते हैं। जब रास कर रहे थे कभी अगर पसीना निकले तो कृष्ण अपना दुपट्टा से पसीना पोंछ रहे थे। देखो माता एक दोष मिला तो क्या दोष स्त्रियों में, अगर पति अगर चाहता किसको प्रेम करना फिर तो सर पर चढ़ बैठती है। अभी तो इनका अंदर में बड़ा अभिमान हो गया, कहते इनके हमारे बगैर तो इनकी चलेगी नहीं, क्यों इतने कृष्ण हमारी चपरासी कर रही है। लेकिन गोपियां ये देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में, लेकिन कृष्ण सबको पास में ये नहीं देख रही थी। लेकिन केवल राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में और कृष्ण सबको पास में कृष्ण है। इतने में राधा रानी हो गई मान, बोले क्यों, बोले मेरा नाम राधा। राधा मतलब क्या, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करती है, जो उनकी सेवा करती है। बोले भैया मेरे साथ में भी कृष्ण और सबके साथ में भी कृष्ण, क्या सबके साथ में मैं बराबर हो गई। राधा रानी की माँ गोपियों की सौभाग्यमत, सौभाग्यमत मतलब है गोपियां सोचने लग गई पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा कोई सौभाग्यवती हम जैसे कोई सौभाग्यवती नहीं। क्यों, वो देख रहे थे कृष्ण हमारे पास में और इतने हमें प्यार दे रहे, इतने प्रेम, इतने हमें चापुरासी कर रही है। और ये मन मन में सोच रही थी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा के बगैर तो हम कुल नहीं, हम तो स्वतंत्र नायिका, राधा की जरूरत नहीं। कृष्ण देखा भैया गड़बड़ी हो गई, बोले क्यों, ये रासेश्वरी कौन है, बोले श्री राधा रानी, यही रासेश्वरी है, इनके बगैर रास असंभव है। इसलिए रास इनके, इसलिए जब रास प्रारंभ होता है ना, आप रास लीला देखना, राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई होती है, श्याम सुंदर गोपियों के साथ में आते हैं और ईश्वर जी से प्रार्थना करते हैं, ईश्वरी समय है गयो है, आप कृपा करके हे रासेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, आप रास में पधारो, हैं उनको बुला करके ले जाते हैं, फिर ये रास प्रारंभ होती है। इसलिए यहाँ पर देखे भैया ये तो राधा रानी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इतने में कृष्ण ने क्या किया, रासों से अंतर ध्यान हो गए और एक कुंज में चले गए, जा करके अपना रूप को एक सुंदर श्यामा सखी का रूप धारण कर लिया। और गोपियां तो कृष्ण विरह में तड़पड़ा रही थी, लता पता वृक्ष को पूछ रहे थे हमारे श्याम सुंदर कहीं देखो, तुलसी कल्याण को देखे, बोले तुलसी देखे हो कहीं, वो बोली ने बोले तू क्यों बोलोगी, तेरे को डाह हो रही ना है, क्योंकि एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख नहीं सकती, इसलिए तेरे को डाह हो रही है। इतने में उन्होंने पीपल वृक्ष को पूछ क्या देखे हो, बोला नहीं, बोले तू क्यों बोलोगी, देखने में तो इतना बड़ा पेड़ लेकिन फल कितना इतना छोटे छोटे, बोले तू तो बड़े हो देखने में लेकिन तेरा जो मन है ना बहुत छोटा मन है, इसलिए तू क्यों बोलोगे है। इसलिए देखो हाँ मालती फूल बड़े सुंदर खिला हुआ, बोले जरूर श्याम सुंदर ये वृक्षों को स्पर्श किए हैं तभी तो ये पेड़ में इतने सुंदर फूल खिले हुए, कृष्ण का जरूर स्पर्श हुआ है। ऐसे करते करते कोई कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इतने में उन्होंने पृथ्वी को, उन्होंने पृथ्वी को प्रश्न किया, बोले क्यों, बोले ये पृथ्वी सर्वत्र विद्यमान है, बोले तू तो सर्वत्र विद्यमान, तेरे को तो पता जरूर होगा कृष्ण कहाँ पर। जब पृथ्वी को पूछे इतने में देखा कृष्ण के दो सुंदर चरण चिन्ह, क्योंकि कृष्ण के चरण में उन्हें से चिन्ह है और किसको चरण में उन्हें से चिन्ह नहीं, नारायण का चरण में चार चिन्ह है, शंकर चक्र गदा प्रतिमा, राम के चरण में छह चिन्ह है, लेकिन केवल कृष्ण के चरण में उन्हें से चिन्ह, बोले क्यों, बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, इसलिए उन्हें से चिन्ह। देखो हम कहते हैं ना भैया कोई दुख अगर आए, बोले भगवान के चरणों को चिंतन कर दुख दूर हो जाएगा, बोले क्यों, ध्यान देकर सुनो, कृष्ण के चरण की एक एक चिन्ह का एक एक महत्व है, उनके चरण में चक्र है, अगर आप चक्र को स्मरण करोगे ना तुम्हारे जीवन में जितने बाधा विपत्ति सारे बाधा विपत्ति दूर कर देंगे। कृष्ण का चरण में ध्वजा पताका, उसको अगर कोई स्मरण करेगा सारा दुनिया में तुम्हारी ध्वजा फैलेगी, उनके चरण में यह है, अगर उसको स्मरण करोगे माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में खूब धन दौलत आएगा, उनके चरण में कमल है, कमल से जैसे खुशबू निकलती है, आप कमल को स्मरण करो आपको शरीर से जीवन में बड़ी खुशबू आएगी, बड़ी खुशबू आएगी जीवन में। उनके चरण में गदा, गदा मतलब क्या, जैसे मारते हैं, अगर गदा को स्मरण करोगे सारे शत्रु विनाश हो जाएगा है,
इसलिए उनकी चरण में जो एक एक जो चरण है उसकी अद्भुत अद्भुत महिमा, इसलिए कहते चरण की चिंतन करो दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। चरण देख कर पहचान गए ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह, क्यों सबके सब कृष्ण चरण की सेवा करते हैं। और थोड़ी दूर गए देखा दोनों चरणों को बीच में और एक सुंदर चरण चिन्ह, उसको देख करके लेकिन वो चरणों को सब नहीं पहचान पाए। बोले क्यों? बोले कृष्ण के तीन तरह का गोपियां हैं, एक स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्था। ये चीज को समझो, स्वपक्ष मतलब है जो केवल राधा जी के सुख में सुखी, राधा जी के दुख में दुखी, ये स्वपक्ष। विपक्ष मतलब है जो केवल कृष्ण को मानते हैं राधा जी को नहीं, और तटस्थ मतलब होता है जो कृष्ण को भी मानते हैं और श्री राधा रानी को मानते हैं, इनको तटस्थ कहते हैं। अभी जो राधा की पक्षीय गोपियां थी, चूंकि राधा जी के चरण की सेवा करती थी, उनको पता श्री राधा जी के चरण में क्या क्या चिन्ह है। लेकिन जो विपक्ष थे वो राधा जी के चरण के चिन्ह को नहीं जानते हैं, वो तो पहचान नहीं पाए। लेकिन जो राधा पक्ष जो गोपियां वो इतने प्रसन्न हो गए, बोले अनया राधित नुनम भगवान हरिश्वर, बोले यही गोपी ही कृष्ण को पूर्ण रूप में भक्ति सेवा की, क्योंकि यहाँ पर सत्य सब गोपियां तो थी लेकिन कृष्ण लेकर किसको गए? सबको कृष्ण छोड़ कर गए, केवल इसी गोपी को लेकर गए। क्यों? ये कृष्ण को विशेष पूर्वक आराधना की। बोले वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी जयकार दी दे, राधा रानी की जय दो ना, वो लक्ष्मी की कृपा होती है। जोर से बोलो बोले श्रीमती राधा रानी की। लेकिन और थोड़ी दूर गए देखा वो बीच का चरण चिन्ह है, जिसने कहा देखो देखो ये बीच का चरण चिन्ह गया कहाँ? दूसरे गोपी कहती है ये तो हृदय को और भी पीड़ा देने वाली। बोले क्यों? बोले कृष्ण का चरण थे ज्यादा दबा हुआ। बोले मतलब? बोले मतलब पता नहीं, वो श्याम सुंदर वो सती को अपना गोद में उठा रहे ले गए, तभी तो चरण ज्यादा दबा हुआ है। ऐसे करते करते आ रहे थे और श्याम सुंदर राधा रानी को एक कुंज में बैठा करके सुंदर उन्होंने फूलों की श्रृंगार से राधा रानी को श्रृंगार कर गए थे। और गोपियों की हय हल्ला सुन करके कृष्ण बोले राधे चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाते हैं। बोले क्यों? बोले तेरे को मनाते मनाते इतना समय हो गया, अगर देख लिया तो तेरे को लेकर के आया, सबके सब मान करके बैठ जाएंगे। फिर ये महाराज असंभव है, फिर एक को छोड़ कर दूसरे को तीसरे को मनाते हो है, इसलिए यहाँ से चले चलो। राधा रानी सोच रही है मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये गोपियां है कौन? बोले गोपियां और कोई नहीं, ये कृष्ण की अभिन्न स्वरूप राधा, राधा रानी ही एक एक भाव को उन्होंने एक एक गोपी रूप धारण किया। ये गोपी और कोई नहीं, राधा जी की एक एक भाव ही और एक एक रूप है। और मैं केवल कृष्ण को लेकर के आनंद ले रही हूँ और मेरी जो कायम विवाह प्रकाश वो दुखी हो रही है। राधा रानी सोच रही अगर थोड़ी सी मैं मान कर लू ना, अगर कृष्ण थोड़ी सी मेरे को मनाने लग जाए फिर सब गोपियां आ जाएगी, हम सब के सब मिलकर के रास करेंगे। राधा रानी बोली देखो मैं चल नहीं पा रही, जैसे रासों से उठा करके ले आए थे ना हमें, ऐसे उठा करके ले जाओ। इतने में कृष्ण बोले फिर क्या मेरे कंधे पर बैठोगे? बोले बैठा लो। जब बैठने के लिए गई ना कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हो गए और वहीं पर श्री किशोरी जो हा कृष्ण हा रमण हा प्रेस प्रेष्ट प्रेष्ट बोल कर वही श्री राधा रानी बेहोश हो जाती है। और गोपियां आकर के देखा जैसे आकाश का चंद्रमा का टुकड़ा जैसे भरा हुआ, क्योंकि उनकी तेज से संपूर्ण वृंदावन धाम उजला उजला हो रहा था। फिर गोपियां आकर के राधा रानी को होश बुलवाए, बोले हे किशोरी जो तेरे को भी श्याम सुंदर छोड़ कर चले गए। बोले हाँ मेरे को भी छोड़ दिए दोस्त, मेरी है ज्यादा टेढ़ी हो गई ना। बोले देखो कृष्ण को ढूंढा मत, फिर वो छुपने के लिए कोशिश करेंगे, उनको गीत उनका भजन सबसे ज्यादा प्यारा कृष्ण को, उनकी भजन सबसे ज्यादा प्यारा कृष्ण को। चलो हम जाकर के श्री यमुना किनारा में बैठ करके उनका भजन करेंगे। बोले क्यों कीर्तन करेंगे? ये उपनिषद कहता है ना अयम आत्मा प्रवचनी न लभ्य न मदया न बहु न श्रुति न
इसलिए उपनिषद कहता है वो भगवान को न मेधया उनका बुद्धि से नहीं मिल सकते हैं, वो प्रवचन से नहीं मिलते हैं, वो पांडित्य से नहीं मिलते हैं, बल्कि कैसे मिलते हैं, बोले से ही जाने जाने देहु जाना है। उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं वही जान सकते हैं, नहीं तो कोई उनको पकड़ नहीं पाते हैं। बोले जत्यम की समाधि सुधीर भी पश्यति न तब नखाग्र मरीचि, बोले जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा जिनकी चरण की छटा को भी अपना हृदय में स्मरण नहीं कर पाते ऐसे कृष्ण हैं। बोले भैया उनका भजन सबसे बड़ा प्यारा है, चलो हम यमुना किनारे में उनका भजन गाएंगे। बोले भैया यमुना किनारा में क्यों भजन गाए और क्यों नहीं, अरे कारण है कि ये यमुना है ना ये भगवान को मिलन कराने वाले, ये इनको एक नाम है अनुराधा, हाँ ये विशाखा ये अनुराधा है, इनकी कृपा से यमुना है कौन, बोले नदी नहीं बोले ब्रह्म द्रव गात्रम, जब राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर बहती है ये यमुना है। बोले गिरिराज कौन है, बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब जम जाती है ये श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले ये यमुना कैसे प्रकट हुई, बोले एक समय कृष्ण अपना राग रागिनी सुने, जब सुने प्रेम से कृष्ण का शरीर से पसीना बहा, मैया यशोदा कृष्ण को बड़े सुंदर आंखों में मोटी मोटी काजल लगा दी थी, अब ये पसीना काजल में मिलते ही वो पसीना हो गई काली और उनका हृदय से स्पर्श करते हुए उनके चरण को स्पर्श करते हुए जब ये निकली ये कौन है, बोले श्री जमुना पटरानी, बोले श्री जमुना पटरानी की। इसलिए बोले चलो हम सबके सब श्री यमुना किनारा में जा करके इनकी हम भजन की गाएंगे। जब यमुना किनारा में बैठ करके जो गाए उसका नाम पड़ गया गोपी गीत, उनका नाम पड़ा तब ये गोपी गीत में इतने शक्ति है, अगर कहीं भी आप ये गोपी गीत गाओगे ना कृष्ण कहीं रह नहीं सकते, कृष्ण को वहां आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी ना अपना घर में गोपी गीत को रोज गाया करना, ठीक है ना, इधर उधर चीज को नहीं गा करके क्या कर घर में गोपी गीत को गाओ। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण लो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 घर बोलो, बोले हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रसिद्ध वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों ने जो गोपी गीत गाई है कृष्ण उसको बीच में प्रकट होते हैं। गोपी गीत का दो चार श्लोक सुन लो आप। जयते ते भिगा Thank you.
जब गोपी गीत गाए कृष्ण रह नहीं सके, अगर ये गीत कहीं भी गाओगे भगवान वहां आना ही पड़ेगा। अब कृष्ण मनमत का मनमत रूप लेकर के बीच में प्रकट हुए, जब प्रकट हुए कुछ गोपियां आकर हाथ पकड़ लिए, कुछ चरणा पकड़े, किसने गलबे नहीं आती, लेकिन कुछ गोपी पास में फटक नहीं रही थी, दूर में खड़ी हुई थी, लेकिन और कुछ गोपियां थी और एक गोपियां थी वो एकदम पास में फटकी नहीं रही थी, वो तो दूर से एकदम भ्रुकुटी टेढ़ी करके एकदम तिरछी चितवन से देख रही थी। तब यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी सबका नाम लेते हैं, लेकिन भागवत में स्पष्ट रूप में नहीं। सनातन गोस्वामी लवक मंजिल को कहते हैं, भैया जो गिलवहनिया कोई चरण में पड़ी कोई तांबुल मांग रही है, ये कौन है? तो ये चंद्रावली पक्षिया है। जो दूर से देख रही है कौन? बोले ललिता विशाखा चंपक लता। लेकिन जो दूर से एक गोपी खड़ी होकर के बड़ी तेज चिंता दल से भ्रुकुटी नारी से देख रही थी, बोले ये ईश्वर की राधा रानी। कृष्ण का नजर कहीं नहीं था, कृष्ण का नजर केवल वो जो अकेली खड़ी होकर के टेढ़ी भ्रुकुटी टेढ़ी करके देख रही थी, कृष्ण केवल उधर देख रही थी, और ललिता विशाखा वो राधा रानी के सौभाग्य को देख रहे थे। भले कोई हाथ पकड़े पाम पकड़े, लेकिन देखो तो कृष्ण कहाँ देख रहे हैं? केवल श्री राधा रानी को देख रहे थे। क्यों? राधा रानी की जो प्रेम सर्वतम प्रेम है, बोले श्री राधा रानी। गोपियों ने अपना उतरियों को उतार करके आसन बनाए और कृष्ण को वहां पर बैठाए। तब कृष्ण को उन्होंने तीन प्रश्न करते हैं। इनका पहला प्रश्न है, बोले कृष्ण ये बताओ, भजन करने पर जो भजन करते हैं वो कौन है? भजन करे नहीं करे तभी उनको भजन करते हैं कौन है? करे नहीं करे तभी जिसको साथ में कोई मतलब नहीं, ये वो कौन है? कृष्ण आप बताओ। गोपियां कृष्ण को फंसाना चाह रही थी, फंसाना चाह रही थी, लेकिन कृष्ण का काम खिलाड़ी थी, तो सबसे बड़े खिलाड़ी है ना। वो कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो जो भजन करने पर भजन करते वो बढ़िया, जैसे आप किसी दुकान में 100 रुपया लेकर के जाओ, 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया का माल ले लिया, वहां पर कोई दया नहीं, पैसा दिया सामान मिल गया, है कहती है बढ़िया। बोले करे और नहीं करे तभी करते हैं, बोले पिता माता। अब देखना बच्चा जितने भले ही नालायक क्यों नहीं बन जाए, लेकिन पिता माता हृदय में दर्द है कि लाला मेरा है, ये बेटी मेरी है। भले ही बेटा जितने दुष्ट क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता का हृदय समझना बड़ा कठिन है, उनके प्रति अपना प्रण है। एक समय को लेकर प्रेमी था, अपना प्रेमी को बोला, देख तभी मैं तेरे को मैं प्रेम करूंगी अगर तेरी मैया ना दीन को अगर तुम ले आओगे तो। इतने में उसका जो प्रेमी का था सचमुच से गया और मैया को मार डाला, मार करके उसको दीन को लेकर के जब आ रहा था, इतने में उसने हठात उसने ठोकर खा करके गिर पड़ा, गिर पड़ा तो दीन से आवाज आ रही है, बोले बेटा तेरे को तो चोट नहीं पहुंचा। मतलब माँ की जो हृदय है ना विशाल है, इसलिए जितने हमारे जो भाई लोग और बहु लोग ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं हम घर में शादी होकर के आए और पति को हम ऐसे फंसाए, बोले तेरे पिता माता की सेवा करने का जरूरत नहीं, हम चलो हम भी अलग रहें, नहीं हम भी इतनी सास बनने वाली, हम जैसे अपना सास ससुर को पिता माता को सेवा करेंगे, एक दिन हमारी बहू भी हमें वैसे ही सेवा करेगी। ये चीज को हमें याद रखनी चाहिए, जिस माता ने हमें 9 महीना तक गर्भ में धारण की, प्रसव पीड़ा को सहन की, स्वयं गिली में सो करके सूखे में सोई, मुंह की आहार निकाल करके खाना खिलाई, जितने हमने जिसने हमें लिखा पढ़ा सिखाया, ऐसे नहीं घर में एक बहू आ गई और कुछ बोल दिया तो वहां बहू की बात रह गई और पिता माता की बात सुन, नहीं कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए हैं। और जो लड़के लोग हैं वो भी हर समय क्या करनी चाहिए? पिता माता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान राम सवेरे उठकर क्या करते थे? बोले प्रात उठ है रघुनाथा माँ तो पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठकर क्या करते थे? पहले पिता माता के चरण छूते थे। अभी बता रहे थे ना प्रभु जी, जो पिता माता के चरण छुएंगे उनका 4 लाभ है। कितना लाभ है? बोले आयु बढ़ेगा, श्री बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगी, जस बढ़ेगी। जो पिता माता की सेवा करेगा उसको सब कुछ बढ़ेगा।
और दिखना बहु ये ध्यान देकर सुना, सवेरे उठ करके सास की चरण छूनी चाहिए और सास की सेवा करनी चाहिए। बोले क्यों? देखो जैसे एक व्यक्ति का तीन बेटे हैं, जितने बहु ये ध्यान देकर सुने, एक व्यक्ति का तीन बेटे हैं। अब देखना जिस बहु सास की ससुर को ज्यादा सेवा करेगी, उनको पास में सारे सोना चाहिए, जब बंटवारा होगी तो सास क्या करेगी? अब बताओ वहां से उठा करके जो बहुत सेवा करती है ना उसको पकड़ा दे, बोले छुपा कर रख लिया, इसको बोलना नहीं क्यों, वो सेवा करती है ना, और जो बाकी रह जाएगा तीनों को बंटवारा कर देगी। इसका मतलब अगर सास ससुर की सेवा करेंगे ना लाभ और संपत्ति भी ज्यादा मिलेगी, संपत्ति भी ज्यादा मिलेगी। इसलिए क्या करनी चाहिए? सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पिता माता की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो और उनकी कृपा से ही हम भले के फूलेंगे, हम भी एक दिन सास ससुर हम भी बनने वाले, ठीक है ना। इसलिए सबके सब पिता माता की आदर करो, पिता माता की सेवा करो, इससे हम लोग सुखी जगत में रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कृष्ण स्वयं कहते हैं करे नहीं करे तभी जो करता है कौन है, कहते ये पिता माता है। बोले तीसरा नंबर कौन है? करे नहीं करे कोई मतलब नहीं, कहते तो चार तरह के होते हैं, आत्मा राम, आत्मकाम, गुरु द्रोही और अकृतज्ञ। कहते कृष्ण तू तो आत्मा राम आप्तकाम नहीं, लगता है तू गुरु द्रोही अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ मतलब क्या? किया हुआ भलाई को तो भूल जाए, हैं? तुमने बंसरी बजा करके ये घोर अंधकार रात में तुमने बुलाया हमें, बुला करके और तुम्हारे प्रेम के गुरु कौन है? बोले श्री किशोरी राधा रानी प्रेम के गुरु है, प्रेम के गुरु, वहीं से तुमने प्रेम से क्या की, लेकिन तुम्हें बीच रात में हमें छोड़कर कहां चले गए? इसलिए लगता है तुम गुरु द्रोही अकृतज्ञ। तब कृष्ण समझाया, बोले नहीं मेरे को ऐसे मत समझो, बोले देखो गोपियां प्रेम के दो पहलू है, कहते हैं कि विरह है और एक मिलन है। मिलन में क्या होता है, वो केवल सामने सामने मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं। लेकिन विरह से क्या होता है, जैसे पति दूर देश में साल में 5 साल से एक बार आए, देखना पत्नी दिन भर चिंता करती है कब आएंगे, अभी तो कोई लेटर नहीं आया, क्या कर रहे, देखना 2-4 साल से आएगा, बड़ी सेवा होगी, पति की बड़ी सेवा होगी। लेकिन घर में रहे तो कुछ दिन के बाद में, पहले तो चंद्रमुखी, फिर सूरज और फिर ज्वालामुखी, लड़ाई झगड़ा, अगर पति बोले ग्लास एक ग्लास पानी उठा कर दे तो उठा कर पी नहीं सकते, उठा कर पी लो ना। लेकिन पास में तुमसे प्रेम धीरे धीरे, पास में धीरे धीरे प्रेम घटती है, लेकिन दूर से क्या होता है, चिंतन को द्वारा तीन बार उसमें डूब जाती है। चिंतन करते करते कृष्ण ने कहा गोपियां मैं तुमको कहीं छोड़ करके नहीं गया, पास में मैं था, इसलिए मैं दुनिया को तुम्हारे प्रेम को दिखाना चाह रहा था, मैंने छोड़ा तभी तो ये गोपी गीत गाए, मैंने छोड़ा तुम्हारे हृदय में मेरी प्रति जो उत्कंठा दिव्य उन्माद, मेरी प्रति जो चित्र जल्प प्रजल्प, ये प्रेम की एक एक लक्षण है, मैंने छोड़ा तभी तो तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम प्रकट हुई, मैंने कहीं नहीं गया था, तुम लोगों ने जो गोपी गीत गाई में कहां से प्रकट हुआ बताओ, बीच से प्रकट हुआ ना, मैं कहीं नहीं गया था, बीच में बैठा हुआ था, और तुम लोग मेरे को जो ताना मार रही थी ना, वो ताना को मैं सुन रहा था, मैं कहीं नहीं गया था, इसलिए मेरे को ऐसे मत समझो। मेरी गोपियां खुश हो गए तो मेरे भगवान ने गोपियों के साथ उन्होंने महाराज भगवान करते ही एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण हैं। जब उन्होंने भगवान महाराज कर रहे थे, सारे देवता लोग वाद्य लेकर के आ गए, वाद्य बजा रहे थे और भगवान नृत्य कर रहे थे, इतने में श्री भोले बाबा भी गोपीश्वर महादेव रूप में श्री शंकर जी आते हैं। जब शंकर जी रास दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जब तक जोग माया के आदेश नहीं होना अंदर भी कोई घुस नहीं सकते, उन्हें जोग माया की शरण में गए। जोग माया बोले देखो शंकर जी, यहाँ पर तो केवल एक ही कृष्णा और सब गोपियां हैं, ये सीन शरीर से प्रवेश नहीं कर सकते, बोले क्या करनी चाहिए, बोले ब्रह्म कुंड में तुम स्नान करो, स्नान करके गोपी रूप धारण करोगे और ईशान कुंड में बैठी करके रास दर्शन करो। जब दर्शन कर रहे थे, इतने में कृष्ण ने कहा भैया आज रास में आनंद नहीं आ रहा, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति प्रवेश किया। गोपियों ने ढूंढने लगे कहा है कौन अनधिकार, देखो एक नई गोपी बैठी हुई थी, बोले भैया कौन सा गांव में तेरे जन्म हुआ है,
तेरे सास का नाम क्या है, तेरे ससुर का नाम क्या, तेरे ननद का नाम क्या, तेरे कसम का नाम क्या, वो तो गोपी नहीं तो गोप है। शंकर तू चुप, बोले भैया यही अनधिकारी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश किया, शंकर जी को पकड़ करके निकालो वहां से। और कुलचा मारने जा रहे थे, इतने में शंकर जी पर्णमासी जोग माया को बुलाए, जोग माया बोले ये मेरी शरणागति हुई है। इतने में कृष्ण भी आ गए, बोले भोले ये क्या तुम ये गोपी रूप धारण क्यों किए, बोले प्रभु आप जब बंसरी बजाए ना ये बंसरी मेरी प्यास नहीं पहुंचा, मेरे मन की इच्छा हुई मैं भी तेरे रास दर्शन करूं। देखो ये रास में कितने महिमा, ये गोपियों की कितने महिमा, जहां पर शंकर भी प्रवेश नहीं कर पाए। कृष्ण कह रहे शंकर जी तुमने तो ऊपर से गोपी रूप धारण की लेकिन हृदय से तुम्हारी गोपी भाव नहीं, ऊपर से धारण करने से नहीं होता, पहले हम लोग ने श्रवण किया ये गोपिया कोई स्त्री नहीं, इनका नाम गोपी क्यों, यह बहुत सारे अर्थ है। गो मतलब इंद्रिया, पी मतलब पीना, मतलब जो इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करते हैं ये गोपियां हैं। ये पहले जन्म में कोई श्रुति चली, बड़े बड़े श्रुतियों का मंत्रों ने तपस्या करके गोपी रूप धारण किए। बोले कोई तपस्वी थे, जब भगवान राम दंडकारण्य में गए ये लोग कठोर तपस्या कर रहे थे, ऋषि लोग प्रभु राम को देख कर इनके अंदर में प्रेम की भाव जागृत हुई, पति रूप में प्रार्थना केवल नहीं ये कृष्ण अवतार में केवल में हैं, बोले गोपी रूप में, बोले गोपी रूप को प्राप्त नहीं हो सकते, बोले नहीं हमें वही चाहिए, बोले जाओ कृष्ण अवतार में गोपी बन करके आओ। ये जितने ऋषि मुनि वेद का मंत्र ये सब के सब गोपी बन करके आए, नहीं तो शंकर जी पर क्यों गोपी रूप धारण करेंगे, शंकर जी पर क्यों गोपी रूप धारण करेंगे, इसलिए ये गोपी भाव कोई साधारण वस्तु नहीं। पर भगवान ने सुंदर रास करते हैं, प्रभु जी भजन गाएंगे, हम लोग सबके सब खड़े होकर के नाचना और थोड़े थोड़े आगे भी आना। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, जय श्री राधे। वो तेरी बंसी पे, वो तेरी बंसी पे जाऊं बलहार, रसियाओं में तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया नाचूंगी तेरे दरबार, तेरी बंसी पे Yeah।
हजारों लाखों करोड़ों पतिया जो है कन्हैया के संग नृत्य कर रहे थे नहीं, लेकिन यहाँ क्या मतलब कमी है गोपियों की, क्या गोपियों की यहाँ तो दो चार नज नहीं है और सब देख रहे हैं बैठे। एक बार खड़े हो जाए सब लोग मैं सीधा कर ले रात में सभी को नृत्य करना चाहिए जो भी हो भी। अरे मैं तो
శ్రీ వృందావని హరి వారి జై జై శ్రీ జై జై శ్రీ జై జై శ్రీ और कंस को उन्होंने भड़का दिया, बोले कंस तेरे को पता है ये कृष्ण बलराम कौन? बोले कौन? बोले जो आकाशवाणी हुई थी ना देवकी का अष्टम गर्भ का संतान काल बन गया, वो जो कृष्ण देवकी का बच्चा। बोले कैसे हुआ? बोले वसुदेव ने कहा था जितने सारे बच्चे तेरे को देंगे। बोले हाँ। बोले तू रात को सोते रह गया और ये वसुदेव महाराज लेकर गोकुल में पहुंचा दिया। ये कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव का बेटा। कंस को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे साथ में धोखे दिए। बोले अभी हम देखता हूँ। उन्होंने म्यान से तलवार को निकाले, झपट पड़े देवकी वसुदेव को मारने के लिए। नारद बोला देखो जोश में होश को मत खोया करो, अगर देवकी वसुदेव को मार डालना कृष्ण बलराम भाग जाएंगे विदेश। बोले फिर क्या करना? बोले कृष्ण बलराम को अपना मथुरा में बुलाओ, जैसे तुमने त्रिनावर्त सकटासुर अघासुर को भेजा, कृष्ण एक एक कर मार डाला। अभी तेरे पास अभी भी साल दो साल तुम आठ भाई हो, अभी भी तेरे पास में चारों मुष्टि कुबले हाथी। अभी कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ की बहाना बुला करके बुलाओ और यहीं पर सबके सब उनको घेर कर मार डालो। इतने में उन्होंने अपूर्ण को देख करके कृष्ण बलराम को उन्हें बुलाया। लेकिन कृष्ण बलराम जब मथुरा में प्रवेश किए, मथुरा वासी तो तरस रहे थे दर्शन के लिए। बोले क्यों? जब सुना छह दिन में उन्होंने पुतना को मारी, एक महीना में त्रिनावर्त को, तीन महीना में सकटासुर को, चार साल में अघासुर बकासुर को पछाड़ दिया। जब सुना कालियों के सर पर नृत्य की, सात साल में गिरिराज उठाया। बोले भाई रे इतना बलवान, सात साल की उम्र में सात क्रोश गिरिराज। लेकिन कंस का डर से कोई नहीं आते थे। लेकिन जब सुना कृष्ण बलराम मथुरा में आए, पूरा मथुरा उमड़ पड़ा प्रभु का दर्शन करने के लिए। और जिस गली में जाए ना, बोले कृष्णा बलराम की। सखाओं ने कहा कन्हैया क्या बात है, जिस गली में जाओ तेरे जय जयकार, क्या ये तेरे को पहले से जानते हैं? बोले तुमको पता नहीं, कल से मेरे खास मामा लगते हैं, तभी तो अपना रथ को भेज करके बुलाया। बोले कन्हैया तू पहले क्यों नहीं बोल दिया? बोले क्यों? बोले देख मथुरापुर कितने सुंदर, हमारा कपड़े देखो कैसे मैला मैला कपड़ा है। बोले चाहते हो क्या? बोले थोड़ी सी चमकीले चमकीले कपड़ा हो जाए। बोले आगे चलो ना। इतने में कंस की के लिए एकदम नए नए कपड़ा, सोने की एम्ब्रॉयडरी काम, धोबी लेकर के जा रहा था। कृष्ण ने कहा भैया हमारे दोस्त को थोड़ा कपड़ा दे दोगे? बोले भैया को चलाता है वृंदावन में ग्वाला और महाराज कंस का वस्त्र पहनने का शौक, ज्यादा बोलोगे ना कंस जिस काम के लिए बुलाया वो काम मैं कर दूंगा। कृष्ण ने देखा भैया तो ज्यादा ही बोल रहा है। कृष्ण मार एक थप्पड़, मारे तो सर से सरी अलग हो गया। बोले भैया इसका हाथ में क्या अस्त्र फिट करके रखा, एक थप्पड़ से सरी कट गई। बोले भैया वही अघासुर बकासुर को मारने वाले भागो यहाँ से, सारे कपड़े की कपड़ा के पोटल को फेंके और भाग गए। कृष्ण ने कहा सखा उठा लो अपना मन मर्जी। लेकिन वो कंस के लिए, कंस तो महाबलशाली विशाल, कृष्ण का सखा तो छोटे छोटे, जब वस्त्र पहन कर चलने लगे ना रोड साफ होने लग गया। बोले कन्हैया अच्छा नहीं लग रहा है। एक दर्जी मिले, बोले भैया हमारे सखा का साई जी को बना दो। बोले उसके पास बहुत सारे दर्जी थे भगवान के लिए, बड़े सुंदर माप को लेकर बड़े सुंदर पहना दिया, बना दिया, भगवान आशीर्वाद दिया। बोले खूब फलते फूलते रहो। देखो अभी भी दर्जी फलते फूलते हैं। एक कोई कपड़ा सिलाई करने के लिए था और 400-500 रुपया 1000 रुपया से कम नहीं लेते हैं। ये भी ठाकुर जी का आशीर्वाद दिया ना ठाकुर जी। और थोड़ी दूर गए, बोले कन्हैया देखो थोड़ी सी तिलक का व्यवस्था हो जाते हैं, इसलिए तिलक का व्यवस्था होनी चाहिए। बोले आगे चलो। इतने में जो कुब्जा वो रोज कंस को बड़ी सुंदर तिलक लगाया करती थी, चंदन अगुर से उनका श्रृंगार करती थी। इतने में कृष्ण ने कहा ओ सुंदरी सुंदरी कुंजा, मोड़ करके देखी। बोले भैया मेरे को तो देख कर सुनकर तुम डर जाते थे, मेरे को सुंदरी सुंदरी कौन बोल रहे हैं? देखा कृष्ण बलराम क्या सुंदर जोड़ी है। बोले हमें हमारे सखा को तेरा श्रृंगार कर दोगे? इतने सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया चंदन की। इतने में सखा ने कहा कन्या
तू तो केवल लेना ही लेना जानता, देना नहीं जानता। बोले क्यों? बोले देख कितने सुंदर हमने श्रृंगार की, देखो ये तीन जगह से टेढ़ी है। बोले मैं भी तो तीन जगह से टेढ़ा हूँ, ये भी टेढ़ी जोड़ी बड़ी प्यारी है। बोले प्रभु तेरा सीधा कर दो। इतने में कृष्ण एक प्यार में एक प्यार रखा, थोड़ी में एक हाथ और पीछे से एक हाथ रख करके एक झटका मारे ना सीधा सटका हुई। इतने सुंदरी बन गई, अपना रूप को देख करके अपना धैर्य धारण नहीं कर सकी। जब ठाकुर का हाथ का स्पर्श हो गया ना, ब्रह्मा सुंदरी बन गई। इतने में कृष्ण के कपड़े को दोपटे को पकड़ लिए। बोले ये सुंदर आप दिए हो, ये सुंदरता को आप ही उपभोग कर सकते हो। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रही? यहाँ पर दाव भैया जेठ खड़े हुए और कपड़े पकड़ कर खींच रही हो। अभी नहीं, कल से को उधार करके फिर तेरे पास में आऊंगा। फिर कृष्ण आगे गए। बोले बोले भैया थोड़ा माला की व्यवस्था हो जाता तो अच्छा रहता। फिर सुदामा माली ने बड़े सुंदर भगवान को, भगवान के भक्तों को श्रृंगार कर दी। ठाकुर उसको भी आशीर्वाद दिए। पहुंचे धनुष के पास में। वो धनुष किसका था? बोले परशुराम का। ये कंस जब त्रिभुवन के ऊपर में विजय कर रहा था, उसने परशुराम के पास में पहुंचा। बोले मेरे साथ में दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा देखो मेरे साथ में युद्ध करने से पहले मेरे धनुष को उठाकर तू दिखा दे, फिर तो युद्ध करोगे। लेकिन सचमुच से वो कंस इतना बड़ा पहलवान था, भगवान का धनुष को उठा दिया, जिसको 400 व्यक्ति उठा लिए। भगवान मान गए। बोले देख बेटा ये धनुष को तू ले जा, लेकिन सावधान ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, इसको याद रख। वो धनुष यज्ञ के लिए बुलाया था। कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचे, चारी तरफ में बड़े बड़े पहलवान खड़े हुए थे। कृष्ण का उम्र कितना? करके कृष्ण करके 11 साल के। इतने में कृष्ण ने कहा दाऊ थोड़ी सी ये धनुष को उठा करके देखो। जितने बड़े बड़े पहलवान थे, बोले पागल 10 साल 11 साल का बच्चा जिसको 400 व्यक्ति उठा कर ले जाते हैं, बोले धनुष उठाएगा? कृष्ण देखते देखते छलांग लगा दी। उन्होंने देखते देखते धनुष को उठाया। जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, धनुष दो टुकड़े हो गए और इतने जोर से आवाज आई पूरा मथुरापुर में टहलका मच गई। इतने में जितने सैनिक थे, बोले भैया मारो मारो इस परशुराम का धनुष को तोड़ दिए। कृष्ण बलराम बोले देखो हम तो कोई अस्त्र शस्त्र लाए नहीं, क्योंकि वृंदावन में धनसुरी है, श्रृंगा है। कृष्ण ने कहा एक काम कर दाऊ, तू एक टुकड़ा पकड़, मैं एक टुकड़ा पकड़ता हूँ। ऐसे पिटाई करना शुरू कर दी, वहां भगदड़ मच गई। वहां पर प्राण लेकर सब भाग गए। कंस को बोले महाराज कंस कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। अभी परशुराम का याद आया, भगवान ने कहा ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता। अभी परशुराम का याद आया, हे भगवान ये मैंने जान बुझ करके अपना काल को क्यों बुलाया। इतने में नारद इसको गाली देने लग गए। बोले एक काम करो, कल कुबले हाथी कृष्ण जब आएंगे होली गेट में, कुबले हाथी को खड़े कर दो और यहाँ पर रणभूमि सजाया जाए। अब मेरे लिए बड़ा ऊंचा आसन कर दो, जैसे कृष्ण मेरे पास में आ ही नहीं सकते हैं। चारों मुष्टिक और साल तोसलों को साथ में कल युद्ध होगी। कृष्ण जब आए पहले तो उन्होंने कुबले हाथी को वध किए। जब रंगशाला में कृष्ण बलराम प्रवेश की, बोले जिनकी भावना रही जैसी और हरि मूरत देखी तिनी तैसी। जो वहां पर माताएं थी वो देख रही थी, इसका दूध का दांत भी अब नहीं टूटे। जो स्त्रियां थी वो देख रही थी साक्षात काम दे। कंस देख रहा था ये साक्षात धेतु, और जितने बड़े बड़े जोधा थे बोले साक्षात वज्र। पिता माता देख रहे थे छोटा नन्हा सा बच्चा। जितने ज्ञानी देख रहे थे यही परतत्व है। अभी कृष्ण बलराम के साथ में साल तोसल की वहां पर मल्ल युद्ध हुई। चारणों को साथ में कृष्ण और मुष्टिक को साथ में श्री मुष्टिक को साथ में कृष्ण और चारणों को साथ में श्री दाऊ भैया, और वहां मल्ल युद्ध होते होते श्री बलदेव श्री प्रभु ने क्या की, जैसे धोबी पछाड़ है ना, देखा धोबी पछाड़ा मतलब क्या, धोबी जैसे कपड़े को ऐसे पछाड़ता है। दाऊ भैया तो उन्होंने मुष्टिक को उन्होंने एकदम धोबी पछाड़ कर दिए।
और चारणों को इतने में कृष्ण भी वहीं पर पछाड़ दिए। देखते देखते दोनों को उन्होंने धराशायी कर दिया। खैर श्री साल तो सल पूछ रहे, देखते देखते उनको भी धराशायी कर दिए। कंस देख रहा था, बोले हे भगवान, 11 साल का बच्चे और इतने बड़े बड़े पहलवान, देखते देखते धराशायी कर दिया। कंस तो बोल रहा था ये दोनों बच्चों को जेल में बंद कर दो, नंद यशोदा को जेल में बंद करो और देवकी वसुदेव को मार डालो। इतने में कृष्ण ने कहा, बोले मामा जी, बड़ी ऊंचे सिंहासन पर बैठी करके हाथ हिला हिला कर बात कर रहे हो। इतने में कृष्ण तो एक छलांग लगाए, कहा कंस जो बैठा हुआ था बड़ी ऊंचे सिंहासन में, कंस देखा ये कहां से आ गया। इतने में कृष्ण उनको चोटी पकड़ लिया, बोले क्यों मामा जी, एक दिन आपने मेरी मैया की चोटी पकड़ी थी ना, जो दुष्ट लोग माताओं के लिए अपव्यवहार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दंड देने के लिए मैं आया हूँ। उनको चोटी पकड़ करके एक झटका मारे, एक झटका से एकदम नीचे गिरा दिए और ऊपर से गिरते गिरते नीचे आते राम नाम सत्य हो गया कंस का और कृष्ण ऊपर में आगे गिरे। इतने में उनकी दो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, वो आकर के रोने लग गए। कृष्ण भी थोड़े रोए, बोले मामी मामी, मामा कितने अच्छे थे, मैं तो मामा को साथ में ऊपर में मिलने गया था, मेरे को क्या पता था मामा इतना जल्दीबाजी करेंगे। इतने में हठात किया हुआ मिलते समय उनको पैर स्लिप हो गया, अच्छा हुआ मामा नीचे में ऊपर आ गया, अगर मैं भी नीचे आता ना मेरा भी रामना सत्य हो जाता। कृष्ण भी थोड़े रहे। फिर उन्होंने कंस को लेकर ध्रुव घाट में संस्कार की और विश्राम घाट में प्रभु स्नान करके जहां पर विश्राम किया उस स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट नाम पड़ गया। इतने में अस्थि प्राप्ति जरासंध की बेटी जरासंध को भड़काए, तेरे दामाद को बिना कारण से कृष्ण बलराम मार डाले, इसलिए उन्होंने 70 बार मथुरा को ऊपर आक्रमण की, लेकिन कृष्ण पकड़ करके उसको छोड़ देते थे। बोले क्यों, बोले ये दुष्ट जा करके जितने दुष्टों को राक्षस को दैत्य को बुला बुला करके लाएगा, हम यहीं पर बैठी बैठी करके मारेंगे। क्यों, बोले परित्राण आया साधु नाम बिना सायज दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समभामि जुगे जुगे, हम जो काम के लिए आए यहीं बैठी बैठी कर करेंगे। लेकिन जब 18 बार आक्रमण किया वो तो 17 बार हार गया, उनको पता चला कृष्ण कौन है, बोले नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ये ब्राह्मण को पूजा करते हैं, ब्रह्म ये ब्राह्मण का देवता है, ये ब्राह्मण को कभी नहीं मारते हैं। उन्होंने क्या किया, सारे ब्राह्मण सैनिक को लेकर के आ गया, जानते हैं कृष्ण उनको मारेंगे नहीं। जब सैनिक को लेकर के आ गए, भगवान ने देखा, देखो मेरे भक्तों को कैसे जोर जबरदस्ती पकड़ करके लाया है, इसलिए कृष्ण ने रण छोड़ करके भाग गए, इसलिए ठाकुर का एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोले श्री रण छोड़ भगवान की जय। अभी एक साथ में जरासंध दूसरे तरफ में कालजवन, एक साथ में मथुरा को ऊपर आक्रमण किया। कृष्ण बलराम ने देखा अगर एक तरफ में जाए ना दूसरा व्यक्ति मथुरा में आक्रमण करेगा, क्या किया जाए। तब उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाए, बोले विश्वकर्मा समुद्र के बीच में एक द्वारा का निर्माण करो। जोग माया को बोले तुम एक काम करना, मथुरा वासी सब विश्राम करेंगे, रात को सबके तुम उठा करके तुम द्वारकापुरी में उनको पहुंचा देना। इसलिए रात रात सबके सब द्वारका चले गए। जब सवेरे उठे ना सबके सब, जब नींद खुली वो मथुरा में सो रहे थे, देखा चारों तरफ में समुद्र समुद्र, द्वारकापुरी, उसका नाम रहा द्वारका। क्यों, बोले भैया द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, सो रहे थे तो मथुरा, वहां पर देखा चारों तरफ में समुद्र समुद्र, इसलिए बोले द्वारका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, उसका नाम पड़ गया द्वारका नाम पड़ा। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी मेरी शादी होनी चाहिए, लेकिन अभी बड़े भैया का शादी नहीं हुई, पहले दाऊ भैया का शादी हो जाए। क्यों, मैं तो एक दो शादी नहीं करूंगा, 16108 पटरानियों से शादी करूंगा, मेरा नंबर लग गया तो खत्म नहीं होगा, लेकिन पहले दाऊ भैया का तो हो जाए। कहते एक श्री रैवत नाम के राजा थे, सत्यजुग की कथा है, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रेवती, वो माँ लक्ष्मी स्वयं। एक दिन ब्रह्मा जी, एक दिन उनकी पिताजी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से प्रश्न करने के लिए मेरी बेटी के उपयुक्त वर कौन है। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी कुछ काम में व्यस्त थे,
व्यस्त थे तो अभी रेवत महाराज को थोड़ी समय इंतजार करना पड़ा। जब ब्रह्मा जी को साथ में मिले, बोले मेरे बेटी के उपयुक्त वर कहाँ है? बोले आप आए थे सत्य युग में, यहाँ पर थोड़ी समय अपने जो इंतजार किया बढ़ते जगत में, सत्य युग बीत गई, त्रेता युग बीत गई, अभी द्वापर का अंतिम है। अभी स्वयं भगवान विष्णु श्री वसुदेव महाराज का बड़ा बेटा श्री दाऊ भैया बन करके आए। आप श्री बलदेव को साथ में बेटी की शादी कराना। जब बलदेव प्रभु को साथ में शादी हुई, लेकिन ये तृतीया युग की, वो तो एकदम ताल के पेड़ जैसे लग रही। बलदेव प्रभु द्वापर युग के, इनकी गुठन तक शादी हुई तो जोड़ी बनी नहीं। इतने में सखा लोगों ने खिली उड़ाया, बोले भैया बड़े भाग्य से बड़ी भोग मिलती है। इतने में बलदेव प्रभु तक शादी की देर नहीं हुई, सखा लोग तो खिली उड़ा रहे हैं। बलदेव प्रभु अपना हॉल को निकाले और रेवती कंधे पर लगाए और उन्होंने खेचते 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 जब उन्होंने कंधे तक आ गई ना, दाऊ भैया छोड़ दिए। देखा प्यारी जोड़ी बड़ी प्यारी हुए। बोले श्री रेवती रमण भगवान की, अभी भगवान कृष्ण शादी करेंगे। इसको कृष्ण रुक्मिणी बनाया नहीं, किसको बनाया भैया? कृष्ण रुक्मिणी कौन बने? बने हुए हैं। ठीक है, कथा को लास्ट में अभी कृष्ण रुक्मिणी कथा सुनेंगे। देखो हरे कृष्ण, हम लोग ने 7 दिन तक कथा सुनी। कितना दिन में कथा सुनी? कितना दिन में सुने? इसलिए नियम है कथा से कुछ ले और कथा में कुछ दे। क्या करें? कुछ ले और कुछ दे। बोले लेंगे क्या और देंगे क्या? बोले ले तो प्रभु का प्रेम लो, ठाकुर जी की भक्ति लो। बोले दे क्या? बोले सारे गंदी चीज को दे जाओ, सारे गंदी चीज को दे जाओ और अच्छे चीज को यहाँ से ले करके जाओ। बोले भैया गंदी चीज क्या है? बोले चार ही गंदी चीज। अभी ध्यान देकर सुनो, अभी कथा के सार सुन लो। 7 दिन जो हमने कथा सुने, लेना क्या और देना क्या? बोले चार ही गंदी चीज है। पहला नंबर है, हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए। कहते धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं, वो झूठ झूठ बोलते हैं। इसलिए धर्म का पहला चरण वहां समाप्त हो जाती है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ये धर्म का स्वरूप थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा दिया, देखो मैंने जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुई, राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा और 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक अज्ञातवास में विराट का दासत्व करना पड़ा। शिक्षा देते कभी भी जुआ मत खेलो और परिवार में किसी को जुआ खेलने मत दिया करो। अगर जुआ खेलोगे इतने नीचे तुम उतर सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर पानम, धर्म की दूसरा चरण है तपस्या। ये तपस्या नष्ट कैसे होता है? बोले नस्ली वस्तु सेवन करने से। इसलिए हमें नस्ली वस्तु सेवन नहीं करनी चाहिए। नस्ली वस्तु ने पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए शराब भी नहीं लेनी चाहिए। पहले मैं बताया था ना, जो शराब पीते हैं उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है? 3 लाभ। क्या क्या लाभ है? एक तो कुत्ता, तुमको तो कुत्ता ही याद रही। हाँ, इसलिए मतलब पहला लाभ है क्या है? वो बुरा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ है, कहते घर में चोरी नहीं होगी। और तीसरा लाभ, कुत्ते उनकी दोस्त बनेंगे। इसलिए पहला लाभ क्या है? वो बुढ़ा नहीं बनेगा। बुढ़ा नहीं बनेगा मतलब क्या है? जिंदा रहे तभी तो बुढ़ा बनेगा ना, और जिंदा नहीं रहे तो बुढ़ा कैसे बनेगा? इसलिए आधा उम्र तो पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं रसिया प्रचार करने जाता हूँ, तो यहाँ पर एक लड़की है, रसिया प्रचार करने जाता हूँ, वहां पर हमने बुढ़ा कम देखा और देखा लड़की लड़की ज्यादा है। मैंने कहा भैया यहाँ पर इतने लड़की क्यों है और ये बुढ़ा कहाँ गए और इतने पुरुष इतने कम क्यों? देखो उन लोगों ने क्या बताया, बोले यहाँ पर वो बचपन से यहाँ पर शराब पीना शुरू करते हैं। जब शराब पीना शुरू करते हैं वो आधा उम्र में शराब पी कर आधा उम्र खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसका लिवर फीवर खत्म हो जाती है वो आधा उम्र। और शराब पीने पर इनका नपुंसकत्व हो जाते हैं, इनके अंदर पुरुषत्व ज्यादा नहीं रहती है, इसलिए ज्यादा लड़की जन्म यहाँ हो रही है।
इसलिए ज्यादा बूढ़े यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इसलिए भैया अगर जिंदा रहना ना, कभी भी ये शराब फराब को कभी मत पिया करो, नहीं तो आधा उम्र में राम नाम सत्य हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए एक दूसरा लाभ क्या है, बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगी, बोले घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी। जो शराब पिएगा वो जितने सारे अलंकारों को बेच बाज कर पी पा कर सब खत्म कर देगा, क्योंकि जब नशा ऐसे की चीज है, जब नशा की समय है ना, उसका कुछ ज्ञान नहीं रहता है, सब बेच बाज करके वो खत्म कर देगा, पर चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ, कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा और कुत्ता आकर मुंह चाट कर चले जाएगा। आप देखे होंगे यूट्यूब में आया था, पता नहीं कहाँ पर है, वो बच्चे शराब पी करके अचेत होकर पड़ा हुआ और कुत्ते जाकर उसे बुरी तरह से मुंह पर चाट बेच रहे थे, हैं कहीं आप। इसलिए शराब पीना नहीं, पिलाना भी नहीं देना। देखो लेकिन दुनिया अभी ऐसे हो गया, अगर शादी हो ना, अगर शराब मांस नहीं पिला खिलाया, बोले भैया कौन सा शादी हुई, तुमने शराब नहीं पिलाया मांस नहीं पिलाया तुमने, हैं। दुनिया बड़ा विचित्र हो गया है, दुनिया बड़ा विचित्र हो गया। मैं पहले बता रहा था ना, कोई संत कह रहा था एक बच्चे का बर्थडे में पता नहीं कितना बोतल तुड़वाते हैं, कितना जानवर को मारते हैं। वो संत कह रहे थे भैया जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने जानवर को मरवाया और इतने बोतल तुड़वाया, उस बच्चे का कभी कल्याण होगा? अगर 100 साल होगा ना, झट 50 साल में उतर कर आ जाएगा, उसी समय में 50 साल में उतर कर आ जाएगा। क्यों? जिस बच्चे के लिए तुमने इतने पाप कर्म करवा रहे हो, इसलिए कभी ये पाप कर्म मत करवाया करो। बच्चे की शादी हो कुछ भी हो, वहां पर शराब और मांस को मत लाया करो। मैं बता रहा था ना, देखो यहाँ पर जब शादी हुई, ये हीरो बैठा हुआ है, ये मंडली करता भैया बैठा हुआ, उसकी पत्नी भी यहाँ पर बैठी हुई है। उनकी जब शादी हुई, प्याज लहसुन तक भी उन्होंने अलाव नहीं किया, प्याज लहसुन तक भी, कोई मांस मदिरा कुछ नहीं। पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, भगवान को भोग खिला लगाया, सबका ठाकुर जी का प्रसाद दिया जिसमें सबका कल्याण हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानां अनिरस उपजायते, भगवान को भोग लगाकर खाने से जितने अमंगल है, जितने कष्ट है, सब के सब दूर हो जाता है। इसलिए ये शराब खराब से खुद दूर रहे, दूसरों को भी दूर करवा रखकर के रहे, ठीक है ना। इसलिए कोई नस्ली वस्तु मत लिया करे, और इसमें क्या होता है, इसमें तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा स्त्रियम, स्त्रियम का मतलब है बोले कली में स्त्री में कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों में, बोले अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से मिलते हैं, संसार करो शादी करके धर्म के साथ में पति पत्नी मिल करके घर गृहस्थी बनाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हो नहीं, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए करो शादी करके पति पत्नी धर्म के साथ में अपना घर गृहस्थ को बिताओ, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती। चौथा है जीव हिंसा, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा में कभी सिर्फ मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज का सेवन नहीं करनी चाहिए। पहले मैंने आपको समझाया था ये मांस, हाँ जो मांस है ये नहीं खानी चाहिए, पहले मैंने समझाया था ना, एक दिन समझाया भी नहीं। हाँ देखो और एक बार बोल देता हूँ, कुछ लोगों का धारणा है अगर ये मांस मछली नहीं खाएंगे ना, हम ताकत कैसे आएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। देखो आपको समझाता हूँ, आप लोग समझे और अच्छे तरह से समझ लो, आप दूसरों को भी आप समझा सकते हो, आप अच्छे तरह से चीज को समझ लो। कहते एक तरफ में वेजिटेरियन, दूसरे तरफ में नॉन वेज, नॉन वेज को देखो जैसे कुत्ता नॉन वेज करता है, आप देखना थोड़ी सी कुत्ता भगे ना हाँपने लग जाता है, देखना कुत्ता सोया हुआ होगा, देखना वो हाँपता हुआ देखेगा, सोया हुआ हाँप रहा है। एक बाघ को देखना, एक सिंह को देखना, आप टीवी खोल करके डिस्कवरी में देख लेना, जब एक बार मांस खाता है 4-5 दिन तक वो सोता रहता, क्यों? उसको हजम करके नहीं। शेर को देखना ऐसे बैठा हुआ होगा, वो हफ्ता हुआ देखोगे शेर को, ये सबके सब नन भेज खाने वाले। अभी देखो भेज को देखो, एक घोड़ा क्या कहता है बताओ, घोड़ा क्या कहता है, घास, छोला कहता है, घोड़ा कहता है,
जब हम किसी मशीनी को साथ में उदाहरण देते हैं तब कितने हॉर्स पावर, किसको साथ में उदाहरण देते हैं? घोड़े को साथ में। रेस किसकी होती है? घोड़े की होती है। वृंदावन में घोड़ा गाड़ी है, अब तक वृंदावन गए हो? देखना 10-10, 15-15 आदमी को बैठा करके घोड़ा खेच करके ले जाता है, इतनी ताकत है। हैं? आप बताओ हाथी क्या खाता है? पेड़ पौधा खाता है, वो भी वेजिटेरियन। हाथी जैसे इतना बड़ा शरीर किसका है, इतना ताकत किसको शरीर में है हाथी जैसे? आप बताओ बैल क्या खाता है? घास खाता है, देखना खेती में दिन भर काम करता है। गधा क्या खाता है? घास खाता है। अब लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए, जहाँ इंसान नहीं चढ़ सकता है, वो पीठ पर उठा करके कहा केदारनाथ बद्रीनाथ इतने ऊंचा जमुनोत्री कहा बल जा करके ले जाते, जहाँ इंसान जहाँ चलने का हिम्मत नहीं रखता, और वहां पर पीठ के ऊपर सारी गद्दे दिन भर काम कराता है, लेकिन वो खाता क्या? वो वेजिटेरियन। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया जो वेजिटेरियन उनको शरीर में ज्यादा शक्ति है, नॉन वेज में नहीं। देखो आप लोग जिसके पास भी इंटरनेट, इंटरनेट कॉल कर देखना, वो इंटरनेट में आप देखोगे एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेज, दो शरीर दिया हुआ है। दिखाया जो वेजिटेरियन उसका जवानी में जैसे चेहरा है, वो बुढ़ापा तक भी उसका चेहरा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं वो जवानी में मांस मछली खाकर शरीर की तरफ फुला देते हैं, और थोड़ी सी उम्र होते ही एकदम बूढ़ा हो जाते हैं, एकदम थोड़ी सी उम्र ढलते ही वो बूढ़ा हो जाते हैं। आप लोग राजस्थान में कभी जाकर देखना, 80-80, 90-90 साल में खेती में काम करते हैं, कितने लंबे चौड़े आदमी। लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं बंगाल उड़ीसा तरफ में देखना, 60-70 साल में खत्म, एकदम बूढ़े हो जाते हैं, उम्र ढलते ही। बोले कारण क्या? बोले कारण है हमारा जो शरीर है वो भेज है, नॉन वेज नहीं। देखो इसका प्रमाण देखो, भगवान जितने नॉन वेज, इस चीज को आप लोग भी समझो, दूसरों को समझाना, इसलिए मैं इतने समझा रहा हूँ। जितने नॉन वेज खाने वाले उनका दांत देखो कैसे, कुत्ते शेर बाघ, बताओ उनका दांत कैसे? नोकीले नोकीले। जितने वेज का मैंने नाम लिया, घोड़े देखो, बैल देखो, गधा देखो, और हमारा दांत को देखो कैसे दांत है, जैसे वेज जो खाने वाले हमारा दांत उनके बराबर है, बराबर है कि नहीं? क्यों? वो नॉन वेज खाएंगे इसलिए भगवान उनको दांत नुकले नुकले बनाए, लेकिन हम भेज हैं इसलिए सब वेजिटेरियन सब का दांत बराबर है। देखो जो नॉन वेज है कुत्ते बाघ से जब पानी पीते हैं, आप देखा कैसे पानी पीते हैं, वो चाट चाट करके जीवा में पानी पीते हैं, हैं? जीभ में पानी पीते हैं। जितने वेजिटेरियन नाम बताना, देखना जीभ में नहीं और मुंह लगा करके पानी पीते हैं। जितने नॉन वेज है आप देखोगे रात को उनका आग जलता हुआ देखोगे, जलता हुआ देखोगे, जितने भेज को देखोगे जितना नाम लिया उनका आग रात में नहीं जलती है। कभी जितने भेजे, जितने नन भेजे हैं उनका जो आंत है हजम नाड़ी केवल 2 मीटर है, और जितने भेज है 6 मीटर इनका नाड़ी, 6 मीटर आंत है, इसलिए वो नन भेज खा करके कहते हमसे 10 गुण ज्यादा उनको डाइजेशन का ताकत है, इसलिए कच्चा मांस खाकर हजम कर लेते हैं। अगर हम कच्चा मांस खाएंगे हजम कर सकते हैं? इतना बड़ा कच्चा मांस खा सकते हो? नहीं खा सकते। क्यों? मेरा हमारा भोजन नहीं, भोजन उन्हीं क्या है, हम जोर जबरदस्ती मसला मसला दे दा करके हम किसी तरह इसको खाते हैं, हैं? इसलिए हमारा शरीर वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं। अब देखो इसका नाम मांस, मांस का मतलब क्या? संस्कृत शब्द है, मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में इसका नाम कहते हैं मीट। क्या नाम है? मीट। मीट का मतलब क्या? मी ईट, मी ईट, मी मतलब मुझे, मुझको, ईट मतलब खाना, मतलब तुम जिसको खा रहे हो बाद में फिर तेरे को जो खाएगा है। इसलिए भागवत में एक कथा आती है, एक राजा था सूरत, वो यज्ञ में पशु वध करता था। एक दिन नारद जी मिले, बोले ये सब क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ में पशु वध कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा तुमको पता है इसका क्या फल? बोले क्या फल? बोले तेरे को मैं दिखाता हूँ देख ले। उन्होंने कमंडल से पानी लिए उनके ऊपर छिड़काव कर दिया, करते शरीर तो वहीं पर खत्म हो गया। देखा जब दूत उसको खींच कर ले जा रहे हैं, और जितने ही जानवर को मारा था सब लाइन करके खड़े हुए और इसे तलवार लेकर भी। बोले भैया तुम लोगों कौन हो? बोले याद है
हमें कभी काट कर खाया था, बोले पाप कभी अपना बाप को नहीं छोड़ता, इधर आ जा। उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे, वो चीख रहा था छोड़ दो छोड़ दो। बोले तुम जब हमें तुम्हें काटा था हम भी भय भय कर रहे थे, तुमने क्या छोड़ा था। इतने में फिर जब उन्होंने मंत्र पुत्र करके पानी छिड़काव करवाया, फिर जिंदा हो गया। वो शरीर कांप रहा था, बोले तुमने क्या देखा। बोले तो मैं तो सोच रहा था खा गया हो गया। बोले बेटा पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है, एक एक करके तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले सब छोड़ो, छोड़ करके भगवान की भक्ति करो, निरामिषी भोजी बनो और भगवान की भोग ला कर खाओ, भगवान सब पाप को तुम्हारी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए हमें वेजिटेरियन करनी चाहिए। अब लोग बताओ जो बकरी है, एक किलो बकरी हिरण मांस का कितना कीमत है, देना 400-500। अगर कोई बढ़िया हिरण फिरन मांस होगा ना 1000 रुपया तक है, हैं 1000। एक टाइम लाओ मसला मसला देकर 1000 रुपया खत्म। आप 1000 रुपया की साग सब्जी को लेकर क्या बताओ कितना दिन चलेगा। बोलो आप लोग बोलो, नहीं नहीं 8-10 दिन तक खाओगे, 8-10 दिन तक खाओगे। 1000 साग सब्जी लाओगे, एक तो पाप से बचोगे, दूसरे में मन भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा, पुण्य भी मिलेगा, हैं पुण्य भी मिलेगा, शरीर भी सुस्त रहेगा, हर काम के लिए बढ़िया। आप इंटरनेट खोल कर देखना कौन सा देश में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और कैंसर में लोग मरते हैं। अब स्वयं इंटरनेट में ढूंढना, जो जितने मांस खाते हैं उसके ज्यादा हार्ट अटैक कैंसर में वही ज्यादा लोग मरते हैं, क्यों, वो हमारी आहार नहीं, ठीक है ना, पैसा बचेगा। देखो और एक बात कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न जोर से बोलो, देखो इसका फर्क देख लो। एक कुत्ते को देखो, शेर और बाघ को देखो, स्वभाव कैसे है बता, आप बताओ एक कुत्ते का स्वभाव कैसे, शेर बाघ का स्वभाव कैसे। वो मांस खाता है, बड़ी घुसला बड़ी क्रोध, देखते तो काटने के लिए खाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन एक बैल का स्वभाव देखो, एक घोड़े का स्वभाव देखो, एक हैं एक बकरी का स्वभाव, ये खाते हैं वेजिटेरियन, इनके स्वभाव देखो शांत शिष्ट है, हैं। इसलिए कोशिश करना है सबके सब वेजिटेरियन करने के लिए, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार आप बोलो, मैं सुनूंगा, और कोशिश एक काम करना, जो कुछ खाए ठाकुर को भोग लगा कर खाओ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो मेरे को भोग लगा कर खाते है ना उसका घर का सारे दुख कष्ट उसकी दूर हो जाता है, सारे दुख कष्ट, क्योंकि भगवान को भोग लगा तो प्रसाद हो गया, कहते प्रसाद से मन को शांति मिलती है। पहले मैंने बताया था भगवान को भोग लगाने का कितने महत्व है, हैं? पहले याद आती है सुदामा जी को इतने दरिद्र क्यों भोगना पड़ा, जब वो गुरुकुल में गए थे माता ने उनको चाना दिया, बोले कृष्ण को देकर खाना, लेकिन उसने क्या किया छुपा छुपा करके चाना खाया था, इसलिए उसको इतने गरीब भोगना पड़ा। धनी कब बने, जब ठाकुर के पास में गए, ठाकुर जी के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर 1 मुट्ठी खाए, ठाकुर 2 मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठे खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले प्रभु नहीं, और नहीं 2 मुट्ठी खा लिया तो सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, तीसरे मुट्ठी खाओगे मैं दासी बनूंगी। जब सुदामा घर में आया सोने के महल बनी हुई, पत्नी रानी बनकर बैठी हुई। इसका मतलब है अगर हम घर में ठाकुर को भोग लगाओ ना, माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती, घर में शांति सुख बनी रहेगी, क्योंकि जैसे खाओगे वैसे मन बनेगा, ठाकुर का प्रसाद खाओगे तो मन तुम्हारी अच्छा बनेगा, घर में शांति सुख बनी रहेगी, ठीक है ना। घर में ठाकुर को भोग लगा कर खाया करो, हाँ। बोले 4 चीज तो छोड़ो और 4 चीज को लो। बोले 4 चीज क्या लेंगे, बोले पहला चीज है, पहले हर घर घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए। किस किस घर में तुलसी की पौधा है, हाँ हाँ घर में तुलसी पौधा हो, क्योंकि भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए अपने अपना घर में ठाकुर जी तुलसी में अपना स्वरूप रख कर गए। हम कहते ना भैया वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके भी है,
बोले तात्पर्य क्या, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी की वन ठाकुर जी वहीं पर। अगर आपके घर में तुलसी वृक्ष है समझो भगवान की निवास, और तुलसी कौन है, लक्ष्मी। देखना सालग्राम के साथ में शादी होती है, ये तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके देखा पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन कहाँ पर, बोले ये तुलसी वृक्ष में है, तुलसी वृक्ष में सबसे ज्यादा मेडिसिन है। इसलिए आप लोग दुकान से तुलसी पावर एक दवा को ढूंढना, देखना उसको साथ में इतना बड़ा पेपर मिलेगा, आप उसको पढ़ करके देखना तुलसी में कितने सारे मेडिसिन है। ऐसे कोई बीमार नहीं जो तुलसी वृक्ष से सही नहीं होता है। इसलिए गले में, इसलिए हम सबके सब गले में तुलसी की कंठी पहनते हैं, क्योंकि उसमें सारे मेडिसिन। देखो हम तो भारतीय लोग हैं, हम तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ विदेश लोग बैठे हुए रशिया, यानी गले में देखो तुलसी कंठी, तिलक लगाए, भगवान के नाम जप करते हैं, ये लोग ये चीज की महत्व तो समझ करके ये गले में कंठी तिलक धारण करते, जानते हैं इसमें कितने मेडिसिन, इसके अंदर में कितने। आप पातंजलि में जाकर के देखना, वहां से भी तुलसी की जूस मिलेगा, पेट कैसे साफ होगा, कौन सा बीमारी सही होगी, क्या होगी। इसलिए तुलसी गले में कंठी धारण करनी चाहिए। इसलिए कल हम सुन रहे थे जब महाराज जब दूतों को बोले, बोले देखो जो भजन करता है मेरे पास में मत लाना। बोले भैया पता कैसे चलेगा, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, एक पालतू और एक फालतू। कल जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं। देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं, फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी है ना, वो ठाकुर जी की पालतू है, भगवान की पालतू है। कभी भी जमदूत, ये जब महाराज स्वयं कहते हैं, खबरदार कभी उनको ऊपर नजर उठा कर देखना नहीं, समझ लेना कि भगवान के चरण में शरणागति है, हैं? इसलिए उनको कभी नहीं लाना। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, लेकिन फालतू बनने के लिए ना गंदी चीज को छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली है अंडा प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तभी ठाकुर के गले में तुलसी की कंठिया धारण कर सकते हैं। आज कथा के बाद में जो व्यक्ति बोलेगा हम ये चीज को छोड़ करके हम कंठी गले में कंठी वाला पहनेंगे, आप लोगों के लिए हमने तुलसी माला लाए, आप लोग लेकर के पहनना, ठीक है। और जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, भगवान की माला लेकर के जप करना, लकड़ी का माला लेकर जप करना, जितने ठाकुर का जप करोगे उतना धीरे धीरे ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देंगे, घर का परिवेश ठाकुर जी सही कर देंगे। इसलिए पहले तुलसी, दूसरा जो चीज है हर घर घर में ठाकुर को पूजा होनी चाहिए, हर घर में ठाकुर जी के लिए हमारी मंदिर होनी चाहिए। अब सबके घर में मंदिर है ना, किसको किसके घर में ठाकुर जी की मंदिर है, सबके घर में ठाकुर जी की जरूर पूजा होनी चाहिए। आप देखना जितने आप अच्छे तरह से ठाकुर को पूजा सेवा करोगे घर में उतना शांति सुख बना रहेगा, क्योंकि अगर ठाकुर जी खुश रहे ना हम भी खुश रहेंगे। कितना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। देखो एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये सही घटना घटना है। बोले अयोध्या में कोई गुरु जी थे, उनका एक छोटा कोई चेला था, और उनका था राम दरबार। एक दिन गुरु जी ने चेले को बोले देख चेले मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम थोड़ा ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे। बोले गुरु जी आपका आदेश होगा तो कर लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को ठीक से खिलाना पिलाना, ठाकुर को ठीक से भोग लगाना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो। अभी गुरु जी चले गए, वो बच्चा छोटा बच्चा उसने रोटी सब्जी बनाया ठाकुर के सामने धर दिया। बोले ठाकुर जी पीढ़ी लगा दे, ठाकुर जी आओ और खाना खा। वो छोटा बच्चा को भी देखा नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाते हैं। उसका जो भावना थी हम जैसे बैठ कर खाना खाते हैं ना ठाकुर भी ऐसे रोटी सब्जी खाते हैं। वो छोटा बच्चा कभी देखा नहीं है ना, बड़े भोला वाला मैंने है, लेकिन उसने देखा ठाकुर जी बैठ कर खाना नहीं खा रहे। बोले ठाकुर जी आप क्या नाराज हो, गुरु जी दूर देश में गए और बोले ठीक से ठाकुर को खिलाना, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी आप बैठो पीढ़ी में और खाना खाओ। तब भी ठाकुर जी उतर गए। बोले ठाकुर जी अगर आप खाना नहीं खाओगे सामने, आप अयोध्या गए होंगे, वो मेरा सरज नदी है, बोले ये सरज नदी में मैं आत्महत्या कर दूंगा, छलांग लगा दूंगा। अभी उसने तो गया छलांग लगाने के लिए, आप नहीं खाओगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। भगवान राम देख कर ना ही लूटे ठाकुर जी,
इतने में हनुमान जी को बोले, हनुमान जी पकड़ करके ले आओ उसको, बोला ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। वो छलांग लगाने जा रहा था, हनुमान जी पीछे पकड़ लिए, बोले ठाकुर जी भोजन कर, बोले खा रहे हैं, बोले हाँ सचमुच से आकर के देखा ठाकुर जी राम भोजन कर रहे थे। अरे माता जाने की भोजन की, फिर लक्ष्मण भरत और लास्ट में हनुमान, बाद में किसने खाए। जब दो चार दिन ऐसे किया ना, अरे ठाकुर जी मेरे से और हो नहीं पा रहा, अकेला जाओ भिक्षा मांगने के लिए, फिर जंगल से लकड़ी लाओ है, फिर तोना लाओ, पत्ता लाओ, भोग लगाओ, इतना मैं कैसे अकेला करूंगा। ठाकुर जी बोले बताओ ना, हम तुम्हें मदद करेंगे। बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले आप तो घर की पिता हो, आप केवल थोड़ी सी पत्ता और गुणा बना दो थोड़ी सी। बोले ठीक है मैया सीता, बोली बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले आप तो घर की माँ हो, माँ का काम क्या, घर में रसोई बनाना। बोले आप केवल थोड़ा रसोई बना देना। बोले बेटा जिंदगी भर तुम्हें नहीं काम किया जंगल में। लक्ष्मण बोले बताओ मुझे क्या करनी। बोले आप थोड़ा सूखी सूखी लकड़ी ले आना जंगल से। आप रामायण देखो है ना, लक्ष्मण क्या करते थे, सूखी सूखी लकड़ी ले आते थे। बोले मैं तो यही काम किया। हनुमान जी बोले मेरे को क्या करना। बोले आप थोड़ा रखवाल करना, देखभाल। बोले भैया मेरा तो काम ही यही है, अभी ये केवल भिक्षा करके ले आता है, माँ रसोई बनाती रोज बढ़िया बढ़िया, माँ लक्ष्मी है ना बड़ी सुंदर रसोई बनाती है। कुछ दिन बाद में गुरु जी का लेटर आया, बोले बेटा मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, एक टाइम के लिए तुम थोड़ा खाना बना कर रख लेना, फिर मैं आकर के देख लूंगा। उसने मैया को पास में बोले मैया सीता जी देखो गुरु जी का लेटर आया है, गुरु जी को साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, गुरु जी बोले एक टाइम के लिए तुम व्यवस्था कर देना। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तुम थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना, मैं बना दूं, कोई चिंता मत करो। उसने गुरु जी को पास में लेटर भेजा, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, मैया सीता रोज रोज 56 भोग 36 व्यंजन बनाती है, भैया लक्ष्मण जंगल से सुखी लकड़ी ले आते हैं, और राम प्रभु तो बड़े सुंदर गुणा पत्ता बनाते हैं, और हनुमान भैया तो सारे काम कर देते हैं, और केवल मैं भिक्षा करके आता हूँ। और मैया ने बोले जितने संत आते हैं लेकर के आओ, कोई चिंता मत करो। जब ये लेटर को भगवान उनको गुरु जी पढ़े, गुरु जी तो अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले क्या लिख पागल। बोले मैया खाना बना रही है, मैं भिक्षा करके लाता हूँ, लक्ष्मण भैया लकड़ी से क्या है, गुरु जी का समझ भी नहीं आया। अब गुरु जी ने छोटा बच्चा, गुरु जी सोच रहे पता नहीं इतने संत लेकर के जा रहे। जब गुरु जी आए ना, देखा सचमुच से इतने 56 भोग 36 व्यंजन बना हुआ। बोले भैया इतने खाना कैसे बना। देखा माँ सीता स्वयं कुण में बैठी हुई और रसोई बना रही है, और मैया सीता जब गुरु जी को देखते ही उन्होंने थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुरा करके वहीं अंतर ध्यान हो गई। गुरु जी ने कहा भैया ये कैसे हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई। पहले तो ठाकुर जी खाना नहीं खाना चाह रहे थे, ठाकुर जी और मैं जब सरज में आत्महत्या करने के लिए गया, ठाकुर जी खाना खाए, फिर तो सबके सब मेरे को मदद करते हैं। गुरु जी बोले भैया आज तेरे जैसे चेले को पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया है मेरे जीवन। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुनाते। भगवान भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। आप लोग कोई उड़ीसा गए हो, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए, हाथ उठाओ। कौन कौन गए जगन्नाथपुरी। अब देखना जगन्नाथपुरी से पहले के स्टेशन है जिसका नाम साकी गोपाल है, वो स्वयं कृष्ण वृंदावन से चल चल करके साकी देने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक चले गए। वहां पर एक तोटा गोपीनाथ है, एक भक्त जब सेवा नहीं कर पाए अभी तक तो ठाकुर जी पद्मासन करके बैठ गए। आप जो पुरी जाओगे एक स्टेशन आएगा उसका नाम बालेश्वर, वहां पर खीरचूरा गोपीनाथ देखोगे। ठाकुर जी भक्त के लिए चोरी किया उन्होंने, तब से ठाकुर का नाम खीरचूरा नाम पड़ा। इतने प्रमाण है ठाकुर जी चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब हमें से भक्ति करेंगे, भगवान को प्रेम करेंगे, ठीक है ना।
घर में क्या करना है, रोज ठाकुर को स्नान करा, स्नान करा के ठाकुर का चरणामृत बच्चों को खिलाओ, खिलाने पर उनको तद अकाल मृत्यु हरणम, आज समय में मृत्यु नष्ट हो जाती है, दीर्घायु होती है, घर में दुख कष्ट नहीं आता है। रोज ठाकुर को स्नान कराना, ठाकुर को श्रृंगार करना, ठीक है ना। ठाकुर को जितने सुंदर श्रृंगार करोगे, हम स्वयं सज जाओगे, अपने आप सज जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वयं तो दिन भर दो बार साड़ी बदलाते हैं कपड़े, लेकिन ठाकुर 15-10 दिन से कपड़ा पहनते बैठे। लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दिया वो तो बैठा हुआ, अपना बच्चे का बर्थडे में बच्चे के लिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले जाएंगे, लेकिन कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे मत करो, पहले अपना लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, पहले ठाकुर जी के लिए ला, पहले ठाकुर जी के लिए फिर अपना लिए। क्योंकि द्रौपदी ने थोड़ी सी कपड़ा भगवान के हाथ में बैंडेज कर दी तो ठाकुर जी भरी सभा में उन्होंने उनको चीर उन्होंने दिया है ठाकुर जी, ठीक है ना। इसलिए पहले ठाकुर को सेवा पूजा करना। देखो जो तीसरा चीज है, सबके सब एकादशी व्रत रखना। अब लोग कोई एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन एकादशी, हाथ उठाओ, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो। देखो आप लोग जरूर ये कथा सुनने का बाद आप जरूर एकादशी व्रत रखना, क्योंकि आप देखना कि ये भागवत में कहीं व्रत किसी व्रत का नाम नहीं, सोम मंगल बुध बृहस्पति कोई व्रत का नाम भागवत में नहीं, केवल भागवत में केवल एक ही व्रत है, ये एकादशी की व्रत भागवत में। और एकादशी व्रत को बताया ये कौन सा व्रत है, बोले ये कल्प वृक्ष व्रत, मतलब जो कुछ आप मांगोगे एकादशी से, एकादशी आपको सो देता है। देखो एक एकादशी उसका नाम कामदा, 15 दिन में एक बार आती है। कामदा मतलब जो कुछ कामना वासना करके एकादशी करोगे फल मिलेगा। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अगर वो एकादशी करके घर में खूब अर्ण आता है। एक का नाम है पाप मजनी, अगर वो एकादशी करोगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक का नाम पुत्रदा, ये नंद बाबा को कृष्ण कैसे मिले, ये पुत्र का एकादशी से ही उनको पुत्र मिला, कृष्ण मिले हैं। जिसकी संतान नहीं पुत्र नहीं होता है, ये एकादशी करने पर घर में पुत्र भी जन्म होता है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मतलब वो एकादशी करने से जीव को जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। आपको घर में अगर एकादशी व्रत की कथा होगा पढ़ करके देखना, हर एकादशी का अलग 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 महिमा एकादशी का, लेकिन जो दूसरे दूसरे व्रत है उसका एक ही फल, दूसरा फल नहीं। यहाँ तो कोई राजस्थान से शायद कोई है नहीं, यहाँ पर राजस्थान से कोई यहाँ पर है, देखना राजस्थान में एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ प्राण नहीं जा रही है, साल साल तक तो उसमें विष्टा मूत्र विसर्जन करना है, अगर किसी ब्राह्मण को बुला करके बोलो इनकी सदगति कैसे, उसको ले जाओ थोड़ी समय के लिए बाहर घुमा करके ले जाओ, बोले इनकी सदगति कैसे होगी। अब ब्राह्मण को पूछो, ब्राह्मण कोई बाहर व्रत का काम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आप लोग कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो, केवल एकादशी की व्रत तक बोलेगा। और एकादशी का फल दे करके देखो उसी समय में उसको प्राण चली जाएगी। देखो मैं यूरोप जाता हूँ, मैं गया था एक हॉस्पिटल में, मेरे को लेकर गई एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा, शरीर हड्डी हड्डी रह गई, प्राण गले में अटक गया, उसमें टाटी पेशाब कर रहा था, प्राण किसी तरह से नहीं जा रहा था। उनका परिवार के लोग मेरे को हॉस्पिटल में ले गए, बोले बाबा इनके दुखों का अंत देखा नहीं जाता, परिवार दुखी दुखी 2 साल से पड़े हुए बेड में, आप बताओ इनकी मुक्ति कैसे होगी। मैंने कहा देखो आप सबके सब एकादशी व्रत करके पाल दो, बोले 10 दिन और बाकी है, एकादशी 10 दिन बाकी है। मैंने कहा एक काम करो, आज संकल्प लो हम परिवार लोग एकादशी जब आएगी करके आज का फल हम इनको देंगे। लेकिन उसी रात को उन्होंने संकल्प किया और उसी रात को उन्होंने शरीर छोड़ा, उसी रात को उसने शरीर छोड़ा। आप देखना परिवार में बहुत कष्ट कोई भोग कर रहा है, लेकिन किसी तरह से कष्ट नहीं जा रही, आप केवल एकादशी व्रत का फल दे दो, देखना उसी समय में उसका प्राण चली जाएगी, दुख कष्ट दूर हो जाएगी। इतने महिमा ये एकादशी व्रत की, इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं आती है, केवल एकादशी कथा आती है। देखो ये जो एकादशी है ना, ये साइंस है, ये मत समझो ये क्या सब बार व्रत है। देखो इसके विषय में मैं साइंटिफिकल कुछ रीजनिंग देता हूँ, जो थोड़ा लिखे पढ़े लोग थोड़ा अच्छे तरह से समझो ये एकादशी साइंस कैसे है। जितने ऋषि मुनि लोग थे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे,
वाल्मीकि व्यास पराशर अभी का जैसे आइंस्टाइन न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट नहीं। देखना न्यूटन को सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानी जाती है, न्यूटन सर कहते हैं, लेकिन अभी का जो साइंटिस्ट को देखना वो इनकी थ्योरी में बहुत गलत बता रहे हैं। बल्कि न्यूटन ने ये गलत बताया, ये गलत बताया। देखना कभी कभी बच्चों का पुस्तक बदलती, बोले क्यों, बोले एक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बताया, दूसरा साइंटिस्ट ने उसको काट दिया, इसलिए बच्चों का देखना पुस्तक बदलती है। लेकिन हमारी गीता बदली है, हमारे रामायण बदला है, हमारी महाभारत बदला है, ना हमारा वेद बदला, कोई अभी अक्षर बदली, बोले क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये लोग प्रॉपर साइंटिस्ट थे, इनकी इंद्रियों में कोई दोष नहीं था, ये दिव्य नेत्र में जो कुछ देखा वो लिखा है, हैं? अब देखो एकादशी कैसे साइंस है, ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को अगर आप कंटिन्यू चालू कर चलाओ तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, कोई भी मशीन को, लेकिन बीच बीच में उसको थोड़ा रेस्ट दे करके चलाओ, देखना मशीन बहुत दिन तक काम करेगा। उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी संडे छुट्टी होता कि नहीं, अब तो सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी, बोले क्यों छुट्टी क्यों देते हो, सात दिन बच्चों को पढ़ाओ ना, बढ़िया पढ़ेगा, बोले पढ़ेगा नहीं पागल हो जाएगा, और पागल हो जाएगा। जैसे क्लास में सात आठ पीरियड है, लेकिन बीच में एक रिसेस होता है, खेल छुट्टी, क्यों, क्योंकि जब आधा एक घंटा बच्चा खेल लेता है वो माइंड फ्री हो जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर पढ़ता है। उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन, इसलिए ये शरीर को बीच बीच में विश्राम देनी चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, देखो कम से कम बकरी जैसे दिन भर मुंह चलाया करो, मत चलाया करो, इसलिए क्या करो, कम से कम 15 दिन में एक बार एकादशी व्रत रखो, जिसमें शरीर सुस्त रहे, शरीर सुस्त रहे। यहाँ प्रश्न होता है, हम और भी तो कोई व्रत रख सकते हैं, लेकिन ये एकादशी व्रत ही क्यों रखे, इस विषय पर समझो, और भी तो बहुत सारी व्रत, लेकिन एकादशी व्रत क्यों करे। आप लोग सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने हो, जुहार भट्टा, पानी बैठती है, पानी घटती है, लेकिन ये पानी कब बैठती है कब घटती है, देखना एकादशी से ये पानी बढ़ेगी, समुद्र का पानी, बोले क्यों, बोले ये चंद्रमा आपको साथ में पानी का संयोग है, ये चंद्रमा पृथ्वी को खींचती है और पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, दोनों दोनों को खींचते हैं, लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी इतना बड़ा को खींच नहीं सकता, और ये पृथ्वी चंद्रमा को नहीं खींच सकती है, इसलिए उसका प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ता है। जितना परिमाण में चंद्रमा बढ़ते जाएगी, उतना परिमाण में ये समुद्र का पानी इतना उफनते जाएगी, उतना उफनते जाएगी। और पूर्णिमा का दिन बड़ी बड़ी लहरिया आती है, बड़ी बड़ी लहरिया आती है, फिर प्रथमा द्वितीया में धीरे 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 पानी घटते घटते खत्म हो जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा आकर्षण करती है पृथ्वी को। इसलिए कभी जो शरीर है, हमारा शरीर भी पांच चीज को द्वारा शरीर बना हुआ है। आप बता सकते हो शरीर की पांच चीज क्या क्या शरीर में, कौन को लगा हाथ उठा, हमारा ये शरीर पांच चीज से बनी हुई, कोई बता सकते हो शरीर में क्या क्या पांच चीज है, जोर से बोलो। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, पानी, कितना परसेंटेज है, कितना 75% शरीर में पानी है। इसलिए जैसे चंद्रमा ये पानी को खींचती, क्यों, वो तरल है, उसी तरह आप लोग देख लेना शरीर में 75% पानी है। आप देखना जिसको शरीर में कमर में दर्द है, घुटने में दर्द, आप लग के करके देखना एकादशी का दिन थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगा, द्वादशी का दिन थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, त्रयोदशी में ज्यादा थोड़ा दर्द, पूर्णिमा को इतना दर्द होगा सो नहीं सकते, क्यों, ये चंद्रमा की प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनिया ने बताया, देखो कम से कम एकादशी का दिन क्या करो, अन्न जातीय वस्तु को ग्रहण मत करो, अन्न जातीय जैसे रोटी गेहूं चावल इसको मत खाओ, बोले क्यों, आप देखना रोटी स्पंज जैसे होता है, चावल स्पंज होता है, आप रोटी चावल खाओ थोड़ी देर बाद में आपको प्यास लगेगी, लेकिन आप फल खाओ प्यास नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी आपको, फल खाने से प्यास नहीं लगेगी आपको, लेकिन रोटी खाने से प्यास लगेगी आपको, क्यों, बस पन जैसे होता है। मतलब ऋषि मुनियों ने कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अब जितने पानी शरीर में जाएगा ना, उसका चंद्रमा का उतना प्रभाव तुम्हारे शरीर में पड़ेगा, उतना रोग ग्रस्त बनोगे, रोग ग्रस्त बनोगे। इसलिए साइंटिस्ट ने बोले भैया, इसलिए आप देख लेना, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां देखना सबसे ज्यादा रोगी कब आता है, देखना एकादशी पूर्णिमा तक, जहाँ
स्मशान है, आप वहां थोड़ी जाकर के देखना कि सबसे ज्यादा लोग कब मरते हैं, देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तो लोग मरेंगे। अब जब खून खराब होता है आप नजर करके देखना कब ज्यादा खून खराब होती है, एकादश से पूर्णिमा का। बोले माताओं के अंदर मेरी चिड़चिड़ा पड़ी हुई होती है, बोले कब होता है, बोले एकादश से पूर्णिमा का। क्यों? चंद्रमा का प्रभाव ये शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए अगर एकादशी का दिन अन्न खाने से, शास्त्र बताया गोहत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, सारे पाप लगता है। और पाप लग गया तो बीमारी होगा, बीमारी होगा तो क्या खाते हैं, बोले मेडिसिन। तब इसका नाम क्या, मेड इट सीन, टेरामाइसिन, क्रोसिन। सीन मतलब पाप, सीन मतलब होता है पाप। बोले इस सारी बीमारी की, बोले पाप से सारी बीमारी हो रही है। इसलिए ये पूरा का पूरा के साइंस है। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये जो एकादशी व्रत रखा ना, ये पूरा पूरा साइंस, ठीक है ना। आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, एकादशी भगवान का सबसे प्रिय। जो एकादशी व्रत रखेगा सीधा ठाकुर के पास में जाएगा, एकादशी ठाकुर का व्रत है, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। जोर से हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक चीज लेना है, हरे कृष्ण क्या क्या बात है, थोड़ी देर आगे आ जाओ, एकदम पास में आ जाओ, ये तो सब कुछ जम गए, भर भी नहीं जम गए, और थोड़े आ जाओ एकदम पास, ये कोई खिसक नहीं रहे एकदम, इतना जगह के और पास में आ जाओ। हरे कृष्ण ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, भागवत कथा से सबसे जो बड़ी चीज लेना है, क्या चीज लेना है, ठाकुर जी की नाम को लेकर के जाना, क्योंकि कलिग युग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पर सुमेरी सुमेरी नर उतर ही। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि स्तम नमामि हरि परम हरि परम। ये श्लोक भागवत का लास्ट श्लोक है, अगर आपने इसको उच्चारण कर लिया ना, पूरा भागवत का फल आपको प्राप्त होगा। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। इसका मतलब है भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा ही जीवन में शांति सुख मिलती है, और जितने हमारे पाप है भगवान का नाम से ही सारे पाप खत्म हो जाती है। इसलिए भागवत से ठाकुर का नाम लेकर जाना, ठीक है। और हम लोग ने कितना दिन कथा सुने, कितना दिन, प्रश्न है हम ये सात दिन क्यों कथा सुने, इसका क्या रहस्य है। हाँ, ये चीज को अच्छे तरह से देखो, मैं जितने स्टोरी सुनाता हूँ ना, सब आप याद कर लेना और दूसरों को भी सुनाना। ऐसे नहीं कथा खत्म हम भी कथा नहीं, ये कथा को लेकर के दूसरों को भी सुनाओगे, दूसरा का भी कल्याण होगा। हम सात दिन क्यों कथा सुने, इसकी रहस्य सुन लो। पहले एक समय कोई एक राज दरबार में कोई साधु राजा से मिलने के लिए आए, वहां पर पूछे दरबार से, बोले अंदर में महाराज क्या है, बोले है, बोले राजा को बोलो कोई एक साधु आपसे कोई जरूरी काम लेकर आए मिलने के लिए, एक मिनट बात करना चाहते हैं। राजा सोचा भैया साधु क्यों आएंगे, कुछ भिक्षा लेने के लिए आएंगे। उन्होंने 101 रुपया बोले संतों को दे देना। संत ने कहा मैं पैसा लेने नहीं आया, एक मिनट कोई जरूरी काम। राजा से बोले एक बार मिले, राजा बोले से मन नहीं भरा, उन्होंने 501 रुपया दे दिए, उन्होंने तब भी नहीं लिए। फिर राजा 1101 रुपया भेजे, तब भी नहीं लिए। राजा ने कहा साधु को बोल दो मेरे पास में बहुत राज कार्य में बीजी, मेरे पास में कोई समय नहीं संत से मिलने के लिए। अभी संत दुखी होकर रानी के पास में गए, वहां पर दासी को बोले अंदर में रानी क्या अगल है, बोले रानी को बोलो कोई साधु आए केवल एक मिनट कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। लेकिन रानी जब सुना कोई साधु आए, बोले अंदर में बुला कर मिले आए, बड़े भाग्य से साधु दर्शन मिलता है, अंदर में बुला कर मिले गए, उनका आसन देकर बैठा। बोले महाराज आप बताओ बाबा आपका हम क्या सेवा करें, बोले महारानी मैंने राजा से मिलने के लिए गया था, एक मिनट कोई जरूरी काम था, मेरे से मिले नहीं। बोले बाबा कोई चिंता मत कर, मैं सेवा कर दूंगी, आप बताओ आपको क्या चाहिए। बोले महारानी आप सावधान से सुनो,
मैं अपना भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है ये जो राजा है ना सात दिन में मरने वाला है। बोले सात दिन में मरने वाला? बोले हाँ। बोले सच है? बोले ध्रुव सत्य है, मेरी भजन कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए इतनी सी बात मैं बताने के लिए आया था, राजा मेरे बात सुने ही नहीं। अभी अभी शादी हुई घर में, रानी अभी अभी आई कुछ दिन में। अभी अगर इसको पत्नी को बोलो सात दिन में पति ही मर जाएगा, वो तो इतनी घबरा गई। इतने में उसने एक व्यक्ति को भेजा, बोले राजा को बोलो अभी अभी रानी बुला रही है, कोई जरूरी काम है। जब राजा को बोले रानी अभी अभी कोई जरूरी काम बुला रही है, देखो एक साधु गिड़गिड़ा के लिए चले गए, राजा के पास एक मिनट नहीं था। लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना, राजा तो सारे काम को फेंके भागते भागते आए। बोले इतना क्या जल्दी पड़ गई, मैं अभी अभी ऑफिस में गया। बोले आपसे कोई साधु मिलने आए थे? बोले हाँ। बोले आप उससे मिले? बोले मैं राजकार्य में भेजी था। बोले महाराज जब कोई जीवन में साधु आते हैं ना, वो ऐसे नहीं आते हैं, कोई ज्ञान की बात बताने के लिए, कोई विशेष काम को लेकर के आते हैं। और मैंने बोला था आप आगे साधु से मिलेंगे। बोले बता तो बात किया। बोले महाराज बात तो बड़ी गहरा बात है, वो संत ये बता रहे थे आप सात दिन में मरने वाले हो, इसलिए इतनी सी बात बताने के लिए आए थे। अगर आपको कोई बोले जवानी उम्र में शादी अभी अभी हुई, आप सात दिन में शरीर छोड़ दोगे, बताओगे क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? सुनते ही तो आधा ही मर जाएंगे। बोले सात दिन में सब छोड़ कर जाना पड़ेगा? राजा इतने घबराए। बोले कि तू क्या बोल रहे हो? बोले मैंने दो बार भी पूछा ये क्या सत्य है? बोले ध्रुव सत्य है। राजा तो बोले भैया गए कहाँ साधु? बोले अभी अभी गए, उन्होंने दूतों को भेज दिया, उनको आदर पूर्वक पालकी में बैठा करके ले आओ। जब पालकी में बैठा करके लाए, राजा साधु के चरण में गिरे। बोले महाराज मेरी गलती हो गई, आप तो कोई जरूरी काम लेकर के आए थे, अपने बताने सात दिन में मरने वाले। बोले हाँ। बोले ये सत्य? बोले ध्रुव सत्य महाराज जी, आप सात दिन में मरने वाले। इतने में राजा जब घबराए, बोले आप कोई चिंता मत करो, आपने बहुत दान पुण्य किया, इसलिए मरने का बाद ना आपको अखंड स्वर्ग की प्राप्ति होगी, चिंता मत करो। लेकिन महाराज वहाँ सारे सुख मिलेगी, लेकिन एक चीज की कमी। बल्कि किस चीज की? बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर है, जब आप रात को सोओगे ना वो मच्छर काटते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। बोले फिर? बोले चिंता मत करो, वहाँ मच्छर दान का व्यवस्था भी है। बोले फिर? बोले और एक चीज की कमी। बोले किस चीज की? बोले मच्छर दान का कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर? बोले फिर क्या? आप जब मरोगे ना एक सुई धागा लेकर चलना, एक सुई धागा लेकर चलना, उसको सिलाई कर दो तो चैन की नींद आएगी। बोले महाराज सुई धागा कैसे ले जाएंगे? जाते समय तो यहीं पर हमें जला करके राख बना देंगे, सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले क्यों? जिस राज्य में तुम इतने बिजी हो, कोई साधु आने पर भी तुम्हारे पास में एक मिनट नहीं, यहाँ से एक सुई धागा भी नहीं ले सकते हो। बोले कैसे ले जाएंगे? यहीं पर तो जला देंगे। बोले महाराज आपको मैं इतनी सी बात बताने के लिए आया था, जब शरीर छूटेगा एक सुई धागा भी यहाँ से तुम ले नहीं सकते हो। संत ने कहा ये बताओ, मरते समय जब कंधे पर चार व्यक्ति ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सबकी बात झूठा है। बोले मतलब क्या है? बोले जितना राम का कृष्ण का नाम लिया वही सत्य और जगत में सब झूठा है। बोले महाराज ये बताओ, तुम झूठे को पीछे कितने समय देते हो और सच को पीछे कितने समय तुम दे रहे हो? बोले महाराज आपको मैंने इतनी सी बात समझाने के लिए आया था, ये आंख बंद होते ही संसार का सारे वस्तु यही रहेगी। हम चार ही बहुओं की कथा सुना रहे थे ना, पत्नी गई तो कहां तक पत्नी गई? दरवाजा तक गई, आगे नहीं गई। परिवार गए तो कहां तक गए? शमशान तक गए, आगे कोई नहीं गए, नहीं गए। पैसा गई तो कहां तक गई? दूसरों के साथ में शादी करके चली गई है। शरीर गया था कहां तक? यही तक गया। अंतिम समय में जो चौथा बहू थी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, ये बेकार काम है हरिनाम करना, लेकिन अंतिम समय जो पूछा तो बोले वही पत्नी जाने के लिए राजी हुई, महाराज तेरे साथ में। बोले मैं चलूंगी, लेकिन दुनिया से और कोई नहीं चले। तब उन्होंने बोले महाराज ध्यान देकर सुनो, आप भी ध्यान देकर सुनो, ये बात में एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसने कहा देखो मैंने ये नहीं बताया,
सात दिन बाद में तुम मर जाओगे, मैंने ये नहीं बताया। मैंने क्या बताया, सात दिनों में तुम मरोगे। दिन कितना होता है, सात ही है, दिन आठ नहीं होता है। आप लोग ये चीज को अच्छे तरह समझो। उनने सात दिन को बाद में मरोगे ये बात नहीं बताया, क्या बताया था, सात दिनों में मरोगे। दिन सात ही है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। जब हम मरेंगे सात दिन में, एक दिन मरेंगे, लेकिन यहाँ से एक सुई धागा नहीं जाएगा। जब वो संत ये बात समझाए ना, सात दिन बाद में तुम नहीं मर जाओगे, जब मरोगे सात दिन अंदर में एक ना एक दिन मरोगे। जब ये बात समझाए, वो तो आधा ही मर गया था, फिर प्राण आ गया उसको, फिर प्राण आ गया, मतलब सात दिन बाद में मैं नहीं मरूंगा। जब मरूंगा सात दिन में, कहीं ना एक दिन, एक ना एक दिन मरेंगे, फिर जाना आ गया। देखो मेरे तरफ में देखो, फिर संत ने राजा को ऐसे एक माला और झोली पकड़ाया, बोले महाराज लो ये माला झोली लो, सवेरे नहा धो करके, सवेरे बैठ करके भगवान का थोड़ा नाम जप करना। अब देखना, पहले आपका माता जी को तो पहले क्या करते थे, सवेरे उठ करके ठाकुर का स्नान कराते थे, रामायण भागवत पढ़ते थे, माला हर पिता माता को देख लो पहले यही करते थे। लेकिन ये टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन आ करके ना, सारे हमारी संस्कृति को पूरा सत्यानाश उसने कर दिया, वो कोई उन्नति नहीं करवाया। पहले क्या नहीं था, चल नहीं रहा था, सबके सब चैन से जी रहे थे, अभी हम चैन से नहीं बेचैन से जी रहे हैं। एक मिनट भी हमारा मन स्थिर नहीं, मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन, ये सारा दुनिया सारे उल्टा पुल्टा चीज में, इसलिए ये सब चीज आकर के ना हमारा संस्कृति को संपूर्ण हमारे सत्यानाश कर दिया हमारे संस्कृति को। इसलिए पहले लोग हरिनाम कीर्तन भक्ति करते थे, शांति सुख में रहते थे, आनंद में प्रभु को भक्ति करते थे, अभी ये सब चीज नहीं, सब खत्म हो गई हमारी संस्कृति। इसलिए उन्होंने ऐसे एक माला पकड़ा, झोली पकड़ा, बोले महाराज सवेरे नहा धो करके सबसे पहले भगवान का नाम जप करना। अब देखना, जितने समय आप केवल ठाकुर का नाम जप करोगे ना, केवल उतना समय तुम्हारे मन में चैन रहेगी, भजन से मन हटते बेचैन। बोले क्यों, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी दुखी दुखी, ये मन संसार में लगा तो मन बेचैन सी। लेकिन जितने समय आप बैठ कर ठाकुर का नाम जप करोगे, उतना समय केवल हमारी चैन मिलेगी। एक संत कह रहे थे, अभी तो लड़का लड़की सबसे ज्यादा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से दुखी सबसे सब ज्यादा। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करना, सबसे पहले भगवान की भजन करो, भक्ति करो, जिसने हमें ये मानव शरीर दिया। एक समय एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, बोले क्यों, बोले भगवान हमें कुछ ही नहीं दिया, सोने में हाथ लगे वो भी मिट्टी हो जाता है, ये शरीर रखकर कोई लाभ नहीं, हम तो सुसाइड करने जा रहा। जब जा रहा था, इतने ठाकुर जी एक साधु रूप धारण करके आए, बोले भैया कहाँ जा रहे हो, बोले सुसाइड करने के लिए, बोले क्यों, बोले ठाकुर मेरे कुछ दिया ही नहीं, सोने में भी हाथ रखे मिट्टी हो जाती, बोले कुछ भी नहीं दिया, बोले क्या दिया, बोले बेटा तेरे को मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, एक आंख निकाल करके दे दो, बोले क्यों, बोले 10 लाख रुपया देता हूँ, बोले नहीं मैं दे दूंगा, बोले तू बोल रहे तो भगवान कुछ दिया ही नहीं, दो आंख मिला तो कितना लाख हो गया, 20 लाख हो गया, बोले तेरे को 5 लाख रुपया देता हूँ, एक अंगुल काट कर दे दो, बोले कैसे, बोले एक अंगुल नहीं करके 5 लाख, बोले नहीं, बोले तेरे कितना अंगुल है, 20 अंगुल, हिसाब लगाओ कितना हो रहा है, 1 करोड़ हो गया है। बोले एक काम करोगे, एक किडनी मेरे को दे दोगे 50 लाख में, बोले कैसे दे देंगे, बोले अभी दोनों किडनी का हिसाब लगाओ कितना होता है। इसलिए अगर ये शरीर को आप हिसाब करेंगे ना, हम सोच नहीं सकते इतने अरब खरब रुपया की संपत्ति हमें ठाकुर ने दिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कहते हैं, बोले जिनी तनु दही ताही बिसर आई, कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल थलना। सूरदास का पद, जिसने तुम्हें ये सब कुछ दिया तुम उसको ही भूल कर बैठ गया है। लेकिन हम किसको याद करते हैं, जो कुछ देने वाले नहीं। आप बताओ, जगत में सबको संसार की हम सेवा कर रहे हैं सबकी, अभी तक हम दुनिया में किसको सुखी कर पाए, आप लोग बताओ, आप सबकी सेवा कर रहे हो संसार में, अभी तक हमारे ऊपर में खुद कोई खुश हुए, पिता हुए ना, माता हुए ना, पत्नी हुए ना, पति कोई खुश हुए, सारा जीवन सेवा कर, थोड़ी सी त्रुटि विचित हो जाए ना, बोले मेरे लिए तुमने क्या किया, झट आता है मेरे लिए तुमने क्या किया है। लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं, उनके लिए इतना करो ना, तुम्हारा इतना करेगा है। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करना, ठाकुर जी की नाम जप करना, ठीक है ना, भागवत की यही सार है। इसलिए जिसकी इच्छा होगी
हम हरि नाम लेंगे। अगर कोई प्याज लहसुन छोड़ देगा ना, फिर हम उसको गले में कंठी देते हैं, फिर तुलसी माला उसको जप करने देते हैं, और जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर हम उसको नीम की माला देते हैं। ठाकुर का नाम जप करने पर धीरे 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 सब चीज छूट जाती है, और धीरे धीरे फिर जब प्योर हो जाते हैं, फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं। ठीक है, कथा के बाद में जिसकी इच्छा होगी आकर के माला लेना। अभी हमारे बीच में श्री कृष्णदास प्रभु जी आएंगे। कृष्णदास प्रभु जी इधर आ जाए। हाँ देखो, ये प्रभु जी यहाँ पर हर शनिवार को देखो, जैसे अपनी कथा सुने भावना आई होगी, ठीक है हम भक्ति करेंगे, लेकिन देख लेना दो दिन बाद में धीरे धीरे चार्ज खत्म होती जाएगी, फिर भजन भजन भूल जाएंगे। अगर बीच बीच में चार्ज देते रहो ना, फिर भक्ति की भावना बढ़ी रहती है। जैसे देखो ये गमला है, ये तुलसी की पौधा कब तक हरी भरी रहेगी, जब तक पानी देंगे, पानी नहीं देगा तो क्या सूख जाएगी। ये सत्संग ही पानी है, इसलिए हमारे प्रभु जी हर शनिवार को सात से लेकर के सात से शाम को सात से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर सबके भक्त लोग आते हैं, यहाँ पर कीर्तन होती है, और यहाँ पर ये यहाँ पर कीर्तन होती है, सत्संग प्रभु करते हैं, तब यहाँ पर हमारे बहुत सारे भक्त हो, देखो कला में कंठी माला तिलक कैसे है, ये सत्संग में आते हैं, कथा सुनते हैं। और जिस घर में देखना भक्ति करोगे ना, वो संसार नहीं, वो भगवान का धाम हो जाएगा। जिस घर में बेटा बेटी पुत्र बहु भक्ति करेगी, वो घर भगवान की धाम, नहीं तो क्या होगा जानते हो, बड़ा दुर्गति। ये बेटा इधर कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहे, कोई जुआ खेल रहे हैं, सारी उल्टा पुल्टा चीज घर में होगी, घर में शांति सुख बनी नहीं रहेगी, घर शमशान बन जाएगी हैं। लेकिन जिस घर में बच्चे भक्ति करते हैं, घर में कभी गंदी चीज नहीं आएगी, घर में शांति सुख रहेगी। जिस घर में कीर्तन पूजा हो भगवान का धाम, नहीं तो हमारा बच्चे सबसे ज्यादा पहले बिगड़ेंगे। लेकिन अगर बच्चे भक्ति में जुड़ेंगे, बच्चे कभी कभी बिगड़ नहीं सकते। देखो यहाँ पर एक बच्चा तो खड़े हो जाओ, तो देखो ये बच्चे को देखो, उधर घूम कर खड़े हो, देखो ये बच्चे को देख रहे हो, देखो ये तिलक लगाया, गले में कंठी, पढ़ाई कर रहे हैं, हरिनाम करता है, हरिनाम करता है। क्यों, आपका बेटा अभी क्या करता होगा आपको पता होगा, कहाँ पर बैठ करके क्या करता होगा आपको सब पता होगा, बेटा अभी क्या कर रहे हैं। ये बच्चे कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले तो पिता माता का लाभ, पिता माता की सेवा करें सबसे पहले। भक्ति नहीं करेगा तो कभी भी बच्चा पिता माता की सेवा नहीं करेगा, इसलिए सब पहला गुरु पिता माता है। अगर हम अगर हरिनाम करेंगे, फिर हमारा बच्चा भी हरिनाम करेगा। इसलिए आप लोग जरूर माला लेकर के जाओ, सबसे खाने से पहले बच्चे को बोलो बेटा एक हरिनाम करके जा। अगर उसका स्मार्टफोन हम पकड़ा सकते हैं 10-20 हजार रुपया का, जिसमें बर्बाद हो जाए, क्या उसको नहीं बोल सकते बेटा तू एक माला चप करके जा। लेकिन बेटा करेगा कब, मैया करे तभी तो करेगा ना, मैया खुद नहीं करेगी तो बच्चे को लाख बोलो वो बच्चा कभी भजन नहीं करेगा। अगर मैया पिता माता पहला गुरु पिता माता, सबसे संस्कार पिता माता से ही पड़ेगा, और किसी से संस्कार नहीं पड़ती है। ये बच्चा क्यों भक्ति करता है, इसको पिता माता से भक्ति करे रहे हैं तभी कर रहे हैं। ठीक है ना, सबके सब माला लेकर के जाना। बच्चों को घर में नियम बना बेटा, 5 मिनट केवल एक माला जप करने के, देखना जो बच्चा थोड़ा हरिनाम करेगा ना, उसका मन एकाग्र होगा, भजन में उसका मन लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगी, इधर उधर मन नहीं भटेगा। क्यों, ठाकुर का कृपा होगी इसको पर। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी प्रभु जी आप लोग थोड़ी सी उपदेश देंगे, फिर रुक्मिणी विवाह होगी, फिर आप लोग प्रसाद लेकर जाना। लास्ट दिन है, थोड़ी ज्यादा संडे हो कोई चिंता नहीं, लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ उत्सव मनाते होंगे उल्टा पुल्टा जगह में, लेकिन हम तो ठाकुर कथा सुनते गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदानय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन श्लाकय चश्रु मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामे। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी की नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णमिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। बोलिए हरे कृष्णा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।
आवाज नहीं आ रही, लगता है हम लोग को आनंद नहीं आया। सबको आनंद आया? आगे जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने आराध्यदेव गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मंच में विराजमान हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहने जितने भी है मातृबिंद्र भातृबिंद्र सब हैं सबके चरणों में इधर दंडवत स्वीकार करें। महाराज जी ने जैसे बोला कि बैटरी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो पहले तो मेरी भी बैटरी थोड़ा हिल रही है अभी फिलहाल, फिर भी गुरु विष्णु की जो है वो कृपा और उनकी जो आज्ञा है वो हमें लेना है, उसको मानना है, यही भक्ति पथ है। तो महाराज जी ने पहली बात तो हमें कृपा करी, हमारी इतनी चेष्टा नहीं थी। वो कहते हैं भक्ति दो तरह, एक जीव की चेष्टा और एक भगवान की कृपा। हम लोग की किसी की भी कोई चेष्टा यहाँ पे नहीं थी, एक मन में था कि कभी यहाँ पे भागवत कथा हम लोग कराएंगे। तो महाराज जी से कई साल पहले हमने कई महीने पहले कई साल पहले हमने ऐसे कुछ जिज्ञासा करी थी कि महाराज जी एक बार यहाँ पे भागवत कथा होनी चाहिए। परंतु जब ये कथा हुई तो बहुत ही रहस्यमय, इसके अंदर बड़ी कोई कहानी है महाराज जी की, जहाँ जहाँ कथाएं बहुत बड़ी बड़ी कथाएं थी। तो महाराज जी के मुखारविंद से पांच जगह कथाएं थी और वो पांच जगह कथाओं की पांचों कथाएं कैंसिल हुई और यहाँ पे कथा हुई महाराज जी की। ये हमारे लिए विशेष करके कहते ना, एक महाराज जी ने बताते कि जिसको भगवान देते हैं छप्पड़ भाग देते हैं, तो उसी तरह हमें एक छप्पड़ भाग की कृपा हुई। हम लोग बिल्कुल लंपड़ थे, कहते एक उदाहरण में ना, कहते एक लड़का था बड़ा लंपड़ था, कोई काम धंधा नहीं करना, बड़ा आलसी था, बड़ा लंपड़ था। अंदर से इच्छा होती थी करूंगा करूंगा परंतु करता नहीं था, बड़े लंपट, कुछ काम ना धंधा। अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ना पढ़ाई करी ना कुछ करी ना कुछ करा, घर वाले भी बड़े चिड़चिड़ रहते थे, इच्छा होती थी करूंगा करूंगा होता ही नहीं था। अब करते करते गांव वाले घर वाले इतने ताने मारने लगे, इतने ताने मारने लगे कि वो गया कि अब मैं ना क्या करता हूँ, उस नदी में कूद के अपनी आत्मदाह कर देता हूँ, आत्महत्या कर देता हूँ। तो गया नदी के ऊपर बैठा, अब मैं इस शरीर को छोड़ देता हूँ, इतना लोग ताने मारते मेरे से कुछ होता ही नहीं, आत्महत्या ही कर देता हूँ। तो जैसे ही वहां से कूदने लगा, हुआ क्या कि उस नदी में वहां की जो महारानी जो राजा थे उनकी पुत्री और बहुत सारी सखियों के बीच में वो स्नान कर रही थी। जैसे स्नान कर रही थी बीच में तो वहां पे एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया। जैसे ही मगरमच्छ वहां पे आ गया स्नान के टाइम पे नहाते समय, तो वहां पे जितना भी सखी है वो भाग गई क्योंकि अपनी जान की प्यारी, सबको भाग गई और जो राजकुमारी थी वहीं रह गई। ये जो ऊपर से आत्महत्या कर रहा था नदी में कूद पड़ा, ऊपर से पहाड़ से ऐसे कूदा जोर से, जहां जब कूदा तो नीचे जाके कहां मिला, जहां सीधा जाके मगरमच्छ के मुंह में जाके गिरा और इतना जोर से गिरा कि मगरमच्छ वहां से भाग गया। अब बाहर से जितना भी राजकुमारी की जितनी सखियां थी वो कहने, देखो कितना बड़ा बहादुर बच्चा है, कहां से उठ के उसने इतना बड़ा मगरमच्छ को जो है मारा और मगरमच्छ जो है वहां से भाग गया और राजकुमारी जो है वो बच गई। बड़ी हल्ला हो गया, हल्ला करते करते जब महाराज तक खबर पहुंची, महाराज ने कहा अच्छा इतना बहादुर बच्चा कोई, उसको बुलाया लाए, अब वो भी बच गया और वो राजकुमारी बच गई। तो महाराज जी जब वहां पे पहुंचे, महाराज जी ने कहा कि तुमने मेरी पुत्री का जान बचाया, तुम बड़े बहादुर हो, अब क्या करूंगा, अपनी पुत्री की विवाह मैं तुम्हें कर दूंगा। तो वो बड़ा खुश, इसको बोलते हैं ऊपर वाला जो देता है छप्पड़ खा के देखता है। हमारे अंदर कोई गुण नहीं थे, हम अवगुण थे, कोई गुण नहीं था। कोई इच्छा होती है कि लोग हरिनाम कर रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, परंतु हम लोग लंपट लोग हैं, बड़े ढीठ लोग हैं, हमारे मन में ऐसी इच्छा है होती है हम लोग करते नहीं है, करते क्या, इच्छा जरूर होती है तो हम लोग करते हैं, लंपट है। तो इसलिए महाराज जी की हमें क्या हुई, वो छप्पड़ खा के कृपा हुई। अब आप लोगों ने 7 दिन में इस तत्व को जाना कि कितनी कृपा हम पे हुई। आपके 7 दिन से पहले जो जीवन और अब इस जीवन में बहुत अंतर आ चुका है, फर्क हो चुका है, पक्का। किन किन का हुआ हाथ ऊपर करो, देखो सबका ही हुआ।
तो इस चीज को आगे हम कंटिन्यूस करेंगे, जिसके लिए हमारी भारती दीदी है, इनको आप सब नंबर दिखा के जाएंगे, हम एक एक नंबर नोट करेंगे आपको एक एक, जब जब यहाँ पे क्लासेस होंगे कहीं और महाराज जी आएंगे कहीं कथा होगी आप लोग का हम व्हाट्सअप कर दिया करेंगे, तो आप लोग सब नंबर लिखा के जाएंगे। और दूसरी बात, आप लोग ने आप 7 दिन से कथा सुना तो आप लोग ने कहा कि हमारे जीवन जो है बहुत अब बदल गया है, परंतु अब अभी क्या क्या नहीं बदला वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण से बताता हूँ 5-7 मिनट में, इस उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या कमी रह गई। महाराज जी और हमारे ग्रंथों में ऐसे कहा गया कि जो भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं ये एक जन्म का खेल नहीं है, ये कई जन्मों का खेल है, कई जन्म तक हम लोग सुनते हैं। अब कोशिश करते हैं कि हम हृदय में इसको धारण करें, तो इसमें एक कथा एक अपने हृदय से एक बनाई हुई है, परंतु फिर भी मुझे अच्छी लगी, महाराज जी को मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूँ कि है मेरे हृदय की बात है, मेरे मन से इसको प्रकट किया है। तो गुरु वैष्णव के समझ पे रखते हुए कहते हैं कि हृदय की कोई चीज समझ रखे तो वो प्रमाणित हो जाती है। तो आप समझिए कि महाराज जी इससे भी पहले आप लोग जब जन्म था आपका तब भी आप लोग समझे कि आप यहाँ पे आए थे कथा सुनने, आप समझिए हम कम से कम 60-70 साल पीछे चलते हैं। परंतु महाराज जी कहाँ से आते हैं? श्री धाम वृंदावन से। वृंदावन महाराज जी कहाँ रहते हैं? केसी घाट के पास महाराज जी रहते हैं, वहीं पे हमारा रूप सनातन गौड़िया मठ है। अब केसी घाट में वहां पे कौन है? भगवान तिरुभंग ललितम 3 जगह से टेढ़े खड़े हैं, और साथ में कौन खड़ी है? राधा जी खड़ी हैं। तो महाराज जी वहां पे जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो मुझे यहाँ पे बुलाते रहते हो, मैं निरंतर दर्शन करता हूँ और मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रज में रहता हूँ, यमुना जी का जल पीता हूँ, कल कल यहाँ पे सुबह शाम वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, मैं बड़ा आनंद में हूँ, आप कृपया करके क्या करो। महाराज जी तो जगह जगह जाते हैं, परंतु हमें दिल्ली वासी के लिए थोड़ा कृपा करिए और आप कृपा करके उनको भी जो मुझे आनंद दिया है उनको भी आप क्या करिए, आनंदित करिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम कहते हो तो जाओ और लिया। और इस तरह महाराज जी दिल्ली आते हैं और इस तरह से कथाओं का कीर्तन का आयोजन करते हैं। अब क्या हुआ, ऐसी कथा चले थी, हम लोग सब की सब पूर्व जन्म की बात है जो 60-70 साल पहले 80 साल पहले महाराज जी से कथा सुनी, और कथा सुन के महाराज जी ने कहा चलो वृंदावन आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। तो आप लोग महाराज जी के साथ साथ चल पड़े, और महाराज जी जब दिल्ली से वृंदावन की ओर ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं, क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे। इस तरह गाते गाते महाराज जी आप सबको, हजारों लोगों को यहाँ से वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं। ये मेरी मन की कथा, ले जा रहे हैं, और ले जाते पहले घोड़ा गाड़ी तो था नहीं, कोई बसे थी नहीं, तो पैदल ही जा रहे हैं, वृंदावन पहुंचना है। और जैसे ही फरीदाबाद पहुंच गए सब की सब भक्त लोग राधे राधे गाते गाते पहुंच गए, तो देखा कि फरीदाबाद एक बहुत बड़ा साइड में एक पहाड़ था, पहले तो हरियाली थी ना, चारों तरफ पहाड़ थे, तो देखा कि वहां पे एक तांबे का सिक्के का पहाड़ है, जहां पे क्या है, तांबे की सिक्के हैं, बड़े बड़े सिक्के मोहरे हैं। तो जैसे ही कुछ भक्तों की वहां पे नजर पड़ी, अरे यहाँ तो बहुत सारे तांबों के सिक्कों की जो है यहाँ पे मोहरे पड़ी हुई है। अब क्या करते, कुछ भक्त इसमें से खिसक गए, चुपचाप उधर चले गए महाराज जी को और सबको बिना बताए, और सबने क्या करा, चांदे की जो तांबे की जो सिक्के थे उसको आपने बटोर लिया, और झोली भर भर के चुपचाप से वापस दिल्ली आ गए, सोचने लगे कि हम इसको बेच के अपने दुख दूर जो है दूर कर लेंगे, अपने अपने मन से सोचा, और कुछ भक्त 25% भक्त वहां से खिसक गए। और महाराज जी ने तो भाई आगे जाना है, वृंदावन ले जाना है, महाराज जी तो अपने राधा नाम में आनंद में हैं, वो पीछे नहीं देखते। फिर हम फरीदाबाद से आगे बचे आगे बढ़े, और महाराज जी क्या करें, राधे 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 पलवल। जैसे पलवल पहुंचे तो वहां पे देखा कि चांदी के सिक्के के पहाड़ पड़ी है,
भरे पड़े पहाड़ चांदी के सिक्के, जैसे भक्तों ने देखा ही सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्के, इससे तो हमारा घर वरियर में आ जाएगा और बड़ा घर आ जाएगा और हम अपने दुखों को दूर कर लेंगे। फटाफट गए सारे 25% भक्त वहां से भी खिसक गए और क्या करा, बटोर लिया सिल्वर कॉइन अपने चुन्नियों में झोली में डाल डाल के भर के चुपचाप दिल्ली की ओर आ पड़े। और महाराज जी और आगे जाके फिर 50% जो भक्त बचे वो पलवल से आगे गए। आगे जाते जाते कहां बढ़ता है, कोसी। जैसे ही कोसी पहुंचे तो वहां पे क्या देखा, देखा कि सोने के सिक्के पड़े हुए वहां पे, सोने के सिक्के की पहाड़। जो थोड़ा बहुत और रह गए थे उन्होंने क्या करा, सबने जाके सोने के सिक्के की झोलियां भर ली और दिल्ली की ओर चल पड़े। अब थोड़े से भक्त बचे, थोड़े से भक्त बचे जिन्होंने बहुत सारी भक्ति करी है, बहुत सारी भक्ति करिए, मालाएं कर रहे हैं, 16 माला, 64 माला, 32 माला करिए, महाराज जी कथाओं में भी आते हैं। तो थोड़े से भक्त महाराज जी का बहुत कम रह गए, ये तो कैसे रह गए। तो जैसे आगे कोसी से आगे बढ़े तो जैसे ही छाता पार करें अतः जैसे ही वहां पे पहुंचे, अभी कैसी घाट तो पहुंचे नहीं, छठी घर पहुंचे ही थे, देखा तो असरफिया डायमंड और बड़ी बड़ी ऐसी हार उसके चमक रहे थे दूर से। ये सब चीजें देखी और जो जो हम हरि नाम करते थे, भागवत कथा सुनते थे, जितने भी थे हमारी नजर वहां पे पड़ गई, चल मल दिल में लगा सबसे कीमती चीज और हम सब की सब वहां पे गए और उसको उठा के दिल्ली को चल पड़े। महाराज जी देखते हैं पीछे कोई नहीं है और महाराज जी अकेले कहां पहुंच गए, किसी घाट पहुंचे। ठाकुर जी कहते कहां है दिल्ली के लोग, कहां है, कहां है। तो महाराज जी वहां पे प्रणाम करते हैं कि संसार की हमारी अभी आसक्ति है। तो भागवत सुनने का जो फल है, हरिनाम करने का फल है, हमें ऐसी कोई आकांक्षाएं नहीं रखनी है। अन्य अभिलाषितम सुन्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तम। रूप गोस्वामी पाद जी ने ग्रंथ में लिखा है कि हमें भजन क्या करना है, अन्य अभिलाषितम, कोई भी अभिलाषा हमें नहीं करना है, एक अभिलाषा रखना है, वो क्या, कृष्ण की जो प्रेम है, चरणों की जो प्रेम है, राधा जी की जो प्रेम है, हमें निरंतर मिलता रहे। एक तो ये कारण, और सबसे बड़ा कारण क्या है, जो ये तो चलो एक संसारिक भौतिक चीजें थी, सबसे ज्यादा आसक्ति इससे भी ऊपर एक और है, वो क्या है, वो हमारा शरीर। हम जिस शरीर से इतने आसक्त हैं कि सुबह से शाम तक रात तक लगे रहते हैं, किस तरह से इसको सुंदर बनाएं, किस तरह से हम इसका भोग करें, किस तरह से इंद्रिय तृप्ति करें, हम खुद भूल जाते हैं कि हम है कौन, कौन है, क्या हम, क्या ये शरीर है, क्या मैं ये हाथ हूं, क्या मैं कान हूं, क्या मैं ये चेहरा हूं, क्या मैं दिल हूं, मैं पेट हूं, मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, कौन है आप बताइए, कौन है हम, एक कौन है, आत्मा है, हम एक आत्मा है, हम इस शरीर में आ गए हैं, इससे पहले कोई और शरीर में थे हम, उससे पहले कोई और शरीर में थे हम, उस सब शरीर बदल बदल के अपने कर्मों से निरंतर 84 लाख यूनियों में हम लोग घूम रहे हैं, घूम रहे निरंतर आ रहे, फिर इसको फिर अपने भोग दृष्टिकोण से अपने शरीर को बनाते हैं, फिर भोग करते हैं, फिर इंद्रियों की चोरी करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। सबसे बड़ी आसक्ति इसमें है कि आज भागवत सुनने का फल, हमारे परीक्षित महाराज जब भागवत सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, तो ये कथा पांचवी दिन, जब पांचवा दिन बीता तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो पांचवें दिन तक जितना भी भागवत की कथाएं हैं रस तत्व तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि पांचवें दिन के बाद फिर प्रेम रस तत्व में, प्रेम रस जैसे महाराज ने अपने मुखार दिन थे वृंद से रस तत्व आप लोगों को बरसाया, परंतु उससे पहले सुखदेव गोस्वामी जो है अभी भी शरीर से थोड़ा सा आसक्त थे, शरीर का मोह जा नहीं रहा था, अभी हम तो शरीर के मोह में है, ये कथा सुनाने का अधिकार तो नहीं है मुझे, फिर भी आपको एक बार सुना रहा हूं क्योंकि महाराज जी हैं इसलिए सुना रहा हूं। ये शरीर के हम लोग कितने मोह में हैं देखिए, तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को एक कथा सुनाई वहां पे 3-4 मिनट की, आप थोड़ा शांत होके बैठेंगे। कथा क्या थी कि जब वहां पे सुनाया कि पुराण में ऐसा वर्णन है, मैंने किसी वैष्णव के मुख से ये सुना कि हे परीक्षित, हे महाराज, एक देश के बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा हैं,
और वो राजा क्या है कि आज शिकार खेलने जाते हैं, बहुत सारे सिपाहियां उनके साथ हैं और वो जंगल में शिकार करने जाते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिए, ये सबसे जरूरी है हमारे लिए। अगर सच में हम भक्ति करना चाहते हैं, सच में महाराज ने जो कथा सुनाई है उसको हृदय में करना है, हृदय करना है, और उसको हम निरंतर अगर हम चिंतन मनन करते रहें और अपने मन को वृंदावन ले जाना चाहते हैं, तो इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो शिकार करने गए राजा और सिपाही, बहुत सारे सिपाही उनके साथ हैं। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जंगल की ओर, तो होता क्या है कि बहुत भयानक गर्जना होती है, चारों तरफ अंधेरा और बिजली कड़कती है, अंधेरा होता है और आंधी तूफान आती है, तो सारे सिपाही तितर बितर हो जाते हैं। राजा क्या है, शिकार करने थे, आगे बढ़ता है, तो सोचता है कि सिपाही पीछे आ रहे हैं, परंतु सबके सब भटक गए। राजा घोर जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा है, अब इतनी तेज बारिश होती है कि जैसे पीछे देखता है कोई सिपाही नहीं है, कोई बचाने वाला कोई नहीं है। तो राजा देखता है तो इतने जंगल के बीच में उसको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा इतना है। जैसे वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो देखा कि शेर की गर्जने की आवाज आ रही, बाघ व्याघ सबकी आवाज आ रही, उसकी प्राण ऐसे लगता है अभी कोई खा लेगा। राजा वहां से और आगे जाता है जंगलों के अंदर, वो क्या हुआ, घूमता रहता है अंदर जाके आखिरी में देखता है कि रात को अदर रात्रि को एक झोपड़ी नजर आती है। दूर से एक वहां पे कोई लालटेन उसमें जल रहा है। जैसे ही राजा वहां पे किसी तरह भागते हुए देख जाते हैं, तो झोपड़ी के ऊपर क्या है, चारों तरफ मांस लटके हुए हैं, आंतरियां मांस लटक के बड़ी बदबू आ रही है वहां पे, इतना स्मेल बदबू आ रही है, और झोपड़ी है और लटक रहा है मांस, सड़े हुए मांस लटक रहे हैं। तो जैसे ही वहां पे राजा पहुंचता है तो वहां पे देखा कि कौन है, तो एक बहरिया सामने बैठा हुआ है, बूढ़ा है, वो बड़ा क्रोधी है, वो देख रहा है कौन है तू, कहता मैं देश का राजा हूं, कहता हम किसी राजा को नहीं जानते, मैं तो एक ही को जानता हूं, जो शरीर है उसी को मैं ऊंच नीच किसी को नहीं जानता, कहते मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रात काटना है, कहते यहाँ पे मैं किसी को जगह नहीं देता, क्योंकि जो यहाँ पे एक बार आता है दोबारा जाने का नाम नहीं लेता। कहते कैसी बात कर रहे हो, आपकी चारों तरफ मांस लटक रहा है, टट्टी पिसाब चारों तरफ क्या है, मल मूत्र पड़े हुए हैं, रक्त पड़ा है, पीत पड़ा हुआ है, चारों तरफ ऐसी चीजें पड़ी हुई है, मैं कहाँ पे यहाँ पे रहूंगा, कहते हैं फिर भी मेरी मजबूरी है कि आज रात यहाँ पे काटना है, नहीं तो मुझे क्या करेंगे, बैग शेर ये सब मुझे खा जाएंगे। तो बड़ी ध्वंतर युद्ध होता है दोनों में, बड़ी प्रार्थना करता है राजा, फिर जाके बहरिया कहता है कि ठीक है, सिर्फ आज की रात मैं यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुमने कल के बाद इसको खाली नहीं करा तो फिर देखना। उसको राजा ने परमिश करता है, उनसे वादा करता है कि मैं सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होते यहां से निकल जाऊंगा। तो किसी तरह वो पैखाना टट्टी रक्त पिताब के एक कोने में जाके बैठ जाता है। जैसे ही राजा वहां पे बैठता है तो क्या करें, पहले तो बदबू आ रही होती इतनी, धीरे 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 तब सांस लेना शुरू करता है, वो क्या होता है उसकी गंध जो है उसको अच्छा लगने लगता है, पहले बदबू था, धीरे 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 और सांस ले रहे, करते करते उसको बदबू और जो खुशबू आ रही है, धीरे धीरे खुशबू आने लग गए। जैसे जब तक सुबह हो रहा है तो वो सो रहा है, उसकी आंख नहीं खुल रही, बड़े आराम से खराटे मार के सो रहा है, बड़ी खुशबू उसको लग रही है। जैसे ही बहरिया जाता है, अरे उठ चल मेरे यहाँ पे खाली कर, वो वहां से जाने को राजी नहीं है, वो इतनी उसने खुशबू में उसमें पड़ गया, अब वो वहां से जाने को राजी नहीं है। बड़े द्वंद युद्ध होता है, वहां नहीं जाता। महाराज परिचित जो है सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि यह परिचित उस राजा को क्या करना चाहिए, तो परिचित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव आप बताइए, उस राजा ने जो है अपने कर्तव्य को छोड़ा, वो भूल गया कि मैं कौन हूं, इस देश का राजा था, और आपने राजा को राजगिरी भूल के कहां पड़ गया, एक इस शरीर उसके कहां, उस बैरिया के अंदर कहां पे टट्टी पिसाब और इस चीज की रक्त मांस की खुशबू ले रहा है, तो भूल गया क्यों राजा है, आप बताइए गुरुदेव कौन है, मैं अभी उसको जाके उसको याद दिलाता हूं कि तू कौन है, तू राजा है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, वो तुम हो, वो कौन हो, वो तुम हो,
कहने का अर्थ क्या है कि वो कथा और लीला के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम एक शरीर, हम आत्मा हैं, हम इस रक्त पीत कट्टी पिसाब के थैली में आके हम फंस गए हैं। पुरंदर आपको नहीं पता कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप एक एक राजा हो, हम कोई गुलाम नहीं है, हमारा हम कौन है, हम आत्मा है। आत्मा कौन है? ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम कौन, सच्चिद आनंदमय कौन, भगवान का शरीर बना हुआ है, हम उसी के अंश हैं, हम उसी के अंश हैं, हम कोई गुलाम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं, हम भी ऐसे आजाद हैं। आत्मा अंदर आके वो रक्त पीस टट्टी और मांस के बीच में, आंतरियों के बीच में आके हम लोग फंस गए, बार बार पुनर्जन्म द्रव्य जननम पुनरति मरणम, बार बार मर रहे हैं और जन्म हो रहा है। तो महाराज जी आपको यहाँ पे भागवत इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे ऊपर इसलिए कृपा हुई है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, 84 लाख युनियों के चक्कर से हम पार होके कहां जाएं, वो ग्लोक वृंदावन के वैकुंठ के अंदर जाएं। वैकुंठ का मतलब जहां पे जन्म मृत्यु नहीं है, हमेशा तरोताजा है, शरीर हमेशा चिन्मयी है वहां पे। इसलिए हम हरि नाम करें, आप लोग हमारे संग जुड़िए और जब आप जुड़ेंगे आप लोग आत्मज्ञानी बन जाएंगे। हम लोग कोई अंधेरे में नहीं रखते, संसार में सब गुरु के नाम से डरते हैं क्योंकि सबको अंधेरे में रखा जाता है। आप हमारे पास आइए और हमारे बहनों से भाइयों से देखिए कितना वो लोग ताकतवर हैं, कितने आत्मज्ञानी हैं, एक एक भयाने कितने कितने गांव को बदल सकते हैं, ऐसी ऐसी भयाने हैं हमारे पास। तो आप लोग आइए और आत्मज्ञान को लीजिए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ के भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, भगवान से संबंध बनाएंगे, फिर हमारा जब अंत समय आएगा इस संसार से हम लोग छोड़ के गोलोक धाम को जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, आज के आनंद की, श्री गुरुदेव की, भक्तवृंदावन सीतर महाराज की, उनकी अहेतु की कृपा की, बस वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। हरे कृष्ण। देखो अगर कोई हरिनाम करना चाहते हो, अगर कोई प्याज लहसुन छोड़ दोगे, मांस मांस तो खाना है, अगर प्याज लहसुन छोड़ोगे ना, फिर आपको हम ये तुलसी की कट्टी तभी देते हैं और ये तुलसी माला उसको जप करने के लिए देते हैं। अगर जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, एक साथ में छोड़ नहीं सकते, फिर आप लोगों का नीम की माला देंगे, आपको माला को लेकर प्रैक्टिस करते रहना और यहाँ पर जरूर आप अपना एड्रेस देंगे, नाम और अपना ये कापी में भारती ये कापी में अपना एड्रेस और नाम देख लेना, क्योंकि बीच बीच में जब यहाँ सत्संग होगी, उत्सव होगी, आपको मैसेज करेंगे, आप लोग को बुलाएंगे और यहाँ पर आते रहना, फिर तो ये आनंद कंटिन्यू आपका जीवन में ऐसे आनंद ही रहेगा और आपका घर भगवान के धाम बन जाएगा। ठीक है, अभी कृष्ण रुक्मिणी बने हैं, कृष्ण रुक्मिणी बने कि नहीं, कृष्ण रुक्मिणी कहाँ है, हाँ उनको बुला कर ले आओ। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की। हाँ अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, अब लोग बराती बन करके आए कि नहीं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर, हाँ ये माता ही सबसे पहले आई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो एक भीष्मक नाम राजा थे विदर्भ देश में, उनकी 5 बेटे और उनकी सबसे छोटी कन्या श्री रुक्मिणी, ये माँ लक्ष्मी, ये नारद जी को ये बात बता, इसलिए नारद जी बचपन में कृष्ण की मीठी मीठी प्यारी प्यारी मधुर मधुर कथा सुनाया करते थे। अभी कृष्ण कथा सुनते सुनते उसको दिल में कृष्ण ही बैठे, बोले मैं शादी करूंगी ना, केवल द्वारकाधीश से शादी करूंगी और किससे शादी नहीं करूंगी। अभी उसका भैया रुक्मिणी था, बोले क्या मेरी बहन का शादी कृष्ण के साथ में, ये ग्वाला गैया चराया करता था, भैया की ग्वाला से शादी नहीं होगी, हम तो राजा महाराज से शादी करवाएंगे। एक मिनट कोई खड़े जा, कोई खड़े हो जाए, 2 मिनट, इसलिए किसी राजा महाराज से हम शादी कराएंगे। बोले किससे, बोले शिशुपाल से। रुक्मिणी का जब पता चला मेरी भैया शादी शिशुपाल से करवाना चाह रहे, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और बड़े ही सुंदर एक पत्र लिखे। अभी कृष्ण रुक्मिणी को नहीं और रुक्मिणी कृष्ण को नहीं देखे, दोनों दोनों को देखे नहीं, लेकिन ये रुक्मिणी इतने सुंदर पत्र लिखती है, जो पत्र देकर कृष्ण उसमें सुख हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले भैया पत्र में क्या लिखा हुआ था, पत्र में लिखा हुआ था हे प्रभु जगत में सबसे सुंदर आप ही हो, आपसे जगत में कोई सुंदर है ही नहीं, इसलिए गोपियां कभी कभी कृष्ण का ताना मारती हैं, हे नंदलाला
तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती कर रही थी। अच्छा हुआ तेरे को भगवान ने लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। अगर तू लाली होती ना तो इतने सुंदर है, तेरे को पाने के लिए पृथ्वी में जितने क्षत्रिय सब के सब मर जाते, इतने तू सुंदर हो। इसलिए बोले हे प्रभु जगत में सबसे सुंदर तू हो। पति मतलब क्या? बोले प मतलब होता है हमें जो पालन करे, ती मतलब संसार से जो तार दे। हमें कौन पालन कर रहे हैं और कौन तार रहे हैं? ठाकुर है। तभी जगत में कोई पति बनने का लायक नहीं है। बोले क्यों? हम जिसको पति कहते हैं ये टाटी पेशाब खून पी शरीर को पति हम कहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में मांग मिट जाती है, सिंदूर मिट जाती है, शंखा टूट जाती है। एक साल से नहीं, इतने जन्म से हम मांग भर रहे हैं और मांग मिटा रहे हैं। बोले कब तक भरते रहोगे, कब तक मिटाते रहोगे? इसलिए बोले ना ऐसे बर को क्या भरे, तो जन्मे और मर जाए, बराबरी और गोपाल दूसरा जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। एक बार अगर कृष्ण को पति रूप में पाओगे ना, फिर तो कभी पति बदलना नहीं पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के वही पति बन जाएंगे। इसलिए बोले हे प्रभु आप तो पुरुष सिंह हो, जगत में सब सियार है, अगर शेर के हिस्से को अगर सियार ले लिया तो फिर शेर का बदनाम ही है। इसलिए जन्म जन्मांतर से ये शरीर छोड़ते रहूंगी, लेकिन किसी सियार को ग्रहण नहीं कर सकती। इतने सुंदर पत्र लिखे, बोले कैसे उठा करके? उन्होंने को भी बोल दिए, बोले हम शादी से पहले ये राजकुमारी नगर से बाहर जाती है माँ को पूजा करने के लिए, देवी को। जब मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी आप अपना पराक्रम को वहीं पर दिखाना और बीच से मेरे को अपहरण करना। इतने में जब वो गई सखियों के साथ में, शंकर पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने वेद मंत्र से इन दोनों को शादी करवा दिए। लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं थी, चारी तरफ में सैनिक घेरे हुए। क्यों? शिशुपाल को पता रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती है, इसलिए पहले से ही अपना सैन्य सामर्थ अपना दोस्त को लेकर के आए। अगर कृष्ण बीच में आए उसको छक्का छुड़ा देंगे। चारी तरफ में घेरे हुए सैन्य सामर्थ। इतने में माँ रुक्मिणी को पूजा करके निकलती है, अपना घूंघट को निकाली। रुक्मिणी कौन है? ये जगदम्बा जो है जननी, ये माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान की पराशक्ति लादिनी शक्ति। उसने जो घूंघट को निकाली, उनकी जो माया शक्ति थी वो इतनी सुंदर थी, जितने वहां पर सन्निधि थे ना, दर्शन करके वहीं पर सब बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट होते हैं, रुक्मिणी को बोलते रुक्मिणी आओ। रुक्मिणी का हाथ पकड़े रथ में बैठा है, और उनका साथ में जो सहेलियां थी ना, रुक्मिणी बोले राम राम मैं तो जा रही हूँ, हाँ मैं तो जा रही हूँ। कृष्ण तो रुक्मिणी को लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद में सैनी का होश आया, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले जिसका था उसने लेकर गई। बोले भैया मारो मारो पीओ पीओ। इतने में दाऊ भैया आ गए, बोले कन्हैया चिंता मत कर, रुक्मिणी को तू लेकर जा, मैं इनको निपटा देता हूँ। दाऊ भैया निकाला अपना हल और मुसल, मार मार करके सबको वहां से खदेड़ दिया और रुक्मिणी को लेकर द्वारका गए और भगवान की बड़ी सुंदर शादी हुई। देखो ये कथा का शिक्षा दिया है। बोले भैया रुक्मिणी कौन? बोले जी हम समझो भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगी? बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ बना सके। जब तक जीवन में सत्संग कथा नहीं सुनेंगे, जैसे नारद जी की कथा सुनते सुनते रुक्मिणी की प्रेम कृष्ण के प्रति हो गया। अगर हम जब सत्संग सुनेंगे तभी तो कृष्ण के प्रति प्रेम होगा ना, अगर कथा नहीं सुनेंगे तो प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जरूर यहाँ पर आप लोग आना शनिवार को, ठीक है ना? और अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर जरूर दे करके जाना। यहाँ भारती बैठी हुई, फिर सत्संग से प्रभु का बुद्धि प्रेम जगता है। पर इतने में क्या होता है, उसने कृष्ण को पास में पत्र लिखती है, बोले हे प्रभु मेरे को यहाँ से निकालो। लेकिन रुक्मिणी चारों तरफ में सैनिक से घिरे हुए, हम भी ये दुनिया की माया में घिरे हुए हैं, माया से हम घिरे हुए हैं। लेकिन कृष्ण को अगर प्रेम की पत्र लिखोगे ना, कहते उन्होंने के ब्राह्मण को बुलाया। अब ब्राह्मण को पत्र देकर भेजा, बोले ब्राह्मण कौन? बोले सदगुरु। ये ब्राह्मण कौन है? ये सदगुरु ब्राह्मण है। जब जीव का प्रेम का पत्र वो ठाकुर जी को पहुंचाता है, ठाकुर जी को प्रार्थना कौन पहुंचाएगा? ये सदगुरु पहुंचाते हैं। पर ठाकुर जी आ करके हम जो मायादी संसार में गिरे हुए, पर ठाकुर हमें यहाँ से उठा करके अपना
बोलो तो वृंदावन ले जाते हैं, फिर तो ठाकुर का हम गोपी बन जाते हैं, पर जिंदगी भर ठाकुर का सेवा करते करते हमारी जीवन धन्य हो जाती है। बोले श्री रुक्मणी रामायण भगवान आज्ञा बजाय था, इनको दो माला दे दो, हाथ में दो रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय श्री राधे हरे कृष्ण। देखो अभी कथा के बाद में ना यहाँ पर ठाकुर जी का दीप दान आरती करेंगे, फिर वहाँ फूल की होली होगी, ठाकुर जी की फूल की होली खेलेंगे, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। हर देखो देखो ये कथा में हरे कृष्ण इधर सुनो, कभी ये कथा में कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से आप लोग ने हर तरह से सेवा की है, आप लोग ने हर तरह से सेवा की है, इसलिए आप लोग ने कोई कोई रोज रोज ठाकुर के लिए प्रसाद भी दिया, आप लोग ने प्रसाद पाए हरे कृष्णा। इसलिए ये कथा में जो किसी ना किसी तरह से हैं, किसी ना किसी तरह से अगर केवल आए केवल कथा ही सुने, अगर एक मानसिस की काठा काठी भी किसी ने दे दिया ना, ठाकुर जी शब्द सब देख रहे। माता जी हरि बोल, चुपचाप बैठो, खड़े हो बैठना नहीं, आप बैठो। हाँ देखो ये कथा में जिन लोगों ने किसी ना किसी तरह से मदद किया है, हैं, मैं सभी के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी सबको आशीर्वाद दे, ठाकुर जी सबका आशीर्वाद दे, और आप लोग सबके साथ मिलते जुलते रहो और खूब भगवान की सेवा करो, ठीक है ना। और ये कथा में जैसे आई जो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग हैं, इसका किसका नाम लो, सब लोगों ने कोई रोज रोज घर से प्रसाद बना करके लाए, हम लोग के लिए प्रसाद बना करके लाए, किसने यहाँ पर खाना खिलाए, किसने ला करके पहले आसन की व्यवस्था की, किसने कोई पैसा से, कोई हर तरह से कुछ ना कुछ भक्त लोगों ने यहाँ पर मदद किया है, तभी ये कथा इतने बढ़िया रूप में सक्सेसफुल हुई। और कथा में आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए, अगर कथा सुनने के लिए नहीं आया तो फिर हम कथा किसको सुनाते, अपने घर का सारे सुख छोड़ करके कथा सुनने के लिए आए, इसलिए आप सभी के लिए बाकी बिहारी गुरु जी सबको आशीर्वाद दे, कृपा करे, और आपको सबको सब कृष्ण की भक्ति मिले, इसलिए आप लोग के लिए जोर से ताली बजाएं। देखो यहाँ पर श्री हैं, यहाँ पर हमारे जो कीर्तन करने वाले जो प्रभु की आशीर्वाद बजा रहे, देखना आपको एकदम नचा दिया ना, इनके अंगुली चलते ही अब नाचना शुरू कर देते थे, ये वृंदावन से श्री श्याम सुंदर प्रभु जी और हमारे को पेड़ बजा रहे हैं, श्री मदन मोहन प्रभु जी और श्री सुदामन प्रभु जी बड़े सुंदर से ढोलकी बजा रहे हैं, आप भी इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और देखो हमारे ये माइकी वाले भैया, ये हमारे माइकी वाले भैया, इसको पहले हरिनगर में कथा हो रही थी, वहां भी आए, हमारे जहाँ जहाँ कथा जाते हैं ना ये हमारे साथ में चलते रहते हैं, बड़े सुंदर माइक को अच्छे तरह से चलाते हैं, इसलिए आप इनके लिए भी ताली बजाओ। हरे कृष्ण। हाँ देखो और किस किस का नाम लो, आप सब का नाम ले लिया, ठीक है हरे कृष्ण। और कोई विषय, हाँ धीरज प्रभु जी, धीरज प्रभु जी है ना, ये इन्होंने पूरा अपना परिवार को लेकर के आए, इनकी बेटा बहू नाती पोती हाँ इनका पूरा परिवार आए, और हमारे श्री कृष्णदास प्रभु जी हैं, श्री कृष्णदास प्रभु जी हाँ शुभ कृष्ण प्रभु जी, शुभ कृष्ण प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु जी, क्या नाम प्रभु जी, हाँ प्रमोद प्रभु जी, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग ने आप लोगों ने सबके सब हर तरह से सेवा किए हैं।